और मेरे को लगता है इससे बहुत फायदा होने वाला है राजस्थान क्रिकेट को. वेल ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच दीपक. अगर आप टॉस जीते तो आप भी क्या पहले गेंदबाजी ही चुनते? नहीं, मैं खुद कंफ्यूजन में था कि पहले बॉलिंग करें या बैटिंग, तो अच्छा हुआ कि मैं टॉस हार गया. कल ओपनिंग सेरेमनी में आप थे, आपके लिए कल का अनुभव और साथ में आपने कुछ समय भी बिताया था, कपिल पाजी भी आए हुए थे. मैं पाजी से पहली बार मिला था, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वैसे मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी कि उनसे मैं मिल पाया, क्योंकि मैं हमेशा से उनको देखता हूँ और मैं मानता हूँ वो उन कुछ लोगों में से जिनकी वजह से आज हम लोग इस स्तर पे, क्योंकि अगर हम 83 का वर्ल्ड कप नहीं जीते शायद हमारी आज क्रिकेट यहाँ नहीं होती जहाँ पे हाँ हम लोग हैं. जो भी लोग कुछ भी कर पा रहे हैं स्टेज पे, शायद मैं मानता हूँ कि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तो मेरे लिए वो हमेशा से हीरो हैं और कल मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो काफ़ी खुशी हुई. और RPL की बात रही तो हम बहुत साल से चाह रहे थे सारे प्लेयर्स कि RPL हो, हमेशा बीच बीच में न्यूज़ आती रहती थी कि अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियसली एक बड़े टूर्नामेंट को कराने का काफ़ी एफर्ट लगता है और टाइमलाइंस भी काफ़ी अलग होती हैं, क्योंकि कुछ टूर्नामेंट होते हैं. और अच्छी बात है कि हमारे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, सब लोग खेल रहे हैं, वो काफ़ी टीम्स को अच्छा मिलेगा और जो भी यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मौका मिलता है और सीखने का, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप खेलते हो, TV पर खेलते हो, आपको घर वालों को प्राउड फील कराते हो. काफ़ी लोग थे कल, जो लोग आप देख सकते हैं कितना जोश था कल स्टार्टिंग में, पहली बॉल से चौके छक्के लगाने की कोशिश और लड़के बहुत एनर्जेटिक थे. तो ऐसे टूर्नामेंट बहुत कुछ सिखाता है प्लेयर्स को और हम चाहते हैं कि पूरा टूर्नामेंट अच्छे से और काफ़ी कुछ सीखें यंगस्टर्स. दीपक चहर को हम सब जानते हैं, बहुत खूबसूरती से वो गेंद को लहराते हैं बाहर अंदर राइट हैंड बैट्समैन को. इस टूर्नामेंट में दीपक चहर क्या कोई नई गेंद का इजाद करने की कोशिश करेगा? बोले बहुत ज़्यादा है मेरे पास, नई तो नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली कि जो भी मैं IPL के बाद मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि इंजरी से काफ़ी प्रॉब्लम रही 1-2 साल, तो IPL के बाद ये मेरा पहला प्रॉपर मैच होगा, क्योंकि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि अगर लगातार इंडियन टीम में खेलना है या IPL में खेलना है तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे खुद के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा टूर्नामेंट कि मैं कैसे अपनी बॉडी को इतने टाइम बाद मैनेज करता हूँ और कैसे बॉलिंग करता हूँ. वो मेरा दिमाग उस तरफ है, अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ, होपफुली हम जीते टूर्नामेंट और बैटिंग में जितना ज़्यादा योगदान हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगा. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक दीपक. थैंक यू सो मच. सीकर ने टॉस जीता और वो पहले गेंदबाजी करेंगे. भीलवाड़ा बुल्स टीम पर एक नजर दौड़ा दीजिए, एक ऐसी टीम में जिसके पास अच्छी खासी गेंद, दीपक चहर के नेतृत्व में ये टीम आज यहां मुकाबले में उतर रही है. इसके अलावा कुणाल, लखन, अजय, मोहित, हेमंत, तो भीलवाड़ा बुल्स किस तरह की शुरुआत करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उनका ये सफर कैसे आगे बढ़ेगा. टॉस शेखावती सोल्जर्स ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. SSS शेखावती सोल्जर्स सीकर, लुमरोर जो कि टीम के कप्तान हैं उन पर बहुत बड़ी भूमिका होगी, बहुत दारोमदार होगा अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का. ऋतुराज ने हाल फिलहाल बढ़िया प्रदर्शन किया है, शुभम, कन्हैया, अभिमन्यु, कार्तिकेय, सचिन और अंकित इस टीम में मौजूद हैं. शेखावती सोल्जर्स सीकर दोनों टीमें इस लीग में आज अपना पहला मैच खेल रही हैं और कुल मिलाकर लीग का ये तीसरा मैच है. मैं हूं संजय बैनर्जी, स्वागत आप सभी का और मेरे साथ हैं निखिल चोपड़ा. खूबसूरत चांद, कितना बेहतरीन नजारा आपके कैमरे में और जाहिर है कि उस चांद को निहारना हर किसी को अच्छा लगता है. फिलहाल पिच रिपोर्ट पर चलते हैं जहां अजय रात्रा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं. आज के दिन का ये दूसरा मैच, टीमें डिफरेंट होंगी, मैच डिफरेंट है, बट एक चीज़ कॉमन है वो है ये पिच. पहले मैच में हमने देखा किस तरह से ये पिच जो है स्पिनर्स को मदद की, 11 विकेट गिरी पहले मैच में दोनों इनिंग्स में और उसमें से 9 विकेट जो है स्पिनर्स के खाते में गई और स्पिनर्स में रिस्ट स्पिनर्स और फिंगर स्पिनर्स दोनों ने विकेट्स ली यहाँ पर. और अगर हम टेम्परेचर की बात करें अभी तो टेम्परेचर जो पहले 30s में था, लो 30s में, अभी
हाई 20s में है, तो थोड़ा सा कूलर है जो प्लेयर्स को और ज़्यादा इंटेंसिटी से खेलने के लिए हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो ग्राउंड डायमेंशन की बात करें, मेरे राइट साइड में जो है अभी ये 67 यार्ड्स है और लेफ्ट साइड में 73 यार्ड्स। पिच थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है यहाँ बैट्समैन के लिए, बट बैट्समैन जो अगर सेट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो इनिंग को लंबे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो टीम का टोटल एक अच्छा डिसेंट हो सकता है, क्योंकि इस पिच पे नए बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट होता है। उम्मीद करेंगे कि एक और अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच हमें आज देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, कमाल की ये पिच है। चाहे आज दोपहर के मुकाबले में प्रद्युम्न रायना लेग स्पिनर, 4 विकेटें उन्होंने चटकाई, हिमांशु नेहरा 3 विकेटें उन्होंने, जब जब गेंदबाज ने थोड़ा धीमी गति से गेंद डाली है परचेज मिली, लेकिन यहाँ पे इसी पिच पे बल्लेबाजों ने भी रन बनाया। एक अच्छा स्पोर्टिंग विकेट जोधपुर में, कड़ाकेदार विकेट। और दोनों अंपायर इस समय इस मुकाबले के, राजीव कोतारा और कचानंद वशिष्ठ मैदान पर जाते हुए चेहरे पर खुशी है, किसी एक मुकाबले को, बड़े मुकाबले को तरीके से संचालित करने की कोशिश। तीसरा मुकाबला है इस लीग का, और जैसे जैसे मुकाबले पढ़ते जा रहे हैं लीग का रोमांच सचमुच पढ़ता जा रहा है। शेखावटी सोल्जर्स की टीम इस समय, और इस टीम के कप्तान है लोमरोर। आप जानते हैं महिपाल लोमरोर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इससे पहले खेलते रहे हैं और काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। सलामी जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर आती हुई, और इस सलामी जोड़ी पर बहुत कुछ दारोमदार होगा मीत भावसार, जो कि टीम के विकेट कीपर हैं, और उनके साथ हैं जुबैर अली खान। दोपहर के भी मुकाबले में देखा था कि बॉल ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं, शाम होती है, तो सफ़ेद बॉल, वो शुरुआत में 2-3 ओवर कुछ ना कुछ पेस बॉलर को मदद मिलती है, और वहीं पे वैल्यू फॉर शॉट्स भी नज़र आएंगे। लाल मिट्टी का ये पिच है, अच्छी उछाल से बॉल बैट पे आता है, जुबैर अली खान उसका लाभ उठाए, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को कैपिटलाइज करने को देखेंगे, साथ में मीत उनके जोड़ी। आप 36 गेंदें पांप लेके कैपिटलाइज कर लेते हैं, एक से ज़्यादा विकेट नहीं गवाते, तो एक अच्छा नींव रखते हैं बाकी के मध्यक्रम के बल्लेबाजों को, कि आके उस चीज़ का पूरा लाभ उठा सकें। क्योंकि महिपाल लमरोर ने टॉस जीता था संजय भाई, और उनकी सोच यही थी कि ऋतुराज बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ आते हैं, कि शुरुआत में आके विकेट्स चटकाएंगे। एक सीज़न इन्होंने आके अपने पहले सीज़न में रणजी ट्रॉफी में बहुत विकेटें चटकाई थी। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का श्रेय था इनको, ऋतुराज को, और आज देखना है कि किस तरह से यहाँ ये इस विकेट पर परफॉर्म करते हैं। भीलवाड़ा पुल्स और शेखावती सोल्जर सीकर, जैसा कि आप सुन चुके हैं, शेखावती सोल्जर सीकर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ज़्यादातर टीमें इस विकेट पर चेज करना पसंद करती हैं, और दोपहर जो कि मैच नंबर 2 खेला गया, उसके बाद ऐसा लगता है कि तापमान में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। सन सिटी कहा जाता है जोधपुर को, और भगवान भास्कर की चमक कुछ तेज ही दिखाई देती है यहाँ पर दोपहर के दौरान। पहला ओवर, पहली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, और ये विकेट ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई पहली गेंद, स्विंग हुई, बहुत ही बढ़िया स्विंग किया, और एक शानदार सफलता यहाँ पर, पहला विकेट गया। जुबैर अली खान बिना कोई रन बना करके चले गए, बहुत बड़ा सदमा यहाँ पर। बढ़िया तरीके से वो गेंद डिलीवर किया था, और एक अच्छा कैच वहां पे, आउट स्विंग फॉलो किया था उस गेंद को, पहली गेंद पे बहुत जोर से प्रहार करने चले गए, और पहली गेंद पे सफलता मिलती हुई वहां पे ऋतुराज को। शून्य पे आउट हुए जुबैर अली खान, शून्य पे एक। New batsman on the crease is Raj Sharma.
फॉर भिलवाड़ा बुल्स जोधपुर मेक्स अ नॉइज़ राज शर्मा नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आए हैं ऋतुराज ने पहली गेंद पर तहलका मचा दिया दो स्लिप लगी हैं जो आमतौर पर इससे पहले खेले गए दोनों मैचों में देखने को नहीं मिली और उसकी वजह बिल्कुल साफ है जिस तरह से पहली गेंद हमने देखी बड़ी खूबसूरत आउटस्विंग उन्होंने डाली और उसमें उन्हें सफलता भी मिली ऋतुराज इस ओवर में अगली बार बहुत ही अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी दिशा लंबाई की गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला मुझे लगता है कि निखिल अगर जुबैर अली खान पहली गेंद में थोड़ा सा ठहरने की कोशिश करते स्ट्रोक ऑफर नहीं करते बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाते तो शायद उनका विकेट सुरक्षित रहता दो स्लिप मौजूद थी और उनकी निगाह उन पर होनी चाहिए थी नया गेंद जब सलामी बल्लेबाज खेल रहा है वो उतावला पर नजर आया कि बैट गेंद की तरफ फेंक दिया था वो चाहते थे कि बैट और बॉल का संपर्क लेकिन स्विंग और मजे की बात अगर दोबारा ये गेंद देखेंगे बैट्समैन के करीब जाके उसके बाद वो कांटा बदलती है टपा खाने के बाद एक ड्रीम डिलीवरी जो लेट स्विंग की बात करते हैं और इनको तो सब कुछ पता है दीपक चहर को भी कुछ इसी कसम की गेंदबाजी करते हैं और यही गेंदें देख के वहां मोहम्मद शमी भी अगर देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे कमाल का रिलीज है बहुत ही बढ़िया बॉल लगातार अच्छी आउट स्विंगर्स डाल रहे हैं और जिस लेंथ पर बॉल पटकते हैं बल्लेबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं और बॉल जब स्विंग करती है तो वो खड़े होकर के निहारना और इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा कट करके बाहर निकलती हुई बॉल को खेला उन्होंने स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में और पहला रन इसके साथ ही जुड़ गया है स्कोर में भीलवाड़ा बुल्स के कंट्रोल बहुत अच्छा और यही आप देखना भी चाहते हैं जब हाथ से गेंद रिलीज होता है वो गेंद की सिलाई नजर आती है वो टप्पा खाने के बाद बहुत लेट मूव करती है और लेट मूव होगी तो फिर वो बैट्समैन के लिए वो दिक्कतें नजर आएंगी और वही हुआ पहली गेंद पे बॉल टप्पा खाने के बाद और तेजी से बाहर गई उसके बाद जो फॉलो अप डिलीवरी नए बैट्समैन को भी थी और उसके बाद वो कंट्रोल नजर आया स्टंप्स के भीतर से ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल को नहीं स्विंग कराने को देख रहे नहीं तो वो रिस्क पोजीशन बदल जाएगी पहली सोच यही कि वो सिर्फ देखते हैं जब वो रिलीज होती है तो पूरी की पूरी कलाई जो है वो गेंद की सिलाई के पीछे रहे वो बैक स्पिन आप गेंद पे डालेंगे सिलाई के ऊपर तभी वो गेंद स्विंग करता है बिल्कुल सीम का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ऋतुराज और अब तक हमने जो दो मैचेस इससे पहले देखे हैं किसी भी गेंदबाज को इतनी खूबसूरत स्विंग गेंदबाजी करते नहीं देखा एक बार फिर गेंद में हल्की सी हरकत थी लेकिन उसे अपने पैड पर आने से पहले हल्के से केवल एक दिशा भर दे दी एक रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज तोड़ करके पूरा कर गए दो रन एक ओवर के बाद एक विकेट पर दोनों टीमें जुबैर अली खान जो पारी की शुरुआत की थी लेकिन पहली गेंद पे पवेलियन गई राह दिखाई वहां पे ऋतुराज ने मीत भाव सर राज शर्मा ऋतिक शर्मा दीपक चहर जो कप्तानी कर रहे हैं और वहीं पे महिपाल अम्बोर रामनिवास गुलाडा ऋतुराज 54 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं संजय भाई 176 विकेट्स हैं लाल गेंद के माहिर क्योंकि दावे के साथ कह सकता हूँ जैसे ही वो लाल गेंद एसजी टेस्ट का बॉल पुराना होता होगा तो इनका गेंद जिस तरीके की इनकी कलाई रहती है रिवर्स स्विंग भी जरूर कराते होंगे 176 विकेटें 54 मुकाबलों में बहुत बड़ी वो कामयाबी
बिल्कुल प्रति मैच अगर आप देखें तो तकरीबन 3.5 विकेट और अच्छा ड्राइव 4 रनों के लिए। अभिमन्यु की पहली गेंद सीधे निकाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, नीट के बल्ले से निकला हुआ यह स्ट्रोक, पूरे नियंत्रण में, पिक्चर परफेक्ट, आंखों के नीचे वो गेंद खेली, स्विंग को किस तरीके से खेलना है, लेट खेला, जोर से नहीं मारने को देखा, सिर्फ फुल फेस ऑफ द बैट, कमाल की टाइमिंग। और बतौर सलामी बल्लेबाज ये देख के अच्छा लगा इस T20 फॉर्मेट में, 120 गेंदों के फॉर्मेट में, कि जोर से मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम करके आप अगर बॉल को गैप में धकेलेंगे तो रन्स मिलेंगे आपको। अच्छी बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को मीत ने देखा भाला और कोई जोखिम नहीं लेना चाहा, जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। जब तेज गेंदबाजी हो रही हो तो आपको अपनी ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमानी से रन स्कोर करने चाहिए, बॉल को आप डिफ्लेक्ट करें, हल्का सा बैट के साथ कनेक्ट भी अगर होता है तो 4 रन मिलते हैं, क्योंकि बॉल की गति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जोखिम मोलने की एक कवायद दिखाई दे रही थी लेकिन एन वक्त पर अपना इरादा बदला, थोड़ी सी घबराहट पहला विकेट गंवाने के बाद दिखाई दे रही है इस समय बल्लेबाजों पर। सिंगल चाहते थे वहां पे, मीत वापस भेजा, डरा खेत के पास, लेकिन उसके बाद जो बैकअप रहा और ये देख के आप बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। सीकर की टीम की जो ऊर्जा नजर आ रही है, खास तौर से वो 30 यार्ड के दायरे के अंदर, कि हम सिंगल नहीं लेने देंगे और यही आप देखना चाहते हैं बतौर बॉलिंग यूनिट। और इस बार फिर समझ भी नहीं पाए मीत के बॉल है कहां, संभवतः अपने पैड पर बॉल फंसा करके वो दौड़ना चाहते थे, उन्हें पता भी नहीं था। इनसाइड एज, अच्छी लाइन और लेंथ। कई बारी जब आपके पाले में गेंद नहीं होती तो फिर आप स्कोरबोर्ड चलाने की कोशिश हमेशा देखते हैं कि हल्के हाथों से खेल के आप वो सिंगल ले लें। गौतम गंभीर ये बहुत करते थे जब सफेद बॉल की क्रिकेट खेला करते थे। बिल्कुल निखिल, ये प्रेशर को भी दिखा रहा है क्योंकि एक विकेट ऑलरेडी गिर चुका है, रनों की रफ्तार बहुत धीमी कही जा सकती अब तक पावर प्ले के हिसाब से। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही महीन, बहुत ही फाइन खेला था इसे, 4 रन मिले मीत को, मीत पहुंच गए 9 पर। ऑन द लेग साइड और वो बैट लगता भी नहीं तो वाइड हो जाती गेंद। फाइन लेग का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे में, सिर्फ दिशा दिखाने की, और वही हुआ, बैट का अंदरूनी किनारा वही काफी था, बॉलर की पेस का इस्तेमाल किया। अच्छा ओवर ये, अब तक ओवर की शुरुआत चौके के साथ और इस ओवर की 5वीं गेंद वो चौके में तब्दील हुई, बाकी बीच में वो 3 डॉट बॉल है तो 3 डॉट बॉलों का प्रेशर वो चौके के साथ रिलीज हुआ। बिल्कुल आखिरी गेंद इस ओवर की, दूसरा ओवर समाप्त होगा इसके बाद, और इस बार बॉल को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, इकलौता रन और इसे 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद भीलवाड़ा बुल्स 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत हो रही है, पिछले ओवर में ऋतुराज को कामयाबी मिली, अद्भुत गेंदबाजी की है और इतनी बेहतरीन स्विंग, आउट स्विंगर्स पिछले दोनों मुकाबलों में देखने को नहीं मिली, जिस तरह से ऋतुराज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली की गई है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई गेंद और एक बार फिर वही रन लेने की छटपटाहट, दौड़ गए थे मीत लेकिन एन वक्त पर फिर वापस लौटे, थोड़ा सा एंगल बदला मीत के खिलाफ ऋतुराज ने,
نہیں رہنا چاہتے تھے, وہ اسکور بورڈ چلانے کی کوشش, لیکن سوچ دیکھیے متر آج جب گیند ریلیز کر رہے ہیں تو چوتھے اسٹمپ کے باہر وہ ریلیز, کیونکہ وہ کانفیڈنس ہے کہ ریلیز کریں گے, کلائی کی پوزیشن اچھی ہے, بیک اسپن رہے گی تو گیند اپنے آپ واپس لہرائے گی. اسپار کھیلنا چاہتے تھے بال کو آن سائڈ پر لیکن طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پائے. بائیں ہاتھ کے بلے باز عام طور پر پہلے اس گیند پر نظر دوڑا لیں, پیڈ پر لگتی تھی لیکن لیگ اسٹمپ کے باہر. تو بائیں ہاتھ کے بلے بازوں کا جو میں ذکر کر رہا تھا نکھل, یہ ان کی ایک سوبھاوک سی ایک شیلی ہے, عادت سی ہوتی ہے کہ رن وہاں پر ہو یا نہ ہو بیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہی خود بخود تین چار اسٹیپ وہ آگے نکل آتے ہیں. یہ سنجے بھائی صرف لیفٹ ہینڈرز کی ہی دقت ہے میرے خیال ہے زیادہ ہے, میرا خیال ہے زیادہ ہے, اور اس لحاظ سے میت کو جو ہم نے دیکھا ہے بار بار وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک رن ملے اور وہ نان اسٹرائکنگ اینڈ پر پہنچ کر کے خود کو تھوڑا سرکشت محسوس کریں, کیونکہ ریتوراج جس طرح کی گیند بازی کر رہے ہیں اس کا ایک خوف تو ہے ہی. اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا کہ کھیلنے کے بعد دو تین قدم آپ لیتے ہیں بطور بیٹسمین, جیسے نان اسٹرائکر ایک سٹارٹ لیتا ہے تو بہت ضروری کہ بیٹسمین بھی وہ سٹارٹ لے, لیکن وہ جو سٹارٹ ہے آپ کے بیٹنگ پارٹنر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف سٹارٹ ہے, نہیں تو وہ تال میل میں وہ دقتیں رہیں گی تو ہاں نہ ایک رن آؤٹ میں ریزلٹ کرے گا. اور ایسا ہوتا ہے عام طور پر, آپ دیکھیں گے جب لیفٹ اینڈ رائٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے تو ہاں نہ کئی بار ہو جاتی ہے اور اس کا خمیازہ بھی چکانا پڑتا ہے. اور اس بار فلر لینتھ کی ڈیلیوری لیکن لیگ سٹمپ کے باہر, اور سب آف دا پیڈ پر لگی تھی اور اس کے بعد پیچھے جاتی ہوئی, لیگ سٹمپ کے کافی باہر بال تھی. شاید بیٹ زمین پہ لگا یا پیڈ پہ لگا وہ آواز آئی تھی, لیکن ڈاؤن دا لیگ سائڈ ضرور تھی. سوئنگ جب آف سٹمپ پہ گیند ڈالی ہے تو وہاں پہ نظر آئی, کیونکہ آپ لیگ سٹمپ پہ بال سوئنگ کرانے کی کوشش کریں گے تو رسٹ پوزیشن چینج ہوتے ہی مان وہ گیند اسی لائن چلا جائے گا, وہاں سے سوئنگ نہیں ہوگی. آف سٹمپ ادبھت گیند, ادبھت گیند, ہلکا سا آف سٹمپ پر ٹپا ڈال کر تھوڑا سا اور باہر نکالنے کی کوشش اور بال کو پھر پوری طرح سے سمجھ نہیں سکے. گیند سوئنگ تو ضرور ہو رہی ہے, اب جب گیند سوئنگ ہو رہی ہے بطور بیٹسمین آپ زور سے مارنے جائیں گے, راج کے ساتھ بھی دیکھیے گا جب بیٹ نیچے آ رہا ہے تو آنکھیں دیکھیے گا, گیند کی طرف ہے ہی نہیں, سر بالکل نیچے چلا گیا, تو صرف آپ ایک لائن دے کے بیٹ پھینک رہے ہیں. بالکل, اور قدموں کا جو استعمال ہونا چاہیے وہ بھی نہیں تھا, بال کے ٹھیک پیچھے نہیں آیا, اور اس بار ہلکے سے کیول گیند کو پوائنٹ کی دشا میں کھیلا تھا, کوئی رن بنانے کا موقع نہیں. ریتوراج بہت امپریسو گیند بازی کر رہے ہیں, کافی پربھاوت کر رہے ہیں, کیمرہ جس پر بھی جاتا ہے چہرے پر ایک خوشی تو آئی جاتی ہے, خاص طور پر جب آپ کرکٹ کے میدان پر ہوں تبھی تو سب کھلاڑیوں کے اوپر وہ چہروں پہ وہ ایک مسکان ہے, کیونکہ لائم لائٹ راجستھان پریمیئر لیگ راجستھان کرکٹ ایسوسیشن نے ان کھلاڑیوں کو وہ افسر دیا ہے کہ آپ اپنے پرتیبھا کو نیائے دیجیے. بالکل, ایسے موقع ملتے کہاں ہیں, اور جب ایسا موقع ملا ہے تو دیکھیے آج ریتوراج کتنا پربھاوت کر رہے ہیں, ان کا صرف دوسرا اوور ہے, چار رن دیے انہوں نے, ایک وکٹ لیا ہے, اور اس سے بڑی بات کہ ہر گیند بہت ہی اچھی ڈال رہے ہیں, اور اس بار پھر پوائنٹ پر کھیلا, اوور کی سماپتی, تین اوور کے بعد 13 رن ایک وکٹ پر. بھیلواڑا بلز پہلے بلے بازی کر رہے ہیں, ٹاس جیتا تھا شیکھاوٹی سولجر سیکر ٹرپل ایس نے, اور ٹاس جیت کر کے بھیلواڑا سے کہا کہ آپ بلے بازی کیجیے, گیارہ گیندوں پر
11 रन बनाए हैं मीत ने और राज का सिर्फ एक रन है 6 गेंदों का सामना करने के बाद। तो यह स्थिति है और 13 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है भीलवाड़ा बुल्स का। राजेश थोड़ा सा स्पिन की तरफ रुक गया और इसी का इंतजार कर रहे थे डाउन द ग्राउंड, वो मौका मिला, स्लॉट में गेंद थी। यही फर्क है जब मीत बल्लेबाजी कर रहे हैं वो टाइमिंग पे ज़्यादा कला दिखा रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ज़्यादा बेहतर वो संपर्क हो रहा है। सच भाई राज के पाले में जब गेंद रहती भी है तो बहुत ज़ोर से मारने की कोशिश रहती तो आँखें गेंद पर नहीं जमी रहती। क्या एक ओवर और आप मीडियम पेसर का करा सकते थे, क्योंकि नया बॉल है, थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल रही थी पेस बॉलर को। मुझे लगता है कि ऋतुराज को शायद हो सकता है कि वो जारी रखें, अभिमन्यु पहले ओवर में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके थे, उन्हें बदला है, एक कोशिश है कि एक स्पिनर को भी आजमा करके देख लें। ये पहली गेंद बैट पर लगी लेकिन अपील जरूर दमदार थी लेकिन उस अपील पर टस से मस नहीं हुए अंपायर। करीबी मामला कभी भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप ऑन साइड पे खेल रहे हैं गेंद मिस होती है तो वो चांसेस बहुत रहते हैं। एंगल जो क्रिएट कर रहा था, अगर गेंद हल्का सा भी सीधा हो रहा था तो अच्छा चांस वहां पे, लेकिन इस बारी उसने लाभ उठाया और अच्छी टाइमिंग, 4 रन मिलेंगे मिडॉन के सर के ऊपर से। इस बारी कहीं बेहतर वो संपर्क जो राज खोज रहे थे टाइमिंग, इस बारी वो टाइमिंग नजर आई। वेलकम बाउंड्री उनके लिए, बिल्कुल इस बाउंड्री से हौसला अफजाई भी होगी, रन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बड़ा स्ट्रोक उन्होंने खेला और पावर प्ले में इसकी गुंजाइश होती क्योंकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आमतौर पर नजारद होते हैं किसी भी स्पिनर के लिए। और सेलिब्रेशन का मूड है, भीलवाड़ा बुल्स के भी सपोर्टर्स हैं यहाँ, शेखावत सोल्जर सीकर के भी सपोर्टर्स अच्छी खासी संख्या में। मीत खेल रहे हैं 12 पर, राज खेल रहे हैं 5 पर, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेम फील्ड हुई, कोई रन नहीं। ये बहुत जरूरी, खासतौर से राजस्थान प्रीमियर लीग हो रही जोधपुर इस मैदान में, अपने आप यंग टीम को, राजस्थान क्रिकेट के भविष्य को आप सपोर्ट करने आए, बहुत जरूरी। बढ़िया प्रयास था और ऐसा लगा शायद कैरी की थी बॉल। और फिर से बहुत जोर से मारने गए, ये कैचेस होने चाहिए, गलती से हो गई मिस्टेक जो मौका मिला बिल्कुल गलती से हो गई मिस्टेक और ये ओवर की समाप्ति हुई इसके साथ ही। तो राजेश का पहला ओवर समाप्त 19 रन एक विकेट पर 4 ओवर के बाद। स्कूल के बच्चे राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत को एंजॉय करते हुए, महिला क्रिकेट में भी भारत की टीम लगातार बेहतर कर रही है और इन बच्चियों की आंखों में से भी कुछ के आंखों में वो सपना होगा, क्रिकेटर बनने का ख्वाब होगा। और इस बार गेंद को निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, बढ़िया चौका बल्ले से निकलता हुआ, इस चौके के साथ राज पहुंच गए 10 पर और भीलवाड़ा बुल्स 23 रन एक विकेट पर। कहीं ज्यादा बेहतर नियंत्रण में ये चौका, क्योंकि बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी, सिर्फ दिशा दिखाई, जो रूम मिला और बॉलर की पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, मिस फील्ड। ऐसी फील्डिंग पावर प्ले में हो, अगर वो गेंद रोक लेते तो एक और डॉट बॉल रहती, लेकिन वो चौका जो है वो राज को ज्यादा मदद करेगा।
क्योंकि ऋतुराज के खिलाफ जब जब बल्लेबाजी उन्होंने की है तो वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए। तेजी के साथ दौड़ते हुए एक रन पूरा किया, थ्रो को कवर किया जा रहा था इसलिए ओवर थ्रो की गुंजाइश नहीं हुई। ऋतुराज का जहां तक सवाल है अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। स्विंग को आप अच्छा खेल रहे हैं लेकिन जब जब शॉट मारने को देख रहे हैं फिर से देखिए जोर से मारने को देख रहे हैं, सर पे गौर फरमाइएगा, गेंद को देख ही नहीं रहे, इसीलिए फ्रंट फुट की गेंद टाइम करना वहां राज के लिए थोड़ा सा मुश्किल, बैक फुट पे पूरा समय मिलता है। इस ओवर की वो जो पहली गेंद पे चौका लगाया था तो ज़्यादा समय बॉल बैट पे आते हुए देख रहे हैं लेकिन जैसे ही आगे की तरफ आते हैं तो बहुत जोर से मारते हैं तो आंखें बॉल से हट जाती है। और इस बार थोड़ा सा रूम दिया था और फिर दौड़ने की कोशिश की थी बाएं हाथ के बल्लेबाज मीत ने। ऋतुराज अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, सिर्फ पांचवा ओवर चल रहा है और उसमें से तीन ओवर उनके पूरे हो गए तो यानी कि इसके बाद सिर्फ एक ओवर उनका और बाकी रहेगा। देखना यह होगा कि क्या उस ओवर को भी वो लगातार गेंदबाजी करेंगे या उस ओवर को उनके कप्तान बचा कर रखेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। फिलहाल तीसरा ओवर करते हुए बुरा विकल्प नहीं है क्योंकि उन्होंने रन भी नहीं दिए, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं वो चांसेस हैं विकेट चटकाने के लिए, पावर प्ले में अगर खत्म होते हैं तो आप करा सकते हैं क्योंकि अभी भी नया गेंद का आप ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। पता चलेगा क्या वो एक ओवर बचा के क्या अंतिम ओवर में कराएंगे एक स्लोअर बॉल, वो नकल बॉल डाल सकते हैं, यॉर्कर डाल सकते हैं। दीपक चाहर की हम जितनी तारीफ करें उतना कम क्योंकि नया गेंद इनके हाथ से भी बहुत खूबसूरती से निकलता है, स्विंग कराते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी से ये कह रहे थे कि मुझे अंतिम ओवर में भी गेंदबाजी करने का मौका दीजिए तो माही ने कहा था आपका काम जो है ना नया बॉल से विकेट चटकाने का, पाप ले में गेंद कीजिए, स्विंग कराने की सोचिए, बाकी अंतिम ओवर डालने के लिए मेरे पास फतेह राणा और बहुत से ऐसे गेंदबाज हैं जो डेथ बॉलिंग के मास्टर हैं। बिल्कुल, कप्तान को ये देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऋतुराज को मिलेगा क्या एक और विकेट, संभावना प्रबल है और बिल्कुल मिल गया ऋतुराज का ये दूसरा विकेट और इसके साथ ही भीलवाड़ा बुल्स अब संकट में दिखाई दे रहे हैं 25 विकेट पर। हवा में उछालने की कोशिश लेकिन मैं उसे दूरी नहीं दे पाए, ऊंचाई तो दे गए दूरी नहीं दे पाए और इसलिए बहुत ही आसान ये कैच पकड़ा। ऋतुराज को मिल गई दूसरी सफलता, कमाल की गेंदबाजी और राज आउट 11 रन बना के 25 पे। तो आखिरी गेंद पांचवें ओवर की और अब बहुत बड़ा सवाल होगा क्या ऋतुराज चौथा ओवर लगातार करेंगे या कप्तान उन्हें बचा करके रखेंगे क्योंकि इससे अच्छी गेंदबाजी हो नहीं सकती और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता कि एक ओवर और दिया जाए, एक आध विकेट और निकालने की कोशिश कर ली जाए और इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर आने वाला है। ऋतिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ऋतिक शर्मा भीलवाड़ा बुल्स 25 विकेट, परेशानी में समय भीलवाड़ा बुल्स। और बहुत बड़ा कारण जिस तरीके से गेंदबाजी रही है ऋतुराज की, बॉल को मूव कराया, स्विंग कराया, विकेट चटकाए, ये वाला गेंद भी अच्छे से खेला जरूर मीत ने लेकिन कमाल का ये ओवर रहा 25 पे 2-5 के बाद।
25 पे दो, पांच ओवर के बाद ये पांच प्ले जो है वो कमाल कर रहा है महिपाल। ओवरों ने टॉस जीता था, सीकर पहले गेंदबाजी कर रही है और ऋतुराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है उन्होंने समा बांध दिया और सभी बच्चे इस मैदान में अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा भी उठाते हुए इस तरीके से आज आउट हुए। एक बार फिर से देखें, जब बड़ी हिट मारने की कोशिश कर रहे थे, जब जब गेंद ऊपर गिरा है तो आंखें गेंद पे नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर झुक जाता है, लेकिन वही गेंदबाज के खिलाफ जब बैकफुट पे खेलते हैं तो फिर बॉल को अंतिम समय तक बैट पे आते देखते हैं और सिर्फ टाइम करने को देखते हैं। एक पक्ष है जहाँ पे वो आज इम्प्रूव कर सकते हैं। आयुष मिर्जा, स्वागत है आयुष आपका। धन्यवाद निखिल भाई। और जैसे वो कैच महिपाल लॉन्ग रोड ने पकड़ा था वो देख के बड़ा अच्छा लगा, जहाँ के महिपाल है वहीं का मैं हूँ, तो वो जज्बात अलग उमड़ जाते हैं। पापले कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे वो मीत और राज के बीच में। अब मजे की बात देखिए, ऋतुराज को राज जब बल्लेबाजी कर रहे थे ये बैकफुट से खेला, गेंद पे आंखें जो हैं वो बिल्कुल बनाई रखी और जैसे ही फ्रंट फुट पे गेंद आती तो सर इतना गिर जाता है कि वो आंखें फिर गेंद को नहीं देख रही, सिर्फ जोर से मारने को देख रही हैं। फ्रंट फुट के गेंद को सुधार करना बहुत ज़रूरी है और ये तब होता है जब एक बैट्समैन बहुत ज़ोर से मारने को देख रहा है, सिर्फ टाइमिंग करने को देखेगा तो यही गेंद जाके स्टैंड्स में गिरती है। और शायद इसीलिए तो कहते हैं ना निखिल भाई कि फॉर्मेट चाहे कोई भी हो बेसिक्स हमेशा क्लियर रहने चाहिए आपके, और वो बेसिक्स वही है, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं। सचिन ये चौथा परिवर्तन है, ये चौथे गेंदबाज है जो गेंदबाजी करने के लिए आए, उससे पहले ऋतुराज ने दो विकेट चटकाए। और ये युवा जो इन मुकाबलों को देख रहे हैं, हो सकता है एक डेकेड बाद जब हम दोबारा आरपीएल में आए तो शायद इनमें से कोई उभरता सितारा बनता हुआ नजर आए। जी हाँ, और अब तो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जो हो रही है वहाँ पे वो वुमेन्स प्रीमियर लीग भी कराने को देख रहे हैं जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, तो बिल्कुल अपने सामने अपने हीरोज को देखेंगे तभी तो आप सपना देखते हैं। वकार यूनिस की कहानी सुनाता हूँ, शारजा के मैदान में वो बाहर जब अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते थे 12 साल की उम्र में बाहर से मैचेस देखते थे और तब उन्होंने उस समय एक वो सपना देखा था कि एक दिन मैं भी यहाँ इस स्टेडियम में खेलना चाहूँगा, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो सपना देखना ज़रूरी है और इसीलिए राजस्थान प्रीमियर लीग भी हो रही है कि आने वाला जो सितारा रहे वो राजस्थान से रहे। एक और विकेट यहाँ पे गिरती हुई, बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी, ये खिलाड़ी वहां पे डीप मिड विकेट पूरे ऑन साइड में था, उसी को पिक किया वहां पे मीत ने, बड़ी विकेट ये, एक और विकेट गिरती हुई, मैं भी चाहूंगा ऋतिक आउट हुए। सचिन हल्का सा रुक के वो गेंद डालते हैं, बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया लेकिन शायद वो टाइमिंग इतनी खूबसूरत नहीं रही थी। और आज का चाहे ये दूसरा मुकाबला हो, पहले मैच में भी हमने यही चीज देखी, फील्डर को ज्यादा मूवमेंट करने की आवश्यकता पड़ी नहीं है, थाली में परोस के वो कैचेस दिए गए। विकेट हुआ पतित, तीसरी सफलता मिली है गेंदबाजों को, ऋतिक शर्मा एक बना कर गए 28 पे 3। Everybody, 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 everyb
भिलवाड़ा की टीम का स्कोर 28-3। पिछला विकेट वृद्धि के रूप में पतित हुआ, तो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए दीपक चहर, भिलवाड़ा बुल्स के कप्तान। 133 मैचेस खेले, रन साला की 319 है, एक दफे अर्धशतक भी लगाया, लेकिन वो स्ट्राइक रेट 132 का। और क्योंकि आईपीएल का भी तजुर्बा है, बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को भी कई दफे मुश्किल सिचुएशंस में बल्लेबाजी करके दिखाई है इस खिलाड़ी ने। बहरहाल अंतिम गेंद है ये पावर प्ले की, स्लिप लगा रखी है, सिर्फ एक डिफेंसिव शॉट ऑफ पर किया और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद भिलवाड़ा का स्कोर 28-3 विकेट के नुकसान पे। किस डॉट गेंदे खेली, सिंगल्स 11 आए हैं, इन टोटल 28 रन भिलवाड़ा की टीम ने बनाए हैं। और पावर प्ले का सूरत हाल ऋतुराज का राज रहा था, जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने गेंद को घुमाया था, हालांकि कुछ बड़े शॉट भी देखने को मिले। जहां तक भिलवाड़ा बुल्स के बल्लेबाजों की बात है, लेकिन कुछ आला दर्जे की गेंदबाजी, पावर प्ले के अंदर अपने ओपोनेंट को 5 की रन रेट से भी नीचे रोक के रखना, उससे साफ पता चलता है कि उस गेंदबाजी यूनिट में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और जब जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं, परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और परिवर्तन यहाँ भी है। कॉम बॉक्स में मेरे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय रात्रा, स्वागत है अजय भाई। थैंक यू आयुष। और ये पावर प्ले जो है पूरी तरह सीकर के फेवर में रहा, 3 विकेट पहले पावर प्ले में अगर ले लो तो किसी भी टीम के लिए वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। पेसर्स वापस अटैक में, मिसफील्ड हुई है। कॉम्पिटिटिव मुकाबलों के अंदर आप ऐसी साधारण सी फील्डिंग की उम्मीद नहीं करते। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो है शायद फील्डर ने बॉल से आंख हटा ली थी और बैट्समैन अलर्ट थे कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको रन्स में कन्वर्ट करें। और फील्डिंग की बात करें, पहले भी ऑलरेडी हमने 6 ओवर का खेल हुआ, लगभग पहले भी कुछ मिसफील्ड देखी हैं, एक कैच भी कवर्स पे मिस किया यहाँ पर सीकर के। कितना करीब था वो विकेट कीपर के दस्तानों के, बहुत ज्यादा दूर गेंद लैंड नहीं हुई थी, लेकिन भाग्यशाली चौका मिलेगा। मीताज लगातार गा रहे हैं रनों के गीत, 19 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाए इस बल्लेबाज ने, एंगल बना के गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, वो थिक शेज ली, विकेट कीपर ने भी डाइविंग एफर्ट दिखाया, लेकिन इस दफे वो काम नहीं आया। जी, और भिलवाड़ा के लिए भी वेलकम बाउंड्री है, आप रन जिस मर्जी तरीके से आए वो आने ज़रूर चाहिए, और इस फॉर्मेट में तो आप एजेस हो किसी भी तरीके से रन जो है आप हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। मीत 21 रन पे पहुंच गया, 19 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और एक छोर कहीं हद तक उन्होंने पकड़ा हुआ। और यहाँ तारीफ करनी होगी लोमरू के, जिस तरह से गेंदबाजी में उन्होंने परिवर्तन किए हैं इस अभी तक के प्ले में। इस बार ड्राइव कर दिया, फील्डर दौड़ जरूर लगा रहे हैं, उसके पीछे डाइविंग एफर्ट आएगा, लेकिन गेंद ये रेस जीत जाएगी। बरकतुल्ला खान स्टेडियम की आउटफील्ड हर मुकाबले में अलग तरीके का रंग रूप लाती हुई नजर आ रही है। पिछले मैच में हमने देखा था गेंद थोड़ी सी स्लो जा रही थी, लेकिन इस खूबसूरत से ड्राइव के चलते एक शानदार चौका मिलेगा। ब्यूटीफुल शॉट, और आप देखिए कि किस तरह से बॉल को, पैर को लेके गए बॉल की लाइन की तरफ, बॉल को अपनी तरफ आने दिया, ऑन द राइट शॉट है, इतना आसान नहीं होता। और अलॉन्ग द कारपेट खेले, वहाँ स्वीपर कवर के पास कोई चांस नहीं था, फील्डर ने प्रयास जरूर किया था। और यहाँ से मीत का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इनिंग में। दो बैक टू बैक बाउंड्रीज कंसीड करने के बाद शुभम की अच्छी वापसी, पहली दो गेंद पे बाउंड्री, इनफैक्ट पहली डॉट थी, फिर दो बैक टू बैक बाउंड्रीज आई थी। छोर में परिवर्तन करने होंगे मीत को और चहर को। और वो पिछला जो पहला चौका आया था, जो एज का चौका आया था, वो राजस्थान में आमतौर पे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स को हम लोग मारवाड़ी में कहा करते हैं आड्डे कट, ऐसे बोलते हैं, वो आड्डे कट ठोक रही है। तो बस कुछ उसी तरीके बल्लेबाजी करने देखी है हमने मीत से। जी जी हाँ, इस फॉर्मेट में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रन किसी भी तरीके से आने चाहिए। ये क्विक रन जरूर यहाँ लेने का प्रयास किया मीत और सक्सेसफुल भी हुए,
दीपक चहर डेंजर जोन की तरफ आ रहे थे। दीपक चहर जो नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने आए हैं, वो स्लोवर गेंद थी, उसके बाद क्विक सिंगल के लिए गए। यदि डायरेक्ट हिट होती तो कहानी कुछ और होती। अपने टाइम को पूरा लिया, क्लोज फ्रेम था, कुछ भी पॉसिबल था, लेकिन कोऑर्डिनेशन मीत और दीपक चहर के बीच में शायद तालमेल बेहतर, उसी के चलते वो रन आसानी से कंप्लीट किया। ओवर की आखिरी गेंद, 39 पे भिलवाड़ा की टीम का स्कोर है। दीपक चहर कप्तान के ऊपर एक अहम भूमिका है, हालांकि सिर्फ एक गेंद खेली, खाता अभी तक इन्होंने खोला नहीं है, और दीपक चहर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। वो फ्रेम चेंज होते ही आपको पता चलेगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उसका कारण ये है कि स्लिप में एक फील्डर को तैनात किया गया है। फर्स्ट स्लिप शुभम डाउन द लेग साइड, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, फील्ड आपने सेट करी है, वो चौथे स्टंप के लिए गेंद आप कर रहे हैं पैड्स के ऊपर, यही परिणाम होना चाहिए, और दीपक चहर ने सही दवाई परोसी है। जी हाँ, यहाँ पूरा मौका दिया इन्होंने दीपक चहर को, और शुभम में भी थोड़ा सा झलका कि कहीं एक्सपीरियंस की कमी है, फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी नहीं की। और दीपक चहर भी जब रन भाग रहे थे तो वो भी नॉन स्ट्राइकर पे जाकर स्लिप हुए हैं, आई होप कि कोई इंजरी उनको ना हुई हो। यहाँ देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, कलाइयों का इस्तेमाल करा और सीधे जाके गेंदबाज से बचने की कोशिश कर रहे थे, पांव स्लिप हुआ है, एंकल ट्विस्ट हुआ है। अब उम्मीद हम भी यही करते हैं कि चीजें सही हो, खड़े होके नजर तो आए लेकिन शायद फिजियो की मदद पड़ेगी। स्कोर 43 3 विकेट के नुकसान पे। भिलवाड़ा बनाम सीकर का ये मुकाबला, भिलवाड़ा की टीम बल्लेबाजी कर रही है, और आमतौर पे हम वो दृश्य इतने जल्दी नहीं देखते कि दीपक चहर इतना ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तजुर्बा, आईपीएल का तजुर्बा लेकर ये खिलाड़ी हैं। ये वो पिछला जो वाकया था जहाँ पे दीपक चहर का पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ, लेकिन अब चीज़ें सब सही है। क्या वो थ्रो होता कि चीज़ें सही आती, हाँ ड्यू फैक्टर अजय भाई इतना है नहीं, लेकिन उसके बाद भी पाँव स्लिप होता हुआ दिखा। कई बार जब आप पिच पे भागते हैं और एडजेसेंट पिचेस है काफ़ी हार्ड होती है तो उस पर कई बार पैर स्लिप हो जाता है, बट अच्छी बात ये रही कि यहाँ दीपक चहर को कोई चोट नहीं आई है और वो फिर से बल्लेबाजी के लिए रेडी हो रहे हैं। और दीपक की प्लानिंग भी इस टूर्नामेंट के लिए थी कि जिस तरह से उन्होंने मैच के पहले टॉस टाइम में उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में अगर वो टेक अवे पर्सनली सोच रहे हैं तो अपने बल्लेबाजी की बात की कि वो बल्लेबाजी में भी उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, शायद उनके स्टैट्स जो दिखाए बल्लेबाजी में उतने इंप्रेसिव ना लगे हों, लेकिन उससे बड़े अच्छे बेहतर बल्लेबाज हैं। हमने देखा, हमने इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने, मुझे अभी भी याद है श्रीलंका में जब शिखर धवन कप्तान थे उस टीम के, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक मैच जिताया था। शूज चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, एक सवाल हो सकता है, स्पाइक्स तो उठे भी नजर आ रहे हैं अजय भाई मुझे। आयुष स्पाइक्स तो आई एम श्योर कि पहले भी डाले होंगे, मुझे लगता है कई बार आप बतौर बल्लेबाज जो है आप कई बार डिफरेंट स्पाइक्स यूज करते हो जिसके आपके वो नेल जो है थोड़े घिसे होते हैं, तो मे बी पिच ज़्यादा हार्ड है तो इसलिए स्पाइक्स चेंज किए हैं। और हम स्टैट्स की बात कर रहे थे, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं दीपक चहर, 133 मैच खेल चुके हैं, रन्स 323 ही दिख रहे हैं, मे बी इसका रीज़न ये है कि डाउन द ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है उनका 133 का है और 150 भी उन्होंने किया है, तो डेफिनेटली जब ये भारतीय टीम के लिए भी खेलते हैं तो एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इनका बैटिंग में भी। बिल्कुल, वो आंकड़े रनों के लिहाज से थोड़े से कम इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा समय पे इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन जब जब मौका मिलता है उसे भुनाते हैं। और फॉर दैट मैटर, अंग्रेजी में एक कहावत है, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, उन आंकड़ों में और इजाफा करने की कोशिश करेंगे। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, गेंदबाजी करने को राजेश तैयार हैं। स्पिन आज कोहराम मचाया स्पिन ने पहले मुकाबले में,
डाउन द लेग साइड थी, बहुत ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए अभी तक गेंदबाज के द्वारा। लोमड़ू लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं, पहले पावर प्ले में ऋतुराज को बड़ा अच्छा यूज किया, उनको तीन ओवर दिए ऋतुराज को, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, बल अच्छा स्विंग हो रहा था, उसके बाद राजेश को लेके आए, देन देखा कि दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं तो ऑफ स्पिनर को लेके आए और फिर से राजेश को यहाँ वापस लेके आए। तो ऑल एंड ऑल अभी तक लोमड़ू ने अपने रिसोर्सेज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से यूज किए हैं। ऑफसाइड की फील्ड आमतौर पे वो 30 यार्ड के घेरे के आसपास थोड़ा सा पैक रखा जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी को बैकवर्ड पॉइंट पे रखा गया है, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन के ऊपर है, पंकज सिंह भारत के लिए भी खेले हैं, राजस्थान के लिए भी इन्होंने अद्भुत गेंदबाजी की है, लेकिन वो जो पैक्ड पूरा एंगल होना चाहिए, वो पूरा कोण जो कवर करके रखना चाहिए, उसको भेदने में इस बार कामयाबी हुई है। जी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है भीलवाड़ा बल्लेबाजों के लिए कि एक पार्टनरशिप बिल्ड की जाए। पावर प्ले के बाद एक अच्छा ओवर मिला उनको, 3 बाउंड्रीज मिली थी 7वें ओवर में, और कहीं ना कहीं वो मोमेंटम चाहिए, क्योंकि जब आप 3 विकेट पहले पावर प्ले में खो देते हैं तो इसका मतलब आप बैकफुट पे हैं, तो आपको वहाँ से रीबिल्डिंग फेज शुरू होता है। देखिए जब मैं टीम स्टाफ और आसपास से हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितने डेप्थ बैटिंग यूनिट में, तो जो आंकड़े सामने आए वो ये थे कि 9वें नंबर के बल्लेबाज तक अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं भिलवाड़ा के लिए, लेकिन स्कोर कार्ड वो दृश्य दर्शा नहीं रहा। जी और आपको टॉप से जो है अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियस मैचेस में भी देखे जब आपके 4-5 विकेट गिर जाते हैं तो सामने वाली टीम भी डोमिनेट करती है। इस बीच थोड़ा रूम जरूर यहाँ मिला दीपक चहर को, एक अच्छा शॉट, वहाँ पीछे प्रोटेक्शन थी, एक ही रन मिलेगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ से वो अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, विकेट्स हाथ में होंगे तो अपोनेंट भी बैकफुट पे होता है, वहीं अगर आपके विकेट्स गिरे हुए हैं, बॉलर्स आप पे हावी हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो क्रिकेट जो है कॉन्फिडेंस का गेम है। ओवर की आखिरी गेंद है, अभी 50 का आंकड़ा पार किया नहीं है और 8वां ओवर अपनी समाप्ति पे, डाउन द लेग साइड थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया, फील्डर वहां पे मौजूद है, यदि फील्डिंग समय पे हो जाती तो शायद रन लेने के लिए और रफ्तार दिखानी होती। ओवर की समाप्ति, 8 के बाद भिलवाड़ा का स्कोर 48 3 के नुकसान पे। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर 28 का था, 20 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि गेंदों को धीरे धीरे देखना शुरू इन दोनों बल्लेबाजों ने कर लिया है और यहाँ से जो रोल अजय भाई वो साफ होना चाहिए, जितना डीप आप खेल सके खेलिए। जी और पार्टनरशिप बड़ी क्विक टाइम में भी, अगर हम देखें तो जो हमने जिक्र किया 20 रन की पार्टनरशिप, वो महज 13 बॉल में हुई, और अगर आपके 3 विकेट गिरे हों उसके बाद आप इस गति से रन बनाएं तो आपको हमेशा वो हेल्प होता है। और हम बात कर रहे थे दीपक चहर की, उनकी पर्सनल बल्लेबाजी में इस टूर्नामेंट से वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके स्टैट्स हों, बट इन दैट प्रोसेस उनकी टीम के लिए भी हेल्पफुल होगा अगर यहाँ वो बल्लेबाजी में रन बनाते हैं, खड़े होते हैं, यंगस्टर्स को वहाँ समझाते हैं। बैट्समैन को पहले ही बाहर आता देख लिया था, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा दूर करी, उसी के चलते एम्पायर ने अपनी बाजू में खोली है, वाइड का इशारा आएगा, सचिन को ये गेंद दोबारा डालनी होगी, साथ ही साथ वो जो सिंगल चुराया, या मौका जरूर क्रिएट किया था सचिन ने, बॉल बहुत ज्यादा बाहर थी, कीपर की पहुंच से भी काफी बाहर, लेकिन यहाँ मौका जरूर बन सकता था, दीपक चहर काफी बाहर निकल गए थे तो यहाँ एक मौका खोया। अपनी गेंद को फील किया और विकेट कीपर जो हमेशा एक्टिव रहते हैं विकेट के पीछे, चाहे अपने दस्तानों के साथ या फिर अपने अल्फाजों के साथ, जब जब दस्ताने काम नहीं आते अल्फाज वो काम कर जाते हैं। मीत बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले कुछ गेंदें डॉट खेली है,
स्ट्राइक रोटेशन पे भरोसा जरूर दिखाया, लेकिन वो ऑफ साइड हमेशा की तरह पैक रहती है, वहां से रन निकालना इतना आसान है नहीं। और उसी बीच 50 का आंकड़ा पार कर लिया, सिंगल डबल्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है अजय भाई कि क्योंकि ये इनिशियल फेजेस है गेम के, इन टीम्स को बिल्ड होने में, आपसी तालमेल बनने में थोड़ा सा समय लगेगा जी। और सब कुछ मुझे लगता है कि शॉर्ट नोटिस में हुआ, शायद टीम्स को ज़्यादा एक साथ वो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला होगा। वो कैंप्स जो होते हैं, आप प्रैक्टिस गेम्स खेलते हैं, आपस में मैच सिमुलेशन करते हैं। यस ऑफ कोर्स वो राजस्थान टीम में इकट्ठे खेलते हैं, बट ये सारे प्लेयर वहाँ राजस्थान के लिए नहीं खेलते हैं। दो और गेंदे बाकी है इस ओवर की, उसके बाद वो मैंडेटरी टाइम आउट। ढाई मिनट का समय जो शायद स्थिति बदल सकता है, मोमेंटम बदल सकता है। एक और डॉट, सचिन की अच्छी गेंदबाजी जारी, 10 गेंदे अभी तक किए, 11 इनफैक्ट, और उसमें सिर्फ 6 रन खर्च करके एक महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने चटकाया है। ऋतिक को सस्ते में निपटाया है, सिर्फ 1 रन के इंडिविजुअल स्कोर पर ऋतिक वापस गए थे। ओवर की आखिरी गेंद, कट करने की कोशिश पूरी तरीके से मिस किया, उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बिलवाड़ा का स्कोर 51, 3 विकेट के नुकसान पे। और इंतजार, चलिए औपचारिकताएं पूरी हुई, समय हो चुका है टाइम आउट का। और सबकी फ्लैशलाइट ओपन करें, आप सारी फ्लैशलाइट ऑन होनी चाहिए। प्लेयर्स को लगना चाहिए कि आज हम यहाँ पे उनके लिए हैं। और म्यूजिक बज रहा है, जितना डांस करना है करिए, ये आपके लिए कुमार अलमारे। राजस्थान प्रीमियर लीग में डबल हेडर्स जारी है। अब देखना यह है कि इस टाइम आउट के बाद कल 2 मुकाबले होने हैं, और उन 2 मुकाबलों में कौन सी 4 टीम्स की बारी है। एक्साइटमेंट अपने चरम पे, हर टीम अपना पहला मुकाबला खेल चुकी है, लेकिन कल जब हम एक्शन में आएंगे तो भिलवाड़ा बुल्स से जयपुर इंडियंस की टीम टकराएगी। जयपुर इंडियंस अपना पहला मुकाबला जोधपुर को हरा कर आ रही है, दूसरा मुकाबला सनराइजर्स की टीम जोधपुर वो टकराती हुई नजर आएगी उदयपुर से। जोधपुर ने अपना पिछला मुकाबला गंवा दिया है, भिलवाड़ा एग्जैक्टली क्या करेगी वो इस मुकाबले में पता चल जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया, सचिन को लाया गया है, लेकिन पिछले 7 गेंदों में मैच 3 रन बने अजय भाई।
जी हाँ, सचिन जो ऑफिन पिछला ओवर उन्होंने कंप्लीट किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ बॉलों में काफ़ी रन कम बने हैं, उसका कारण यही था कि सचिन जो है बहुत अच्छे स्पेल डाल रहे, दो ओवर में 6 रन खर्च किए। बॉलिंग ज़रूर यहां पर अभी चेंज हुई है, कन्हैया एक नए गेंदबाज के रूप में इनिंग का 10वां ओवर शुरू कर रहे हैं। तो लोमरू जो है लंबे स्पेल किसी को नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि बहुत जल्दी चेंजेस, बैट्समैन को सेटल होने नहीं दे रहे। इससे पहले दूसरे लेफ्ट आर्म राजेश भी 2 ओवर डाल चुके हैं, इस बार अपने आप के लिए रूम बनाने की कोशिश की थी, बैकफुट पे गए और उसके बाद फिर वो शॉट निकाला अपने तरकश से, लेकिन एक एक रन से बहुत ज्यादा नाखुश होंगे नहीं सीकर टीम के गेंदबाज। वहीं दूसरी तरफ भिलवाड़ा की निगाहें ये होगी कि कम से कम 12-13 ओवर्स तक गेंद को ले जाया जाए, उसके बाद फिर वो हार्ड हिटिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि प्रेडिक्टेड स्कोर 9 रन से अभी भी वो लगभग 150 तक पहुंच सकते हैं। ये और 9 रन यहां से बनाने के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इनको, बट वो गेम चलाना इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेटिव रिस्क आप लें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म 15 ओवर तक अगर आपके हाथ में विकेट है देन यू कैन स्टार्ट ऑन स्लॉट। कट किया, पॉइंट्स की दिशा में फील्डिंग बहुत अच्छी, आला दर्जे की फील्डिंग रही है आज, जहां तक सीकर टीम की बात है जान झोंक रहे फील्डर्स। ये वो पिछला एफर्ट था, कट किया था और क्विक टाइम में, बहुत ज्यादा समय मिला नहीं था, एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, हालांकि वो थ्रो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं, लेकिन गेंदबाज के हाथों में इस बार फिर उसी दिशा में कट करके दिखाया, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। उस स्विप कवर की दिशा में जब फील्डर रहते हैं वो बैकवर्ड पॉइंट्स को यदि डीप रखा जाता है तो गेंद को कट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। अंकित लांबा, बहुत अच्छा कार्य किया अंकित ने वहां पर बाउंड्री पर, निश्चित तौर से बॉल बहुत ट्रैवल कर रही थी और जब पॉइंट्स पोजीशन पे आप फील्डिंग करते हैं तो बॉल आपके लेफ्ट में अगर है तो वो आपसे और दूर जाती रहती है, तो बड़ा अच्छा एंगल कवर किया अंकित ने। यहां ओवर की आखिरी गेंद है, पेडल स्वीप करने की सोची जरूर थी लेकिन फिर वो अनऑर्थोडॉक्स टाइप से कंप्लीट किया, इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 10 की समाप्ति के बाद भिलवाड़ा का स्कोर 56 3 विकेट के नुकसान पे। जहाँ भीलवाड़ा के लिए मीत ने अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, वहीं गेंदबाजी में ऋतुराज ने 2 विकेट लेकर सीकर के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। स्पीच एक और वाइड, कहीं ना कहीं सचिन बैट्समैन की रेंज से जो है बॉल को दूर रखना चाह रहे हैं, बॉल ज़्यादा स्पिन नहीं हो रही उनकी, तो बैट्समैन से राइट हैंड बैट्समैन से बॉल को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आसान सा सिंगल मिलेगा क्योंकि फील्ड पूरी खुल रखी है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद आमतौर पर जब वो फील्डर्स आपको बाउंड्री के आसपास फेंसिंग करते नजर आते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो बल्लेबाजों के लिहाज से यही कि आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए। फिलहाल स्ट्राइक पे मीट है, लेकिन जब दीपक चहर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वो कैमरा फ्रेम में हम उन्हें देखते हैं तो मुझे लगता है वो जर्सी तो उनके लिए बड़ी फेमिलर है, वो कलर बड़ा फेमिलर है उनके लिए। जी हाँ, यू नेवर नो, उन्होंने डिमांड भी की हो कि उनको येलो कलर उनकी टीम को मिल जाए और शायद आरसीए ने एक्सेप्ट किया हो। तो सचिन जो गेंदबाजी है काफ़ी एंगल्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट हैंड बैट्समैन के लिए भी राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। रूम यहां पर दिया था, पहले इम्प्रोवाइज करने की कोशिश थी मीत, लेकिन अच्छा पड़ा उनको फॉलो किया सचिन ने और कोई ऐसा मौका नहीं दिया बड़े हिट लगाने का। मुझे लगता है सचिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बॉल घुमाते नहीं है बट एक्यूरेट है, बैट्समैन को रीड करने में माहिर है और जब देखा हमने एक दो ओवर पहले कि दीपक चहर ने स्टेप आउट किया तो बॉल को ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर फेंक दिया था, तो बहुत इंटेलिजेंट गेंदबाज है ये और थ्रू द एयर भी काफ़ी क्विक है। इस बार गेंद को शॉट रखा, पुल कर दिया, फील्डर उसके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कैच लपका जाएगा, क्या वो लपका गया है, नहीं, ड्रॉप्ड एफर्ट, एड़ी चोटी का जोर लगा के पहुंच तो गए थे लेकिन गेंद को होल्ड नहीं कर पाए,
जी यहाँ पर बॉल एयर में ऊपर ज्यादा गई थी, लंबी कम गई थी। फील्डर ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, जस्ट फिंगर टिप्स उनके लगे, तो मैं कहूँगा एक अच्छा प्रयास, मायूस नहीं होना चाहिए यहाँ। और लेकिन विकेट बहुत बड़ा था ये, अगर यहाँ एक विकेट मिलता तो निश्चित तौर पर भीलवाला जो है और ज़्यादा तकलीफ में आ जाते। ये फिर वही क्विकनेस, क्विक थ्रू दे, बहुत ज़्यादा टॉप गेंद करा रहे हैं, क्रीज के इस्तेमाल करने का मौका ज़्यादा बल्लेबाज को दिया नहीं है। ओवर की आखिरी गेंद, 60 ऑलरेडी भीलवाड़ा का स्कोर हो चुका है, मिडिल स्टंप के आसपास रखा, रूम दिया नहीं। उसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 के बाद भीलवाड़ा का स्कोर 60, 3 विकेट के नुकसान पे। .45 प्रति ओवर का औसत है और इस औसत से 109 रन के आसपास बनेंगे। तेज करना रामू। बैकफुट पर कई गेम को खेला, मिड विकेट की दिशा में सिर्फ एक लौता रन मिलेगा। कन्हैया का दूसरा ओवर है, मीत पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और भीलवाड़ा बुल्स के लिए लगातार विकेट पर कायम है और इस बार निकाल दिया है एक बड़ा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी, बढ़िया कैच लिया और एक और विकेट यहां पर गवा दिया है। 61 के स्कोर पर भीलवाड़ा बुल्स ने अपना तीसरा विकेट गवा दिया। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन संभवतः भूल गए थे कि फील्डर कहां पर है। मुझे साझेदारी अब 33 रनों की हो गई थी, उसको थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश में सेट बैठ गई, नीत वापस को मिले जाते हुए 32 रन बना के भीलवाड़ा 61 पे 4। तो 4 विकेट गवा चुके हैं भीलवाड़ा बुल्स। कन्हैया को पहला विकेट मिला आपसे कुछ देर पहले। करण लांबा इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं, इस हिसाब से लक्ष्य 120-130 के आसपास हो सकता है, संभवतः वही नजर होगी इनकी। थोड़ा सा हैरान हूँ, करण लांबा जिस नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं 6 नंबर पे और वो क्रीज पे है, क्योंकि इस तरीके से मीत आउट हुए, शॉर्ट बॉल जरूर थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए, सीधा डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद और कैच थमा बैठे, उस एरिया में वो मैदान थोड़ा सा बड़ा है। करण लांबा अंडर 23 में रन बना के आ रहा है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और प्रतिभाशाली खिलाड़ी, इसमें कोई दावा नहीं। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, उसके दो कारण है संजय भाई, या तो आपका बैटिंग ऑर्डर लंबा है या दीपक चहर खुद अपने आप को बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया है, थोड़ा सा मोमेंटम गिफ्ट जो आपका गेयर है उसको शिफ्ट करने की वो कोशिश। अच्छा प्रयास वहाँ पे, जब गेंद रिलीज कर दी थी उसके बाद पाँव जाके बाउंड्री लाइन पे टकरा है। अगर वैसा है तो फिर दीपक चहर को मोमेंटम अपनी टीम के लिए लाना होगा, क्योंकि अगर आप 140-150 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी फिर वो रोल अदा करें कप्तान।
बिल्कुल कप्तानी पारी खेलनी होगी, फ्रंट से लीड करना होगा, जिस मकसद से वो करण लांबा को नीचे लेकर के आए हैं और खुद ऊपर आए हैं वो मकसद उन्हें पूरा यहां पर करना होगा। लेकिन नीचे आने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपका जो निचला क्रम है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और इस बार ड्राइव किया बॉल को सिर्फ एक रन के लिए, इस एक रन के साथ अब 66 चार विकेट पर 12 ओवर के बाद भीलवाड़ा बुल्स। शेखावती सोल्जर सीकर गेंदबाजी का विश्लेषण देख लीजिए। अगर डॉट बॉल का जिक्र किया जाए तो ऋतुराज ने आज सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, 3 ओवर में 12 डॉट हैं, यानी कि हर ओवर में 4 डॉट बॉल उन्होंने डाली हैं। 3.3 की इकोनॉमी है T20 क्रिकेट के लिए। ओहो, और इस बार बॉल हवा में थी, प्रयास भी अच्छा लेकिन पहुंच जब तक कामयाब होती बॉल मैदान से लग चुकी थी। दादेनियों के वहां पे उस प्रयास के लिए भी कभी भी आसान नहीं होता, जब गेंद नीचे की तरफ गिर रही हो आप सामने की तरफ डाइव करनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट के मैच में 200 रन बनाने थे और एक ओवर बचा था, करण ने 5 गेंदे खेलने का अवसर मिला क्योंकि पहले नॉन स्ट्राइकर थे वो, फिर 5 लगातार छक्के मारे थे। ये वो प्रयास, थोड़ा गेंद से दूर रह गए थे, बॉडी वेट नज़र आ रहा था थोड़ा दूर रह गया इसलिए वो गेंद को नीचे नहीं रख पाया, लेकिन अच्छी बात कि बॉल फील्डर तक कैरी नहीं की। बड़ा स्ट्रोक और इस बार किस्मत भी साथ, सीधे 6 रनों के लिए। उनके चेहरे से जो भाव आए, जो एक्सप्रेशन आए, वो भी बता रहे थे कि जिस समय बॉल हवा में थी उनकी सांस अटक सी गई थी कि कहीं कोई बाउंड्री में उसे कैच ना कर ले। ऊंचा शॉट लेकिन किस्मत अच्छी, बाउंड्री के बाहर गिरा और छक्का दिला गया उन्हें। बढ़िया स्ट्रोक, 4 रनों के लिए बिल्कुल कारपेट के सहारे, परफेक्ट बैटिंग दीपक चहर जी। और निखिल जैसा कह रहे थे कि अगर दीपक ने खुद को प्रमोट किया है, ऊपर लेकर के आए हैं, तो अपना किरदार भी निभाना होगा, कप्तान की भूमिका बखूबी पूरी करनी होगी और दीपक फिलहाल वो करते हुए। वो आम बॉल थी, थोड़ा तेज गति से गेंद डाला था और उसी का फायदा भी मिला, बहुत बढ़िया तरीके से टाइम किया, प्लेस किया दीपक ने, छक्का उसके बाद उसको चौके में तब्दील किया, वो 2 गेंदों में वो 10 रन, जितने रन आपको चाहिए थे वो आ गए। और दीपक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, जानते हैं कि कौन से स्टेज पे आके अंतिम वो 3-4 ओवर तक अगर बल्लेबाजी करते रहे तब वो हर गेंद पे प्रहार करें। अभी तो एक साझेदारी, क्योंकि करण लांबा भी एक ऐसे बैट्समैन है, फ्रंट लाइन बैट्समैन है, तो आपको पास बैटिंग पूरी है। 78/4 चेहरे समय तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए। 78/4 विकेट के नुकसान पर भीलवाड़ा बुल्स का स्कोर 133 रन। इस मैदान पर इस लीग के दौरान सबसे ज्यादा स्कोर बना जो आज ही बना था। और इस बार करारा स्ट्रोक खेला, नीचे झुके थे वहां पर कन्हैया,
और उनके हाथ से लगती हुई बॉल की गति एकदम कम हो गई, लेकिन हाथ अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, काफी दर्द है उसमें। और जब आप इस तरह के पावरफुल स्ट्रोक को रोकने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा तो जोखिम होता ही है। अंपायर और स्टंप्स के बीच से निकलते हुए स्टेयर करने की कोशिश, पॉइंट पर गेंद फील्ड हुई। पिछले ओवर में वो छक्का और चौका मारने के बाद नजर आ रहा है दीपक चार उनकी बैकलिफ्ट जो है ना और बड़ी हो गई है। बिल्कुल क्यों ना हो, ये दो धुनर्धर जो कि गोद में इस समय इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं और साथ में चश्मा जो उन्होंने पहना हुआ था खूबसूरत, वो और बता रहा है कि आगे आने वाले समय में वो कितने स्टाइलिश होने वाले हैं। 78 विकेट पर इस समय भीलवाड़ा बुल्स का स्कोर। गेंद का इंतजार किया, उसकी टर्न का इंतजार किया, कन्हैया की अच्छी गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी, रक्षात्मक तरीके से रोका। अनुभव है, तजुर्बा है दीपक चहर के पास, उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा आक्रामक होना भी नुकसान की वजह हो सकती है। कन्हैया की यह गेंद और इस बार बॉलर की दिशा में वापस खेलना चाहते थे लेकिन जड़ पर लगी जाकर के बैट के और स्ट्रोक कनेक्ट हुआ नहीं। इससे पहले वो चार गेंदें लगातार डॉट बॉल और ये पांचवी डॉट बॉल, बड़ा रेयर होता है कि एक बॉलर पांच डॉट बॉल है 14वें ओवर में डाल दे। यही तो गति बढ़ाने की जरूरत है, एक रन चलिए और लिया। इस एक रन के साथ 14वां ओवर समाप्त हो गया और स्कोर हो गया 4 विकेट के नुकसान पर 79। इस औसत के साथ अगर रनों की रफ्तार बनी रही तो सिर्फ 113 का स्कोर होगा। 7 रन अगर बनाते हैं तो 120 प्लस जाएंगे क्योंकि अब सिर्फ 6 ओवर बाकी है, 36 गेंदें, और इन 36 गेंदों का कैसे इस्तेमाल होता है वो देखना होगा। बिल्कुल शुरुआत में ओवर डाला था अभिमन्यु ने, तेज गेंदबाज हैं और अब उनका एंड चेंज किया गया है कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। वो इस समय अपना दूसरा ओवर डालेंगे, पहला ओवर उनका सामने वाले छोर से था, पवेलियन छोर से 9 रन दिए थे और कोई कामयाबी नहीं मिली थी और उस समय ऋतुराज अपने शबाब पर थे। बड़ा स्ट्रोक लेकिन एक बार फिर किस्मत साथ, सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर से, एक ऐसा स्ट्रोक जो नजदीकी हो सकता था। बहुत बढ़िया तरीके से टाइम किया, पिछली 6 गेंदों में इस गेंद को छोड़ दे तो 1 रन बनाया था। पहली गेंद पे प्रहार तो करने जाते ही जाते दीपक, और ये चीज अभिमन्यु को पता होनी चाहिए थी, लेकिन बढ़िया प्रहार वहां पे भीलवाड़ा के लिए कप्तान, एक कप्तानी की पारी खेलते हुए 133 की बात की। अगर ये अंतिम ओवर तक क्रीज पे बने रहे तो 140 भी बन सकते हैं। ये कहीं बेहतर स्ट्रोक, इन साइड आउट मिड ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक 60, कमाल की बल्लेबाजी दीपक द्वारा, लगातार दूसरा छक्का, मुकाबले में रोमांच को पूरी तरह वापस ले आए हैं दीपक चहर, क्या अद्भुत बल्लेबाजी की है। और मुझे लगता है कि निखिल भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, उन्होंने पहले कह दिया था कि छक्का लगेगा, बड़ा स्ट्रोक लगेगा पहली गेंद पर, और वही हुआ। और हैरत की बात यह है कि दीपक सिर्फ पहली गेंद पर नहीं माने, दूसरी गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ दिया। अभिमन्यु की ये गेंद और इस बार डिफ्लेक्ट किया बॉल को, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन से खुश होना पड़ेगा। 11 रन 3 गेंदों पर, नहीं 11 रन नहीं, 2 छक्के और 1, यानी कि 13 रन 3 गेंदों पर। इस ओवर की वो पहली गेंद थे और फिर बहुत जल्दी तरीके से एक कदम आगे चले बॉलर से, जानते थे कि कहां गेंद डालेंगे, लेक्सटन के बाहर जाके रूम बनाया और मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। गेंद को रीड दीपक बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, 41 नाबाद
और मैंने भी अनुमान संजय भाई इसीलिए लगाया था क्योंकि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर की 5 डॉट बॉलें छठी पे हो सिंगल, तो 14वें ओवर में अगर आप सिर्फ 1 रन लेते हैं 5 डॉट बॉल, तो आपको पता कि अगले ओवर की पहली गेंद से ही प्रहार करने को देखेगा बैट्समैन। तो हर गेंद पर रन लेने की कोशिश इस बार करण ने इस गेंद को स्क्वायर लेग पर खेला था 1 रन के लिए। अभिमन्यु महंगे ही पड़ रहे हैं, पहले ओवर में उन्होंने 9 रन दिए और इस दूसरे ओवर की 4 गेंदों पर अब तक 14 रन दे चुके हैं। ऐसा लगता नहीं कि इनका कोटा पूरा होगा, हो सकता है कि इन्हें बदल दिया जाए अगले ओवर में। पहले ओवर में भी कहानी यही हुई थी और इस बार गेंद का इंतजार किया, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बहुत तेजी के साथ दौड़ करके ये रन पूरा किया, गेंद पैड पर लगी थी, लेग बाई का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई बॉल, थोड़ा रूम बनाने को देख रहे थे वहां पे। अच्छा फॉलो किया अभिमन्यु ने, चाहिए थी, आवश्यकता थी एक बड़े ओवर की, ये वो बड़ा ओवर 15 रन 5 गेंदों में। करण एक और बाउंड्री यहां पे अंतिम गेंद पे निकाल सकते हैं, टॉप एज और गेंद आगे जरूर गिरी और लेकिन साथ में 4 रन भी देखे गई, बहुत बड़ा ओवर ये भीलवाड़ा के लिए, 19 रन इस ओवर से 98-4। दीपक चाहर वक्त हालात जज्बात सब कुछ बदल दिया अपनी टीम के लिए, 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिमन्यु का पिछला ओवर वो बुलाना चाहेंगे और अब गेंदबाजी के लिए कन्हैया बिजनेस एंड, आखिरी के 5 ओवर क्लोज टाइट कॉल जरूर था लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि चाहेंगे जरूर दीपक चाहर जितना ज्यादा समय वो क्रीज पे रह सके, क्लोज था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, अगर डायरेक्ट हिट भी होता तो भी बल्लेबाज सेफ थे। करंट स्ट्राइक पे और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अजय रात्रा, स्वागत अजय भाई। थैंक यू आयुष, और हम कह सकते हैं यहाँ से भीलवाड़ा ने जो है थोड़ी रिकवरी की है, 10 ओवर तक बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था, रन बॉल चल रहे थे बट लास्ट 5 ओवर में कुछ 40-45 रन बनाए हैं उन्होंने और इस बार उस रिकवरी में इजाफा करने की कोशिश की है और ये आउटफील्ड दोधारी तलवार सी बन चुकी है। ऑन साइड की तरफ यदि गेंद जाती है तो आमतौर पर बाउंड्री लाइन पार कर जाती है, ऑफ साइड में यदि उसे धकेला जाता है तो रफ्तार कम पड़ जाती है। और रही बात आप वो जो रिकवरी की कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बैंक लोन लेने के बाद में जो रिकवरी होती है उससे भी फास्ट रिकवरी है ये। और खैर वो रिकवरी से अगर और यहाँ से इनको स्कोर को एक अच्छा लेके जाना है, एक बार फिर से लगभग उसी जगह पे बॉल गई बट इस बार जो है बॉल में पेस थी, पहला इनसाइड एज लगा था, यहाँ ये कॉन्फिडेंस के साथ करण शॉट खेले और टीम का स्कोर जो है 101 मुशत के आंकड़ा पार किया है। डाउन द लेग साइड गेंद की थी, ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को दिशा दिखानी थी, बल्ले का फेस खोला और उसी के साथ में वो बाउंड्री एक्सेप्ट की, साथ ही साथ 100 का आंकड़ा पार कर लिया भीलवाड़ा बुल्स की टीम ने। 4.5 ओवर का खेल यहाँ खेला जाना बाकी है, 10 चौके ऑलरेडी लगा चुके हैं, 3 छक्के आ चुके हैं। यहाँ भी बहुत कॉन्फिडेंस है, दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से कंफर्टेबल हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं और उसके बाद जो है स्ट्राइक भी अच्छी रोटेट कर रहे हैं। चहर जो हैं आज जैसा उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी थी, उनकी प्लानिंग थी कि इस टूर्नामेंट में एज ए बैटर भी जो है उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करना है और आज 42 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और मात्र 29 बॉल खेली हैं अभी तक उन्होंने। 41 डॉट बॉल्स के लिए भीलवाड़ा की टीम ने एज ए यूनिट 35 सिंगल्स निकाले, डबल्स भी चार लिए और 10 बाउंड्रीज लगाई, 3 बड़े हिट्स भी आए।
यहां से कितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं ऑफ साइड की तरफ, फिर वो कट शॉट खेला है, स्लैश कर दिया था, पर फील्डर फेंसिंग पे फेंस करते हुए नजर आएंगे और उसी के चलते बल्लेबाज सिर्फ एक ही सिंगल पाएंगे। ओवर की आखिरी गेंद है और उसके बाद हो सकता है कि वो जो टाइम आउट का समय है वो हमें देखने को मिले। पर ये मोमेंटम की तो लड़ाई है, यदि वो मोमेंटम ब्रेक होता है तो हो सकता है कि गेंदबाजों को वापसी का मौका मिले। बहुत क्लोज थी वो गेंद, उसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 16 के बाद भिलवाड़ा का स्कोर 107, 4 विकेट के नुकसान पे, और उसी के साथ समय हो चुका है टाइम आउट का। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन एक चीज है जो लगातार बढ़ती जा रही है, वह है जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स का प्यार। राजस्थान प्रीमियर लीग का पहला ये एडिशन, दूसरा ये दिन, तीसरा ये मुकाबला, लेकिन स्पेक्टेटर्स लगातार बिल्ड होते नजर आए हैं। टाइम आउट के बाद पहली गेंद के ऊपर दीपक चहर ने बल्ला घुमाया है, फील्डर ने आपको कैच करके दिखाया है, एक और विकेट पतित, सीकर की टीम को मिली सफलता। क्या शानदार कैच था, तख्ता पलट करके रख दिया। जी हाँ, बॉल वाज देयर टू हिट और अच्छा संपर्क भी था, लेकिन बदकिस्मती यहाँ दीपक चहर की रही कि फील्डर की तरफ वो बॉल चली गई। और देखिए कि किस अंदाज से इस फील्डर ने कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन, भागते हुए सामने आकर पकड़ना वो इतना आसान नहीं होता। तो अभी ने एक जो टीम को जरूरत थी बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू दिलवाया। और दीपक चहर जो एक बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, 43 के स्कोर पर आउट हुए 31 गेंदों पर।
नए बल्लेबाज कुणाल बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन पिछली गेंद का वो कैच, अद्भुत एफर्ट्स दिखाए थे शुभम ने, ऐसा कहीं से भी नहीं लगा था कि वो कैच पकड़ा जा सकता है। और यहाँ रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी, चाहे विकेट पतित हुआ हो पिछली गेंद पे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता भिलवाड़ा की टीम को। नए बल्लेबाज कुणाल सिंह राठौर भिलवाड़ा बुल्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। दीपक चहर पिछला विकेट पतित हुआ था 43 के स्कोर पे। ये वो रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन तेज कंप्लीट किया ताकि दूसरे रन के लिए आपके पास में वो एक्स्ट्रा स्कोप रहे। एक और क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट है, छोर आसानी से परिवर्तित कर रहे हैं। बीबी की बैटिंग में केके की बल्लेबाजी चल रही है, कुणाल और करण। जी हाँ, और ये दीपक चहर का विकेट, बहुत बढ़िया यहाँ कैच पकड़ी शुभम ने, और जो टीम को ज़रूरत थी यहाँ पर सिकर टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाया, नहीं तो ये पार्टनरशिप जो है बहुत डेंजरस होती जा रही थी। और जैसे आपने जिक्र किया आयुष की, जो वो ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक होता है बल्लेबाजों का, और वो टीम जो वो बात जो है भिलवाड़ा के अगेंस्ट गई। पुल किया बैकफुट पे जाके अपने आप के लिए वो रीम क्रिएट करके, एक और डबल है, टफ जरूर था लेकिन थ्रो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं, और उसी के चलते आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ये केके की जोड़ी, एक मुझे लगता है वो डबल्स का पेयर बनती हुई नजर आ रही है, दो क्विक डबल्स तो अभी हमने देख लिए क्विक सेशन में। जी आयुष कहते हैं कि जो आपके कंट्रोल की चीजें हैं एज ए प्लेयर, वो आपको जरूर करनी चाहिए, और मैं कहूँगा स्मार्ट थिंकिंग बाय कुणाल की, जिस तरह से पहला रन बहुत तेज ले रहे हैं और जहाँ भी मौका लग रहा है तो वो एक एक रन छोड़ नहीं रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, गुप्तन से अंदर आई और उतनी आला दर्जे की फील्डिंग, पॉइंट की पोजीशन, बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन से डाइविंग एफर्ट दिखाना अपनी टीम के लिए, हो सके तो वो एक दो रन बचाना हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन अभिमन्यु पिछले ओवर में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 19 रन लगे थे, अच्छी वापसी है। दीपक चहर का विकेट लिया, कप्तान महिपाल अमरोड़ ने इन पर रिलाई किया है। ओवर की आखिरी गेंद, 113 ऑलरेडी बोर्ड पे आ चुके हैं, यदि इसे रफ्तार से रन बने तो 134, 10 रन यहां से 145 पे ले जाएंगे। या इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की कुणाल ने और वाइड मिली तो स्कोर का इजाफा हुआ 114 रन। ओ माफ कीजिएगा, ये अंपायर ने वाइड करार नहीं दी है, तो 17 ओवर के बाद 113 पर 5। दीपक चेयर के विकेट के बाद कुणाल नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन करण वो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए अभी तक, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे औसत के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते भी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, और वैसा करके भी दिखा रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया, राजेश को गेंदबाजी पर बुलाया, 3 ओवर के अंदर 23 रन खर्च किए थे, इस गेंद पर सिंगल और आया, इन टोटल 24 रन अभी तक दे चुके हैं। इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है और लोमरू ने काफ़ी भरोसा जता रहे हैं अपने स्पिनर्स में, राजेश लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है, और कुणाल ने जैसा कि बल्लेबाजी करते आ रहे हैं एक रिवर्स स्वीप यहां पर खेला है, बहुत ही बिजी प्लेयर है, जब से क्रीज पे आए हैं तो वो चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें या इम्प्रोवाइज करने की बात करें तो लगातार वो कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। तो एक अच्छा एफर्ट था यहाँ पर फील्डर द्वारा, और देखिए कि दूसरे फील्डर भी जो कहते हैं ना चेज इन पेयर्स, तो उसकी वजह से एक रन यहाँ सेव हुआ है।
और वहाँ स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट देखने को मिल रही है। बल्लेबाज की शूज लेस को इनफैक्ट टाई करते हुए फील्डर नजर आ रहे हैं। और डोमेस्टिक सर्किट, ये पूल को बड़ा करना, यही तो सबसे बड़ा मोटिव है। आप चाहते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट में आपके पास में वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स का बर्डन हो, जो कि आमतौर पे एक अच्छा बर्डन माना जाता है। आधी टीम पवेलियन जा चुकी है, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी जरूर, वन बाउंस के साथ दो फील्डर्स के बीच में से गैप ढूंढा और अपने लिए एक बाउंड्री गेन की। कुणाल ने दो दफे अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन तीसरी बार अपने उस ऑर्थोडॉक्स शॉट के चलते उनको वो चौका मिला। यह बहुत ही बेहतरीन शॉट, और इस शॉट खेलते हुए सबसे अच्छी बात इनकी थी कि अच्छा बैलेंस मेंटेन किया, बॉल को आने दिया, और वो जो कहते हैं बैट स्विंग, जबकि क्रॉस बैट शॉट था ये, लेकिन बैट स्विंग बहुत अच्छी थी। एक बार फिर रिवर्स स्वीप ट्राई किया है और बहुत लकी रहे कि बॉल जो है फील्डर तक कैरी नहीं की यहाँ पर। सोच शायद यही है क्योंकि थर्ड मैन की दिशा में फील्डर जो है वो 30 यार्ड के घेरे के अंदर थे, और फाइनल लाइन की दिशा में भी फील्डर 30 यार्ड के घेरे के अंदर, तो शायद वो लैंप शॉट या फिर स्वीप के चलते रन निकालने की कोशिश। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर की मौजूदगी है जरूर, लेकिन उनसे गेंद बड़ी दूर रहेगी, बहुत लंबा फासला था। एक और चौका, तो आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर हम यहां बनते हुए देख सकते हैं, इनफैक्ट अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा। जी हां, बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये बॉल दूर थी, बहुत ज्यादा ओवर पिच बॉल नहीं थी, बट जिस तरह से उसको बनाया उन्होंने और स्ट्रेट हिट किया, सबसे अच्छी बात यह रही कि उसको गैप में मारने में सफल हुए। 18वें ओवर की आखिरी गेंद, बहुत ज्यादा रूम दिया था, इनसाइड आउट खेला, दो बाउंसेस के पास बाद फील्डर के पास जाएगी गेंद, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो तो आला दर्जे की खिलाड़ियों की। ओवर की हुई समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति के बाद भिलवाड़ा का स्कोर 126 5 के नुकसान पे। से ऊपर रन बना लिए और ये स्पेक्टेटर्स ये झूम रहे हैं, इन्हें पता है कि ये वो क्षण है जब हाई स्कोरिंग मैच देखा जा सकता है। इन चेहरों के ऊपर निराशा भी आई थी जब दीपक चहर का विकेट अतिथि हुआ था। शॉट पे डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला, मिड विकेट की दिशा में कोई फील्डर नहीं, चौका मिलेगा। ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ एक अच्छे नोट के ऊपर, अभिमन्यु का स्वागत किया है यहां करण ने। शॉर्ट पिच बॉल थी और अपना एरिया पिक किया उन्होंने, देखिए मिड ऑन के फील्डर जो 30 गज के घेरे में थे उसके ऊपर से ये शॉट लगाया, तो ये मैं कहूंगा कि एक अच्छी सोच, नहीं तो जनरली ये शॉट जो आपके मिड विकेट की तरफ जाते हैं और जिसके चलते उनको पूरे 4 रन ना मिले। 13वां चौका था वो पारी का, सेंसिबल बैटिंग करते हुए हमें करण नजर आए, लेकिन अभिमन्यु का दिन आज इतना अच्छा गया नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, लगभग 13 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड में परिवर्तन किया गया है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, दोनों खिलाड़ियों को फेंस पे लगाया, एक खिलाड़ी मिड विकेट पे, ब्लॉक हॉल की तरफ वो गेंद की गई, फुल एंड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप के बीच में बहुत ज्यादा मौका था नहीं हाथ खोलने का करण के पास। अभिमन्यु की अच्छी वापसी एक चौका लगने के बाद, और फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी की, अच्छा यॉर्क किया वहां पर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एग्जीक्यूट करने में भी सफल हुए। अभिमन्यु काफ़ी महंगे आज रहे हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट विकेट उन्होंने दीपक चहर का जरूर निकाला है आज। इस बार फिर मिड विकेट की दिशा में खेला, एक बाउंस के साथ फील्डर के पास जाएगी गेंद, और पावर प्ले के बाद यही मुश्किलात का सबब होता है, यदि आपको बाउंड्रीज चाहिए तो आपको गैप्स ढूंढने होंगे,
चाहे आपके शॉट्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो या नहीं हो, टाइमिंग परफेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन वो प्लेसमेंट यदि परफेक्ट मिल जाती है तो फिर चीज़ें आपके पक्ष में। यह एक बार फिर से अभिमन्यु का प्रयास वही था कि यॉर्क कराने की कोशिश थी, थोड़ी सी लेंथ शॉट रह गई, बट खुश किस्मत रहे कि वो बड़े शॉट्स के लिए उसमें कन्वर्ट नहीं हुई। कोशिश यही रहेगी आप भीलवाड़ा बल्लेबाजों की कि जो ये बाउंड्री वाला कॉलम आप कहते हैं कि 13 चौके लग चुके हैं, 3 छक्के अभी तक, तो ज़रूर चाहेंगे कि इसमें इजाफा करना अगर ये स्कोर को कहीं 150 के नज़दीक पहुँचाना है तो। अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा जो स्कोर है वो उदयपुर के नाम है, 135 रन उन्होंने चेस करते हुए बनाए हैं। यहाँ यदि एक बड़ी हिट आ गई तो वो आंकड़ा तो परिवर्तित हो जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम दिया था, ऑफ साइड में धकेला, टीम के कप्तान महिपाल लामरोडवा मौजूद, बहुत लोकप्रिय भी है नागौर के रहने वाले, पिछले कुछ साल से जयपुर में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, लेकिन लोकप्रियता जोधपुर में भी बहुत ज़्यादा है इनकी। जी और क्यों नहीं, अल्टीमेटली वो हीरो हैं इन सब अपकमिंग प्लेयर्स के, यहाँ के पब्लिक के, और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो सराहनीय है। लेकिन अब बची हुई 8 गेंदों में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये बल्लेबाज, ये सवाल है, और इसका जवाब तो शायद वक्त के पास होगा। फुल टॉस डिलीवरी थी, लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग रोड नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, वन बाउंस पे गेंद पे पहुंचेंगे, और वो जिस हाइट पे गेंद उनके ऊपर बाउंस कर रही थी इतना कंफर्टेबल था भी नहीं उसे एक गो में स्टॉप करना। जी एक अच्छा प्रयास किया था यहाँ लोमरो ने, और कैच उनसे दूर रह गई थी, बट मेक श्योर किया कि वो बॉडी को अपने बॉल के पीछे लेके आए और वहाँ से मेक श्योर किया कि वहाँ बाउंड्री ना जाए, और बॉल पूरे तरीके से ये देख सकते थे हम स्क्रीन पे कि बॉल फट गया है। जब हम स्कूल में क्रिकेट खेला करते थे, कॉलेज में खेला करते थे, तो आमतौर पर जो आतिशी बल्लेबाज होते थे उनके लिए ये शब्द यूज़ करा करते थे, धागे खोल देगा, लेकिन यहाँ तो उसे लिटरल ले लिया कुलान और करण ने, गेंद के धागे खोल दिए। जी हाँ, जनरली हम कहते हैं गेंदबाजों के लिए कि बैट्समैन का बैट तोड़ेंगे या स्टंप्स तोड़ेंगे, बट यहाँ जो है बल्लेबाज बॉल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक और गेंद इस ओवर में बाकी है, उसके बाद इस इनिंग में एक और ओवर बाकी है, 133 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। राजस्थान प्रीमियर लीग का ये पहला एडिशन, अभिमन्यु बस यही चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये लास्ट बॉल समाप्त हो, जिस तरीके के उनके आंकड़े रहे आज, लमसम 10 का इकोनॉमी, एक गेंद अभी भी बाकी है। खूबसूरत शॉट, अद्भुत शॉट, आला दर्जे का शॉट, 6 रन देके जाएगा, स्कोर कार्ड को अभी तक इस एडिशन में टॉप पे ले जाएगा, 139, 5 विकेट के नुकसान पे 19 की समाप्ति के बाद। और कुछ इस तरह की शॉट चाहिए भीलवाड़ा को जो 150 का स्कोर के पास नजदीक जाना है, तो यहाँ पर अभिमन्यु ने बॉल ना सिर्फ ऊपर दिया पर वहाँ थोड़ी विड्थ भी दी, जिसके कारण कुणाल को हाथ खोलने का मौका मिला, और अच्छी बात यह रही कि उन्होंने भी थ्रू द लाइन मारा। एक बॉल के धागे खोलने के बाद दूसरी बात उन्हें हाथ खोलने का मौका मिला, ये राइमिंग थोड़ी सी उल्टी जा रही है, लेकिन फिर भी वो दृश्य तो हमें यही बता रहे हैं, 150 से बहुत ज्यादा दूर वो आंकड़ा है नहीं। 5 गेंदे, 10 रन चाहिए यदि 150 का स्कोर पार करना है तो भीलवाड़ा की टीम को। महत्वपूर्ण योगदान ना सिर्फ करण का रहा, बल्कि दीपक चार की 43 रन की पारी, उससे पहले मीत ने बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बोर्ड पर लगाए थे। जी और लास्ट ओवर के लिए ऋतुराज जो इस इनिंग के सबसे सफल गेंदबाज है और मुझे लगता है सबसे एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, उनको गेंदबाजी की कमान संभाली गई है। लेकिन अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स का कोई जवाब नहीं होता, स्विच हिट करने की कोशिश थी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, यदि आप घूम जाते हैं तो स्विच हिट के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, और कुणाल ने आतिशी पारी के उस खेल में एक और कराना शॉट निकाला है।
हालांकि इतना कन्वेंशन था नहीं, स्टिकर के आसपास गेंद जाके लगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से, लेकिन वेलकम रन है। जी हाँ, कुणाल ने अभी तक स्पिनर्स को काफ़ी रिवर्स स्वीप ट्राई किया, बट इस बार पेसर्स को भी, वो जानते थे कि पेस ऑफ ज़्यादा करेंगे ऋतुराज, जिस तरह का फील्ड सेट था और जब से बल्लेबाजी के लिए आए तो इस तरह का इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। 233 का स्ट्राइक रेट था, इस आतिशी फायर के साथ क्या बढ़ा पाएंगे फील्डर अंदर, नेट कैच लपक लिया, एक और विकेट पतित, कुणाल 21 के स्कोर पे वापस जाएंगे पवेलियन। फील्ड प्लेसमेंट अद्भुत, ऋतुराज का एक्सपीरियंस काम आया, उनकी टीम के लिए छठा विकेट लाया। यहाँ इससे भी पेस निकाली थी, बॉल छोटा जरूर था, कोशिश थी यहाँ कि कुणाल उसको भी छक्के में कन्वर्ट करें, बट उतना पावरफुली इंपैक्ट नहीं हो सका और एक अच्छा कैच फिनिश किया वहाँ सिकर टीम के फील्डर ने। 144 छह के नुकसान पे कुणाल राठौर का विकेट पतित हुआ 21 के इंडिविजुअल स्कोर पे। इस मुकाबले में ऋतुराज को 3 सफलताएं मिल चुकी है, 3 ही गेंदे इस मुकाबले में इस इनिंग में बाकी है। 30-8 के घेरे में फील्डर्स एकदम चुस्त, लेकिन उसके बाद भी तेज तर्रार रफ्तार से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। लखन नए बल्लेबाज, पहली गेंद के ऊपर सिंगल कन्वर्ट किया, 225 के आसपास से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज कुणाल। 9 गेंदों में 21 बनाए थे, फिर आतिश फायरिंग करने के लिए गए दीपक चहर। अभी आधा रोल कंप्लीट हुआ है, बल्लेबाजी की है लेकिन गेंदबाजी अभी बाकी। ये वो पिछला विकेट, या कोशिश बहुत अच्छी थी, सोच अच्छी थी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं था, आपको वो रिस्क लेना था थोड़ा, और वो कह रहे ना कि थोड़ा क्रिकेट में बस मार्जिन आपके पास उतना ही है। वो 65-67 मीटर्स की बाउंड्री है और लड़ाई इंचेस की है, 1 इंच भी यदि गेंद कम रह जाए तो फिर वो विकेट पतित हो जाता है, 1 इंच गेंद बाहर चली जाए तो वो 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। या क्रिकेट में सफलता, सक्सेस और फेलियर का जो है वो मार्जिन बहुत कम है। तो पीवाला 146 पर पहुंच चुके हैं और इस इनिंग में सिर्फ 1 बॉल बची है, तो देखना ये होगा कि यहां से बाउंड्री में कन्वर्ट करके क्या स्कोर 150 तक पहुंचा पाएंगे। स्ट्राइक पे लखन, शॉर्ट पिच डिलीवरी, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से छकाया है लखन को, और तारीफ करनी पड़ेगी ऋतुराज की, उनको शायद अंदाजा था कि डाउन द ट्रैक आके 4 जिनों के वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए 150 के आंकड़े पे जाने की कोशिश जरूर करेंगे लखन। ओवर की समाप्ति, बिलवाड़ा का स्कोर 146 छह विकेट के नुकसान पे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद 7.5 की औसत से रन बनाए, 7.5 की रन रेट से रन बनाए। जी हाँ, अभी तक के टूर्नामेंट का ये हाईएस्ट स्कोर है, इससे पहले 135 बनाया था और 146 बनाया, तो टूर्नामेंट का हाईएस्ट है, मुझे लगता है कि एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव टोटल कह सकते हैं, जिस तरह से अभी तक जो पिच कंडीशंस रही हैं या टूर्नामेंट चला है यहाँ से। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वो सारे मैचेस बहुत जल्दी समाप्त हो गए और 11 सूरत हाल पहले इनिंग का, मीत ने 32 रन बनाए, जुमेर खाता नहीं खोल पाए, राज के बल्ले से 11 आए थे, तो 43 की आतिशी पारी दीपक चहर ने भी खेली थी, करण ने लास्ट में जाके वो मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की, 32 उनके बल्ले से आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले कुणाल को चलता किया 21 के स्कोर पर। ऋतुराज ने अपने एक्सपीरियंस के साथ, लखन 2 गेंदे खेली, आखिरी गेंद पे बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा कुछ वहां आखिरी गेंद के ऊपर कर नहीं पाए, लेकिन क्या बल्लेबाजी आज दीपक चहर ने की है, कप्तान की भूमिका निभाते हैं, आमतौर पे गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज बल्ले से कमाल दिखाया है, चाहे वो ऑन साइड हो, चाहे वो ऑफ साइड हो, शॉट्स चाहे इनसाइड आउट हो या फिर कवर ड्राइव हो, हर कुछ करके दिखाया अपनी टीम के लिए वो मुमकिन कोशिश है, 3 छक्के 2 चौके वो स्कोर लाइन अपनी टीम के पक्ष में कर जाना, अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी निभाना। जी, और आज के सबसे सफल गेंदबाज ऋतुराज रहे, ना सिर्फ पावर प्ले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, जो लास्ट में डेथ ओवर में, लास्ट ओवर में भी एक विकेट लिया और महज 7 रन खर्च किए,
उनके अलावा अभिमन्यु ने एक बड़ा विकेट लिया लेकिन खासे महंगे साबित हुए। सचिन एक और अच्छे ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 10 रन देकर एक विकेट लिया। शुरू में नई बॉल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया ऋतुराज ने और बॉल को अच्छा स्विंग कराया। पहले पावर प्ले में दो विकेट उनको मिले और भीलवाड़ा को उन्होंने जरूर बैकफुट पे धकेला वो ब्रेक थ्रू देकर, और लास्ट में 20वें ओवर में एक और सफलता उनको मिली। पहले जुबेर फिर राज और आखिरी ओवर के अंदर कुणाल को शिकार बना के ये इंश्योर किया कि ज्यादा रन बनाने में कामयाबी मिले नहीं वहां भीलवाड़ा की टीम को। तो अब टारगेट जो शेखावटी सोल्जर सीकर के सामने है वो 147 रन का है 20 ओवर की समाप्ति के तक उनको ये बनाने होंगे। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, आपसे दोबारा मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार।
आज के दिन का दूसरा मुकाबला पहली इनिंग की समाप्त हो चुकी है। भिलवाड़ा बुल्स के सामने सीकर की टीम। भिलवाड़ा की टीम ने पहले बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने निर्धारित 20 ओवर में 140 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। हालांकि गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर थी नहीं, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी दीपक चहर ने की, जिस तरह की बल्लेबाजी आज हमें करते हुए उनके साथी खिलाड़ी मीत नजर आए, और वो एक्शंस, वो रन्स जो हर तरफ थे। हालांकि शुरुआत गेंदबाज के तौर पर ऋतुराज ने आला दर्जे की थी। पहले ओवर के अंदर जुबेर को शून्य के स्कोर पे चलता बना किया, फिर कुछ बड़े शॉट्स वहां पर अपने बल्ले से निकाल के बल्लेबाजी करते हुए मीत लाए थे। कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज भी थी, टफ चांसेस थे जिनको कन्वर्ट करना चाहते थे शायद फील्डर्स, लेकिन वो कर नहीं पाए। हवा में भी गेंद लहराई, पावर प्ले एक रोमांचक पावर प्ले के तौर पर समाप्त हुआ। महिपाल लोमरो टीम के कप्तान, दो महत्वपूर्ण कैचेस आज के दिन में बहुत क्लोज गए थे, उनके पास गए थे, उन्होंने कन्वर्ट भी किया। पहला जो कैच था उसको कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद जब दीपक चहर आए उन्होंने अपना कहर बरपाया। ना सिर्फ ऑन साइड बल्कि ऑफ साइड में भी वही रन जमाया, हर तरीके के शॉट्स उन्होंने दिखाए थे। ये आला दर्जे की अपॉर्चुनिटी महिपाल के पास थी जरूर, लेकिन उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। बहुत मिस अपॉर्चुनिटीज थी, क्लोज कॉल्स थे, क्लोज चांसेस थे, फुल शॉट। आज के इस मुकाबले में तो ताकत रही है, इनसाइड आउट भी बहुत अच्छे खेले थे, लॉफ्टेड शॉट भी दीपक चहर ने बहुत अच्छे खेले थे। ये वही दीपक चहर हैं जिनको हम भारतीय टीम के लिए आईपीएल में चेन्नई की टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए देखते हैं, लेकिन आज बल्लेबाज के तौर पर उभरते हुए नजर आए हैं। कप्तानी पारी इन्होंने अपनी टीम के लिए खेल दिखाई है। मुकाबले की समाप्ति तक जो स्कोर भिलवाड़ा की टीम पहुंच पाई वो 146 छह विकेट के नुकसान पे था। डेथ ओवर्स के अंदर भी वो आखिरी के कुछ रन पूरी तरीके से एंजॉय किए थे। ये एक अद्भुत कैच जो फिनिश किया था अंकित ने ऋतुराज की उस गेंद पे। तो चलिए अब दूसरी इनिंग के कुछ समय में शुरुआत होगी। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ निखिल चोपड़ा, स्वागत निखिल भाई। शुक्रिया। 146 पे भिलवाड़ा को रोका जरूर, और बहुत बड़ा उसका श्रेय जाता है ऋतुराज ने, जिस तरीके से पापले में गेंदबाजी की, उसके बाद अंतिम ओवर में तो तीन विकेटें छटकाई, नया बॉल मूव कराया, यानी कि शाम को गेंद मूव जरूर होगा। वहीं पे दीपक चहार भी तैयार होंगे 146 के स्कोर को डिफेंड करने के लिए। 147 का स्कोर अगर वो लक्ष्य पार कर लेते हैं सीकर, तो सबसे सफल रन चेस रहेगी अब तक इस प्रतियोगिता में। तीसरा मुकाबला, इससे पहले दो मुकाबलों में 133 हाईएस्ट स्कोर था, तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये मुकाबला। जिस तरीके से ऋतुराज नया बॉल का पूरा फायदा उठा रहे थे, वहीं दीपक चहर की ताकत, वो स्विंग कराना ही रहेगा। निखिल भाई, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक दो मैचेस जो हमने देखे हैं जिस टीम ने चेस किया है वो मैच अपने नाम किया है, और अच्छे खासे फासले के साथ किया है। जो सबसे लेट चेज है वो भी 17 पॉइंट समथिंग ओवर में कंप्लीट हुई, जो हमने आज उदयपुर के चलते देखी थी। दीपक चहर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ा नाम, एक्यूरेसी के लिए जाने जाता है ये गेंदबाज। मोहित के साथ कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स को देखने की कोशिश होगी। कितना महत्वपूर्ण रहता है रोल उस खिलाड़ी का जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आया है। और मुझे एक और चीज भी जाननी है, वो ये भी है निखिल भाई कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाए या शायद आईपीएल तक नहीं पहुंच पाए, वो कितना कंफर्टेबल खुद को फील करते होंगे एक आला दर्जे प्लेयर के साथ, उनके साथ बातचीत करने में। आपके दूसरे सवाल का पहले मैं सवाल का जवाब देता हूं। बहुत जरूरी कि कोई भी खिलाड़ी जब मैदान में होता है, 11 में खेल रहा होता है, सबसे पहले तो वो सेल्फ बिलीफ कि आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो फ़र्क की बात की आपने आईपीएल के खिलाड़ी या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में, वो गलतियां दोहराते नहीं। अंकित लांबा पारी की शुरुआत करेंगे, और दीपक चहर आप देखेंगे पहली गेंद से वो अच्छी लाइन, वो अच्छी लेंथ, क्योंकि आप बाहर से वार्म अप करके आते हैं, क्योंकि हर गेंद का महत्व रहता है। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं आशीष चोपड़ा, मैदान में है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 120 गेंदों के फॉर्मेट में और हर गेंद का वो महत्व रहता है। इंपैक्ट प्लेयर ऋतिक शर्मा बाहर, तो आतिमान वो इंपैक्ट प्लेयर का भी इस्तेमाल किया, और यही आप देखना चाहते हैं। आशीष चोपड़ा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और बतौर गेंदबाज एक और चीज है आयुष,
कि आप चाहते हैं जिस तरीके से अभी आशीष ने वो गेंद डाली, क्या आप अपने स्पेल का या मैच के पहला गेंद डाल रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से डालें जैसे आप 20वें ओवर की अंतिम गेंद डाल रहे हैं उसी ऊर्जा के साथ, तो आपको पता चलता है कि सामने वाली टीम को भी पता है कि आप यू मीन बिजनेस एंड यू हैव टू मीन बिजनेस. जब आप इम्पैक्ट प्लेयर हैं, स्पेशली आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बुलाया तो आपको ये कार्य करना होगा. राम निवास कुलादा जो अब स्ट्राइक पाएंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, दीपक चहर जो खुद गेंदबाज है, स्ट्राइक गेंदबाज है, उन्होंने आशीष से पहला ओवर कराया. ये चीज़ देख के मुझे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की याद आ गई जहाँ पैट कमिंस ने स्ट्राइक गेंदबाज होने के बावजूद भी स्कॉट बॉलेंट से ज़्यादा गेंदबाजी करवाई थी, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास में वो कैप्टनसी की है या नहीं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप गेम को कैसे रीड कर रहे हैं, आप उस टीम के बैलेंस को किस तरह से लेके चल रहे हैं. अच्छी बात ये है कि शायद वो आशीष को वो मौका दे रहे हैं पहला ओवर आके डालें, क्योंकि वो जानते हैं कि बैट्समैन भी अभी आंखें नहीं जमाई होती, एक यंगस्टर को मौका कि अपने प्रतिभा को वो न्याय दे पाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का फ़र्क या अनुभवी खिलाड़ी का फ़र्क यही है कि जब मुश्किल स्थिति होती है तो वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा. वो शायद दीपक दूसरा ओवर डालेंगे इसीलिए अच्छी शुरुआत, और दीपक को इतने सालों से जिस जानते हैं वो हमेशा यंगस्टर्स को वो बढ़ावा देते हैं, उनको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो हौसला अफजाई भी ज़रूरी रहती है कि मुश्किल से मुश्किल समय रहेगा, क्योंकि अब जो गेंदबाजी करने आएंगे अगर होता है तो वो मुश्किल ओवर्स खुद डालें. अब जब आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो दीपक कहीं आपसे यह ना कह दे कि अभी वो यंगस्टर्स की लिस्ट में से मेरा नाम बाहर हुआ नहीं है निखिल भाई. यंग और उनसे यंग. द शो मस्ट गो ऑन. तीन गेंदे, तीन रन बने, स्लिप कर्टन में लगा रखी है. अंकित उनके साथ, राम निवास अभी तक जो अच्छी चीज की है वो ये कि कम से कम छोर परिवर्तित किए उन्होंने, गेंदबाज को भी सेटल होने का मौका दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी की आशीष ने. युवा गेंदबाज, चेहरे के ऊपर वो मासूमियत है, लेकिन जब वो गेंद करते हैं तो बल्लेबाज के जहन में खौफ पैदा करने की कोशिश करें, यही उनकी आकांक्षाएं रही होगी. अच्छा रिलीज है, अब तक जो चार गेंदें डाली हैं वो स्टंप्स के भीतर में ख़त्म की, और हिटिंग द टॉप ऑफ द स्टंप्स यानी कि लेंथ पहली गेंद से अच्छी रही है. बहुत से लेफ्ट आर्म पेसर्स का देखा, स्वाभाविक गेंद जो राइट हैंडर को अंदर की तरफ आती है, लेकिन इनके पास वो कला है कि गेंद हवा में बाहर स्विंग करा सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे अर्शदीप करते हैं. वो एंगल भी क्रिएट किया और साथ ही साथ में उनको वो स्विंग भी मिली. शुरुआत, इतना बड़ा टारगेट जब आप चेस कर रहे हैं, चार रन आपने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लगा दिए, और सूरत हाल इस समय भिलवाड़ा की टीम का एक पे एक था. महज एक रन पे पहला विकेट जुबैर के रूप में उन्होंने गंवा दिया था. ओवर की आखिरी गेंद, लॉफ्टेड शॉट, हवा में गेंद है, फील्डर उसके पीछे जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन ये आउटफील्ड आज जज्बात अलग अलग तरीके से बयां कर रही है. साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, एक के बाद स्कोर 6 बिना किसी नुकसान पे. शुरुआत मिल चुकी है, सदी भी शुरुआत मिल चुकी है. एक तरफ आशीष चाहते होंगे कि कोई बाउंड्री पहले ओवर में कंसीड ना करें, उन्होंने की भी नहीं. दूसरी तरफ टीम चाह रही होगी सीकर की कि पहले ओवर के अंदर कोई झटका ना लगे, क्योंकि जो टारगेट वो चेस कर रहे हैं हालांकि प्रैक्टिकल तौर पे T20 में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अभी तक पिछले जो दो मैचेस देखे हमने उस लिहाज से 147 रन उतने कम भी नहीं. दीपक जो टीम के कप्तान है, एक स्लिप लगा रखी है, लेकिन गेंदबाजी फोर्थ स्टंप के आसपास वो गेंद
हल्की सी मूवमेंट के साथ। चौथा स्टंप गुड लेंथ, हमेशा अद्भुत मानी जाती है। मोहित को गेंदबाजी पे लाया गया है। अच्छी खासी रफ्तार से वो गेंद निकली थी और जब विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जा रही थी वो सिलाई नजर आ रही थी। दूसरा ओवर भी कप्तान दीपक चहर ने डाला, लेकिन अभी की जो एक गेंद देखी मोहित की वो अच्छा गेंद था। स्विंग इनके पास भी मौजूद थी लेकिन स्विंग को काउंटर किया, वहां पे चार रन मिले रामनिवास के बल्ले से। हल्का सा वो विड्थ मिली और सिर्फ दिशा दिखाई, गति का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया। क्या आला दर्जे का शॉट था, रूम प्रोवाइड हुआ था, गेंद बाहर की तरफ मुंह में ले रही थी, लेकिन वो रफ्तार और वो जो सीम का प्लेसमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे शायद वही कारण है कि स्लिप के अंदर एक और अतिरिक्त फील्डर बुलाया गया। दो खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है। दीपक चहर, दीपक चहर ने बहुत कुछ सीखा भी है ना माही के साथ, जब इनका बॉल भी स्विंग करता तो माही भी इनको दो स्लिप हमेशा देते थे। जब आप एक गेंदबाज को दो स्लिप देते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो अपने वो गेंदबाज को एक विकेट टेकर के रूप में कप्तान मानता है, दूसरी चीज एक गेंदबाज का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होता है कि मेरा कैप्टन मेरे को बैक कर रहा है कि मेरा काम जो है बॉल को स्विंग कराना। तो जो माही से सीखा एग्जैक्टली वही एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस के लिहाज में उस भाषा में इसे कैटलिस्ट कहा जाता है, जो आप एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन बिना उस रिएक्शन को कुछ चेंज किए कुछ सफर किए पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसकी स्पीड को एनहांस और कर देते हैं। 10 का स्कोर है, दो स्लिप, फिर वही मूवमेंट, फिर वही रफ्तार। अपील जरूर की गई कि सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है। अच्छी गेंदबाजी मोहित द्वारा एक बार फिर से, इस बार एक थोड़ा सा क्रीज के कोने से गेंद डाली थी और पेस और बाउंस से बीट किया, वहां पे पता चलता बैक ऑफ द लेंथ आके जोर से बॉल को हिट करते हैं, इसको हम क्रिकेट की भाषा में हमेशा कहते हैं हिट द डेक बॉलर। स्विंग कराएंगे तो आगे जब डालते हैं तो इनकी गति में वो कटौती भी रहेगी, इनका नेचुरल बॉल जो है वो हिट द डेक थोड़ा दूर रखेंगे तो उसमें वो गति प्राप्त करेंगे। अच्छी लाइन पकड़ के रखी है और लेंथ वही कंसिस्टेंसी निखिल भाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, गुड लेंथ के आसपास, बहुत ज़्यादा फुल गेंदबाजी करा नहीं रहे, टप्पा खाने के बाद गेंद को खुद वो मूवमेंट लेने पे मजबूर कर रहे हैं। अच्छी मूवमेंट, अच्छी सीम पोजीशन के साथ गेंदबाजी की है। अभी तक एक भी बाउंड्री हमें एक बाउंड्री इनफैक्ट हमने देखी थी जो रामनिवास के बल्ले से निकली थी, तो शुरुआती रन थे इस ओवर के। 7 गेंदों का सामना किया, 6 रन अभी तक रामनिवास ने बनाया है, तो वहीं 4 गेंदों में 4 रन अंकित ने पाए। ओवर की आखिरी गेंद है, चौथे स्टंप के आसपास वो गेंद थी। इस बार अपील थोड़ी सी ज्यादा लाउड है लेकिन विकेट कीपर को पता है कि गेंद अच्छे खासे फासले के साथ उनके दस्तानों में आई है। ओवर की समाप्ति, 2 के बाद सीकर का स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। अंकित रामनिवास, ये वो दो बल्लेबाज हैं जो शुरुआत करने के लिए आए हैं सीकर की टीम के लिए और शुरुआत सदी भी हो चुकी है। 4 गेंदों में 4 रन अंकित ने बनाए, रामनिवास के बल्ले से 6 आए। अगले बल्लेबाज लॉमरोड है जो टीम के कप्तान भी है, तजुर्बा भी बहुत अच्छा है, T20 कई सारे मैचेस उन्होंने अपनी टीम के लिए खेले हैं। गेंदबाजी में आशीष कंटिन्यू करेंगे, लेफ्ट एम एंगल बनाने की कोशिश थी, कट या चौका मिलेगा, बहुत ज्यादा दूर थी नहीं गेंद फील्डर से लेकिन वो आउटफील्ड इतनी तेज, वो शॉट में टाइमिंग उतनी प्यारी कि 4 रन देके जाएगी। हल्का सा रूम मिला, थर्डमैन का खिलाड़ी बहुत वाइड था लेकिन कमाल की वो टाइमिंग, बॉलर की पेस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, खराब गेंद नहीं था जो आशीष ने डाला, अपने फील्ड के मुताबिक डाला लेकिन ये शॉट
बहुत बढ़िया अंकित के बल्ले से बैट के बिल्कुल बीचों बीच में संपर्क, तभी उस शॉट में उतनी ताकत जितनी आपको चाहिए एक आउटफील्डर को बीट करने के लिए। 6-3 की फील्ड से डाल रहे हैं, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से गेंद को हल्की सी बाहर की तरफ मूवमेंट निकाली, जब बल्लेबाज ने उसे खेला तो मिडिल लॉफ्ट की तरफ। रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमने करण और कुणाल की जोड़ी में देखा था, जब फर्स्ट इनिंग में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उससे गेंदबाज अपने आप को ज्यादा सेटल करने में कंफर्टेबल पाते नहीं है। उसका बहुत बड़ा एक ये कारण भी रहता है, जब अच्छी गेंद पे भी एक सिंगल आ जाता है तो फिर बॉलर को आप मजबूर करते हैं कुछ अलग करें, और वहाँ पे वो फिर बाउंड्रीज के वो अवसर वो मिलते बैट्समैन को। कुणाल की आपने बात की, एक अद्भुत बहुमूल्य पारी 21 रनों की मात्र 10 गेंदों में। आशीष के हाथ से जो निकला है वो अंदर की तरफ नहीं आया, उसको काउंट आउट करना है तो आप लेग स्टंप के बजाय आप मिडिल स्टंप पे खड़े हो जाएं, आप गेंद के और करीब जाएंगे तो टाइमिंग करने में आपके लिए और आसानी रहेगी, क्योंकि स्टार्ट अंकित और रामनिवास जो भी गेंदें खेल रहे हैं आशीष के खिलाफ वो लेग स्टंप पे खड़े होकर खेल रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप और गेंद के करीब होते जाएं, क्योंकि 6-3 की फील्ड है तो एक बॉलर के आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन पे वो गेंद भी डालेंगे। एक और बाहर की तरफ जाती हुई गेंद नजर आई है, लेकिन लेफ्ट आर्म सीमर्स को जब भी मैं वो गेंद बाहर की तरफ ले जाते हुए देखता हूँ आमतौर पे मुझे वो ट्रैप याद आता है जो जहीर खान बिछाया करते थे, लगातार कुछ आउट स्विंगर्स की, फिर वो एंड डिपर लाके बल्लेबाज को थोड़ा सा छकाने का प्रयास किया। जहीर खान की आपने बात की, साथ में आशीष नेहरा, दो भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज, बहुत बढ़िया वो गेंदबाजी की जोड़ी रहती थी, स्विंग, वो सटीक यॉर्कर, तेज बाउंसर, बैट्समैन को रीड करना, वो भी एक गेंदबाज का काम जरूर रहता है। चिप किया कलाइयों का इस्तेमाल करके मिड विकेट की दिशा में, फील्डर जब तक वहां पहुंच पाते गेंद बाउंड्री लाइन के पास पहुंच गई, एक अच्छी वैल्यूएबल बाउंड्री, ओवर में अभी भी एक गेंद बची है। आशीष फिर वो पैड्स के आसपास गेंद करके बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार गेंद थोड़ी ज्यादा फुल थी और चिप करके कलाइयों का इस्तेमाल करके वो बाउंड्री अपने नाम गेंद की है। स्कोर कार्ड में इजाफा होगा, 21 पे पहुंच चुका है अब टीम का स्कोर। अंकित तो स्कोर कर ही रहे थे लेकिन रामनिवास वो तो सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं, दो बाउंड्रीज अभी तक उनके बल्ले से आई है, एक बाउंड्री अंकित ने लगाई है। डाउन द लेग साइड, विकेट कीपर हमेशा एक्साइटेड रहे और इतनी ज्यादा अपील्स करते हैं, इनफैक्ट स्लिप कर्टन में जो खिलाड़ी खड़े हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं करते लेकिन फिर भी वो दबाव बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। बहुत एक्साइट, वो वाइड जरूर थी लेकिन कप्तानी की दाद देता हूँ दीपक की, उससे पिछली गेंद पे वो चौका खाया था ऑन साइड पे जहाँ पे सिर्फ 3 ही खिलाड़ी है, एक डीप स्क्वायर का खिलाड़ी है, बॉल को देखिए या बॉल फॉलोइंग वाली कप्तानी नहीं हो रही, जो एक रणनीति बनाए उसी को अमल करने की वो कोशिश है। चाहते हैं आशीष को कि आपने किस लाइन पे डालना है, किस लेंथ पे गेंद डालना है, एक ख़राब गेंद हो गई, उस खराब गेंद की वजह से वो फील्ड में बदलाव नहीं कर रहे, मैच्योर कप्तानी दीपक चहर द्वारा। ओवर की आखिरी गेंद, फील्ड में साथ ही साथ वो परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, इनसाइड फील्डर को बीट किया 30 यार्ड के घेरे में, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि थर्ड मैन की दिशा में फील्डर वहाँ मौजूद, लेकिन सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ये क्लास है इन खिलाड़ियों की। उसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3-24 बिना किसी नुकसान पे।
बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से हम लाइव हैं और ये स्पेक्टेटर्स की तादाद उनके चेहरे की ये मुस्कुराहट साफ बता रही है कि राजस्थान प्रीमियर लीग का इनॉग्रल सेशन सीजन क्या कुछ लेके आ रहा है। युवाओं के लिए मौका, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को भी वो अपॉर्चुनिटी कि वो यंगस्टर्स को कुछ दे सके जो कुछ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल से आईपीएल से अर्जित किया। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया गया, एक तरफ आशीष उनके साथ मोहित गेंदबाजी कर रहे थे, हेमंत कुमार चौधरी, एक और लेफ्ट आर्म सीमर, कन्वेंशनल शॉट नहीं था। एक अच्छी चीज है आशीष भी आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर है, दूसरे छोर से हेमंत को लगाया गया वो भी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए अच्छे उछाल के साथ में गेंद आई थी, वो शायद उछाल को भांपने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, अनइवन बाउंस जिसे कहा जाता है। दो मीडियम पेसर्स गेंद कर रहे हैं, एक छोर पे आशीष दूसरे पे हेमंत, एक बार फिर बाउंस से बीट किया है और दोनों ही पेसर्स लेफ्ट आर्म सीमर। जी हाँ, और अच्छी गति से गेंद डाल रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत में नजर आए वहां अंकित, वो जो बैट का वो नी रोल ऊपर जब गेंद लगी वो इनसाइड थाई पे ये गेंद लगी थी, अगर आपने वो इनर थाई की प्रोटेक्शन नहीं रखी तो बड़ी जोर की, और ये अगले दो तीन दिन में वो चोट जो है ना वो रंग बदलती है। थोड़ा सा हैरान हूँ तो चेहर में गेंदबाजी देगी, शायद जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो पैर स्लिप किया था, वो एंकल मुड़ा, उसकी वजह से अगर हल्की सी भी दिक्कत है तो वो चांस नहीं लेना चाहते क्योंकि वो सामने वाला पाँव है जो जिसके ऊपर पूरा भार रहता है, वो लैंड करते दिक्कत में अंकित, वो जोर से शॉट और मारने का प्रयास था लेकिन गेंद बहुत जोर से लगी उनके इनर थाई पे, और इसीलिए तो शायद हम मारवाड़ी में कहते हैं दुखे जी के दुखड़ो पाके जी रे पीर, यानी जिसके लगती है जिसके दर्द होता है बस वही फील कर सकता है कि एग्जैक्टली वो पेन हुआ कैसा है, और वही फील करते हुए अभी अंक नजर आ रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा, दीपक ने शॉट खेला था दूसरे रन के लिए जा रहे थे, पांव स्लिप किया था और वो लेफ्ट वाले पांव में वो दिक्कत लेफ्ट एंकल में, और तेज गेंदबाज वो लेफ्ट एंकल जब आप लैंड करते हैं जोर से जमीन को हिट करते हैं पूरे शरीर का भार जो है वो आपकी लेफ्ट एंकल पे रहता है, तो उम्मीद करते हैं ज्यादा चोट ना आई हो क्योंकि हम सब उनको देखना चाह रहे थे गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए थोड़ा सा और करीब से वो लेफ्ट एंकल, शायद उसी की वजह से अब तक उन्होंने वो ओवर नहीं डाला। एंकल जब जब ट्विस्ट होती है तो कई बार ऐसा वो स्प्रेन वहां आ जाता है कि पहचानना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन स्पेक्टेटर्स ये पहचानते हैं कि यहाँ आरपीएल हो रहा है और उसका स्तर बहुत आला दर्जे का। ज़्यादातर गेंदबाजों को हमने देखा है कि ऑफ साइड का जो 30 यार्ड का घेरा है उसको पैक करके गेंदबाजी की जाती है, ऑन साइड पे फील्डर्स को फेंस के आसपास मंडराने पे रखा जाता है। तीन गेंदें की है, तीनों डॉट, अच्छी बात, अब तक तीन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया आशीष मोहित और अब हेमंत, तीन पेस बॉलर्स जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी गति से गेंदबाजी वो नज़र आ रही है। दीपक चहर इस टीम में है तो आपके पास चार क्वालिटी पेस बॉलर्स भीलवाड़ा की टीम में, अच्छी एक बैलेंस टीम नज़र आती है भीलवाड़ा की टीम। ऑल राइट देन, मैं भी थोड़ी हिम्मत करके फिर वो सवाल पूछ लेता हूँ। सारी टीम्स लगभग अपना पहला पहला मैच खेल चुकी है, निखिल भाई सवाल अपने आप समझ गए। अब 10 सितंबर की प्रेडिक्शन मत मांग लेना उसके लिए कहूँगा शायद इट्स टू अर्ली, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कौन सी साइड लगती है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आपको अभी तक लग रही हो, बताओ गेंदबाजी यूनिट भी, बैट्समैन भी अच्छे हों, फील्डिंग भी अच्छी की हो। देखिए जिस स्थिति में आज भी भीलवाड़ा थी वहाँ से वो 146 पे पहुँचे, निचला क्रम जो है बहुत मजबूत नजर आ रहा है, जब कुणाल बल्लेबाजी करने आए उससे पहले वो करण बल्लेबाजी करने आए, प्रतिभाशाली दीपक चहर, तो उनके पास वो ताकत है। अब तक जो गेंदबाजी का क्रम हमने देखा है तीन तेज गेंदबाज और उसके साथ साथ दीपक चहर,
तो जो अभी तक नज़र आया है भीलवाड़ा की टीम बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जयपुर इंडियंस की टीम एक बहुत ही बैलेंस यूनिट है, और T20 के मुकाबले में ना ज़्यादा अंतर होता नहीं है टीमों के बीच में, उस दिन कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 26 बिना किसी नुकसान के 4 शॉट। डॉट बॉल्स, 9 सिंगल निकाले, 2 दफे डबल भी लिए, 26 रन अब तक बन चुके हैं, विकेट नहीं गिरा, ये सबसे अच्छी चीज है सीकर की टीम के लिए। टारगेट जो चेज करना है वो 147 का। स्पेक्टेटर्स एंजॉय कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे थे शायद कि कैमरामैन ने अभी तक उनके ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन अब कर दिया जनाब। अंकित ने 11 बनाए तो 14 रामनिवास ने किए हैं, एक स्लिप अभी भी कायम है। आखिरी के 2 ओवर बचे हैं इस पावर प्ले के। अच्छी बात यह है कि भले ही 26 रन बने लेकिन पावर प्ले में आपने कोई विकेट नहीं गवाया, तो यह महत्वपूर्ण वो 12 गेंदें रहेंगी पावर प्ले की। यहां से अगली वो 11 गेंदें, थोड़ा सा मोमेंटम आपको चाहिए क्योंकि 147 का स्कोर आप जब पीछा कर रहे तो फिर आप एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छी नींव अपने मध्यक्रम के लिए देना चाहते हैं। कमाल की गेंदबाजी, पहला ओवर जो डाला था मोहित ने वो लाइन देखिए, वो लेंथ और अच्छी रफ्तार से गेंद टपक खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही है। हिट अटैक बॉलर, ये स्विंग नहीं ये सीम बॉलर है, और वही वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, शंका का गलियारा, वहीं पे वो चौथे स्टंप पे हर गेंद फिनिश कराई और वहां से वो हरकत कराई, इसीलिए इनके खिलाफ रन बनाना मुश्किल हो गया। इस बार गेंद को हवा में खेला जरूर है, 30 यार्ड के घेरे के बाद फील्डर मौजूद, डाइविंग एफर्ट, आसमान से तारे तोड़ लाना जितना मुश्किल है शायद उतना ही मुश्किल ये कैच था, पीछे की तरफ दौड़ लगा रहे थे लेकिन अकम्प्लिश किया, अद्भुत कैच, पहली सफलता, पहला विकेट पतित, अच्छी गेंदबाजी का वो फल मिलता हुआ पावर प्ले को कैपिटलाइज करने के लिए। वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेल रहे थे, टाइम नहीं किया, बैट हाथ में घूमा, लेकिन कमाल का ये कैच, कभी भी आसान नहीं होता क्योंकि गेंद आपसे हमेशा दूर जा रही होती है, अपनी वो डाइव को भी बहुत अच्छी तरीके से टाइम किया, पहला विकेट अंकित लांबा के रूप में गिरता हुआ, 11 रन इनके खाते में 27 पे 1। नए बल्लेबाज सलमान खान, शेखावटी सोल्जर्स सीकर के लिए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, अच्छी गेंदबाजी का फल मिला। मोहित कंसिस्टेंटली वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, ये वो पिछला विकेट था। अंकित लांबा अपने आप को होल्ड नहीं कर पाए, हवाई फायर के लिए मजबूर हुए और फिर फील्डर ने पीछे की तरफ भागते हुए राज ने वो जो कैच पकड़ा था, कभी भी आसान नहीं होता पीछे जाके कैच पकड़ना, तो सब बॉल उसे दूर जा रहा था, आंखें जमा के रखी, बहुत अच्छी तरीके से जज किया था, लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से वो अंकित को गेंद भी डाला, अंकित थोड़ा सा ऑन साइड पे खेलने चले गए तो राइट शोल्डर खुल गया, वो बॉल टप्पा खाने के बाद जो अभी तक देखा है मोहित का, थोड़ा सा बाहर जाता, इसीलिए टाइम नहीं कर पाया,
मैट के बाहरी किनारे पे वो गेंद लगा था, लेकिन बहुत अच्छा कैच राज द्वारा। शुरुआत में आप अगर पापले में ऐसा कैच पकड़ लेते हैं, एक विकेट गिर जाती है, तो पूरी की पूरी टीम की ऊर्जा बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक और चीज जो दिखने लायक है वो ये भी है कि भिलवाड़ा टीम का जो गेंदबाजी यूनिट है वो पूरा कैपिटलाइज करने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार गैप ढूंढा है, गेंद बाउंड्री रोप के पास जाएगी, फील्डर जब तक पहुंचते ज्यादा काम बचा नहीं था उनके पास करने के लिए। मोहित की सदी हुई गेंदबाजी के ऊपर चौका निकालने का मतलब है कि आपके अंदर वो क्लास है। गेंद स्विंग जरूर हुआ था, लेकिन अंत में आके बैट खुद खोला, दो खिलाड़ी मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट और दोनों के बीच में से वो गैप ढूंढना काबिले तारीफ, और बढ़िया वो चौका बैक पॉइंट, वो क्षेत्र वो पसंद है रामनिवास को। जब इधर से गेंदबाजी कर रहे थे मोहित के खिलाफ, वहीं पे पॉइंट दिशा में वो चौका जड़ा था। वो लेट खेलना पसंद करते हैं मोहित को, जानते हैं कि मोहित की भी ताकत क्या है। वो जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगा वो ये है कि तीन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया और तीनों ने ही वो दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि आशीष थोड़े से महंगे साबित हुए थे अपने दूसरे ओवर में, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी क्लास है वो उन्होंने बताई है, वो कंसिस्टेंसी जिसके साथ वो गेंदबाजी कर सकते हैं उससे साफ दर्शाया है कि एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट है भिलवाड़ा के पास। पाँचवें ओवर की आखिरी गेंद 33 बोर्ड पर ऑलरेडी लग चुके हैं। सलमान खान स्ट्राइक पे, फुल एंड डिलीवरी थी, हल्के हाथों से प्लेस किया, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। पांच के बाद सीकर का स्कोर 34, एक विकेट के नुकसान पे। शेखावती सोल्जर सीकर को 113 रन बनाने हैं, अब तक 90 गेंदें बाकी हैं इस मुकाबले में। पहला विकेट कमाया है उन्होंने 34 के स्कोर पर, तो पांच ओवर के बाद 34 रन शेखावती सोल्जर्स का स्कोर है इस समय। बहुत अच्छी एक सॉलिड बुनियाद रखने की कोशिश सलामी चोड़ी की, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट के फॉर्मर विकेट कीपर अजय रात्रा। लेग स्टंप से काफी बाहर अजय, वाइड बॉल डाल दी हेमंत ने। जी, और अब तक अच्छी शुरुआत, जो आस्किंग रेट है लगभग उसके आसपास स्कोर चलता हुआ, और जो अभी तक दीपक चहर ने गेंदबाज यूज किए हैं, अभी तक फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया है और स्पिनर्स को अभी मौका नहीं दिया। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है। तीन गेंदों का, गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, आशीष जिन्होंने दो ओवर डाले, थोड़े महंगे रहे, 20 रन खर्च किए उन्होंने। मोहित ने अच्छा स्पेल डाला, अभी तक दो ओवर में 12 रन खर्च करके एक मात्र सफलता जो मिली वो उनके नाम है। हेमंत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में है। दीपक चहर खुद अब तक गेंदबाजी के लिए नहीं आए हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चोट जो बल्लेबाजी के दौरान उन्हें लगी थी उसका कहीं असर है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेल गए, लेकिन जितनी उम्मीद थी बॉल को उतना शक्ति के साथ प्लेस नहीं कर सके। समर्थक बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। 36 एक विकेट के नुकसान पर जबरदस्त क्राउड इस समय राजस्थान प्रीमियर लीग के इस मुकाबले का लुत्फ लेता हुआ। हेमंत इस ओवर में अगली बार, तीसरी गेंद है हेमंत की और इस बार गेंद को खेला था, गेंद सीधे गई मिड विकेट पर, फील्ड हुई और कोई रन बनाने का मौका नहीं।
या और रामनिवास जो है अभी 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए अपनी इस छोटी सी पारी में अभी तक। पिछला स्ट्रोक बड़ा अच्छा था, इन फ्रंट पुल शॉट खेले और वो अलग बात है कि उस पर उनको रन्स नहीं मिले, सीधे फील्डर के हाथ में गई। बट अभी तक बात करें पावर प्ले की तो सीकर की टीम ने एक अच्छी शुरुआत की है, 36 रन हो चुके हैं। हवा में बॉल थी, पावर प्ले में ही आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। दूसरा रन काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए पूरा किया, थोड़ा सा खतरा, थोड़ा सा जोखिम, और इतना जोखिम तो बनता है। छठा ओवर चल रहा है। यह शॉर्ट बॉल था, पिछली बार ग्राउंडेड शॉट खेले थे तो फील्डर के हाथ में गई थी, इस बार उन्होंने बॉल को हवा में उछाला और मौका था यहाँ दो रन लेने का उनके पास। अच्छा तालमेल भी था रन बिटवीन द विकेट्स। और जब हम T20 की बात करते हैं, जब मार्जिन विक्ट्री और डिफीट का बहुत कम रह जाता है, तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा रन लेना या फील्डिंग में आप अपनी टीम के लिए रन बचाते हैं। काफी शॉर्ट बॉल रामनिवास के लिए, लेग अंपायर की तरफ वो देख रहे थे, अंपायर ने कह दिया कि आपने अपना एक शॉट पिच बाउंसर मार दिया ऑलरेडी। जी अच्छा शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं रामनिवास चाह रहे थे कि उनको वाइड करार दिया जाना चाहिए, बट अंपायर का कुछ और निर्णय, उन्होंने एक वार्निंग जरूर दी गेंदबाज को बाउंसर के लिए। और ये पहले पावर प्ले की लास्ट बॉल, ये एक बार फिर से शॉर्ट बॉल और कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला पावर प्ले खत्म होने पर सीकर का स्कोर 38-1। पावर प्ले में भीलवाड़ा पुल्स ने 3 विकेट गवा दिए थे और सिर्फ 28 रन बनाए थे। और अगर आप उस लिहाज से देखें तो 38 रन बना दिए हैं शेखावती ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, तो बेहतर स्थिति में है जरूर, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, अनिश्चितता का क्रिकेट, जहां बेहद मजबूत स्थिति भी कब आपको परेशानी में डाल सकती है इसका आप एहसास नहीं कर सकते। 6 ओवर समाप्त हुए हैं, 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 147 का लक्ष्य है और इस तीसरे मैच में लीग में यह सबसे बड़ा स्कोर किया था इससे पहले भीलवाड़ा बुल्स ने। और आशीष को फिर से वापस लेके आए, अभी तक 2 ओवर में 20 रन खर्च किए, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया दीपक चहर ने अपने फास्ट बॉलर्स पर, अभी तक स्पिनर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए इन स्पाइट ऑफ दैट कि आशीष जो है अपने पहले 2 ओवर में महंगे साबित हुए थे। कुणाल सिंह राठौर विकेट के पीछे मौजूद हैं, मुस्तैद हैं, काफी पीछे स्टंप से, बाएं हाथ से ये गेंद थोड़ा अंदर की ओर आती हुई और हल्के से गेंद को पुश किया, ओवर थ्री की यहां गुंजाइश हो सकती थी लेकिन दिलचस्पी दिखाई नहीं, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। या एक और टाइट रन यहां पर सलमान और रामनिवास ने चुराया, कोशिश जरूर की थी डायरेक्ट हिट मारने की बट सलमान सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए थे। और एक अच्छा मैं कहूंगा बैकिंग अप, एक फील्डर नहीं 2 फील्डर बैकिंग अप थे जिसकी वजह से वो ओवर थ्रो की संभावना खत्म की। सलमान वन डाउन बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 4 रन बनाकर खेल रहे हैं अब तक और रामनिवास ने पारी की शुरुआत की है 22 के साथ नाबाद। इंतजार किया बॉल का और आखिरी समय में सिर्फ उस बॉल को एक दिशा देने की कोशिश की मोहित जैन ने, गेंद को फील किया थर्ड बैंक की पोजीशन पर और वापस पोलर के पास जैसे जैसे शाम ढलती गई।
दर्शकों का जोश और जुनून सर चढ़कर बोलता गया। सबकी अपनी अपनी टीमें हैं, कोई भिलवाड़ा का सपोर्टर है, कोई शेखावटी सोल्जर सीकर का सपोर्टर है, और हर कोई अपनी युवा प्रतिभाओं को बेहतर करते हुए, खुद को तराश कर एक हीरे में तब्दील करते हुए देखना चाहते हैं। ऑन द राइज खेले इस बार, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, दो की मांग और कंफर्टेबली उसको पूरा भी किया। आशीष ने अपने स्पेल में अपना साइड चेंज किया, पहले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अभी राउंड द विकेट आए हैं, थोड़ा सा क्रैम करने की कोशिश है बल्लेबाजों को, और स्लोअर बॉल का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए अभी तक आशीष, बट खासा इस्तेमाल किया उन्होंने अपना स्लोअर बॉल का। कैमरा अगर आपके चेहरे पर है तो आपको उसका एहसास हो जाता है, ये अलग बात है कि आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, उसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, और क्रिकेट और कैमरा दर्शकों के बीच का ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोमांचक लगता है। इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से केवल खेल दिया, किसी रन के लिए नहीं। सातवां ओवर इस समय जारी, तीसरा मुकाबला पहला सीजन राजस्थान प्रीमियर लीग का, और इस मुकाबले के साथ ही जो छह टीमें इस लीग में शिरकत कर रही हैं, अब सबको एक एक मैच खेलने का मौका मिल चुका है। कल दो और मुकाबले होंगे, तो इस तरह से यह सफर बढ़ता जाएगा। 31 तारीख तक ये मुकाबले जोधपुर में और 3 तारीख से जयपुर में खेले जाएंगे। आशीष, और एक बार फिर शॉर्ट पिच पटकने की कोशिश, गेंद को देखा, अपने शरीर को अलग किया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। जी संजय, और जैसे आप जिक्र पहले ही शॉर्ट बॉल देख लेते हैं, अच्छा इस्तेमाल किया रामदेव वासा, गेंद जरूर अंपायर की तरफ देख रहे थे कि कहीं उनको, बट कोई गुंजाइश नहीं थी यहां पर वाइट बॉल के लिए। अभी तक इस ओवर में 5 रन खर्च किए आशीष ने, पहले दो ओवर में जरूर महंगे साबित हुए थे। और जो रन रेट अभी तक कम कह रहे हैं कि 5 ओवर के बाद लगभग 7 का था, वो कहीं थोड़ा सा पिछले दो ओवर में भीलवाड़ा ने अपनी तरफ उसको थोड़ा सा रुक किया है। 7वें ओवर की समाप्ति के नज़दीक है, यहाँ 43 स्कोर हो चुका है सीकर टीम का। जोखिम लेना चाहते थे लेकिन वक्त पर इरादा त्यागा, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और शेखावटी सोल्जर सीकर का स्कोर है 43-1 विकेट पर। भीलवाड़ा बुल्स, आशीष ने अब तक 25 रन दिए हैं, कुल मिलाकर 3 ओवर डाल चुके हैं वो। मोहित को 2 ओवर्स में 12 रन देने पड़े लेकिन 1 विकेट लेने में भी कामयाबी हासिल हुई है उन्हें। चौकों छक्कों पर स्टेडियम थिरकता है, यहां बैठे दर्शक आनंदित होते हैं। अजय परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी में लगाए गए हैं, कुल मिलाकर ये चौथे गेंदबाज हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है भीलवाड़ा बुल्स के लिए। अजय के लिए फील्ड थोड़ी सेट की जा रही है, और आप जानते हैं कि पावर प्ले ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आगे बुलाना चाहते थे बल्लेबाज को लेकिन अपनी जगह पर खड़े होकर बल्ला चलाने की कोशिश। जी ऑफ स्टंप के बाहर में कट करना चाहते थे सलमान, बट थोड़ा सा शॉट में लेट हो गए, बॉल का लाइन मिस किया उन्होंने, और यहां बॉल घुमाया, यहां
स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे या सलमान, और अजय ने उनके बढ़ते कदम देखे, बॉल का लेंथ थोड़ा सा खींचा, थोड़ा स्लो किया, जिसके चलते बॉल घूमा और सलमान के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत आगे निकल आए थे और जब तक पीछे लौटने का इरादा बनाते भी तब तक उनकी गिल्लियां बिखर चुकी थी, तो स्पिनर को लाने का यहां पर एक एडवांटेज मिला। दूसरा विकेट गवा दिया है शेखावटी ने। सलमान आउट होकर के गए हैं 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मीत ने कैच किया जय की बॉल पर। टीम के कप्तान अब क्रीज पर आए हैं महिपाल लोमरोर, और इनकी आतिशी बल्लेबाजी से हर कोई वाकिफ है। 86 मैचों में 1727 रन। ये कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और अजय ने जो है बॉल को उसमें रिप डाला और ज्यादा बॉल घुमा, शायद थोड़ा सा पहले स्टेप आउट कर गए थे। इरादा बुरा नहीं था यह सलमान का, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। काफी नाराज हुए सलमान बॉलर के ऊपर, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, और पता नहीं क्यों डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के लिए इतना आगे निकले। अगर आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाते तो शायद उसकी वजह बनती, और उसके बाद पूरी तरह से चूक गए, वापस लौट नहीं पाए। 8वें ओवर की 3री गेंद। जी हाँ, और एक बहुत खूबसूरत शॉट लगाया यहाँ पर आते ही लोमरू ने, थोड़ा बॉल छोटा देखा, पीछे गए, वेट को पीछे ट्रांसफर किया और एक अच्छा पुल शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री मिली उनको। बिल्कुल परफेक्ट टाइम के साथ ये पुल किया लोमरू ने, और पहली गेंद का सामना किया और किस कॉन्फिडेंस के साथ चौका लगाया, ये बताता है कि वो किस कद के बल्लेबाज हैं। कद भले ही छोटा हो उनका, लेकिन बल्लेबाजी का कद बहुत बड़ा। अपील जरूर की है यहाँ पर, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी सहमत नहीं उसे। आम बॉल का इस्तेमाल किया था यहाँ अजय ने। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर यह अपील क्यों हुई, समझ से परे। शायद ऐसा एहसास हुआ हो इन्हें कि शायद बल्ले का कोई कोना उसने लिया होगा, और इस बार फ्लाइटेड गेंद उठा दिया है हवा में, और इसके साथ ही यह छक्का। एक पल के लिए लगा कि शायद कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठे, लेकिन बड़ा छक्का। जी हां, एक बार फिर स्पिन के साथ बहुत बड़ा शॉट खेले, क्लॉक स्वीप था ये, और शॉट खेलते हुए कोई भी शंका नहीं थी उनको, एक अच्छा कनेक्शन, इतना कनेक्शन की बाउंड्री के बाहर गिरा। कहीं ना कहीं संजय जो दीपक चहर ने फील्ड लगाई है उनके लिए शॉर्ट लेग रखा है, T20 में अमूनन ये फील्डर हमें देखने को नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी इनके माइंड में प्ले कर सकती है। इस मुकाबले को जो विशिष्ट अतिथि हैं वो देखते हुए, उसका लुत्फ लेते हुए, 53 विकेट के नुकसान पर शेखावटी सोल्जर्स सीकर का स्कोर। और ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के ठीक पीछे गए, हाथे से केवल गेंद को मोड़ा, दिशा दी, एक रन दौड़ करके पूरा किया, और इस एक रन के साथ अब पारी का 8वां ओवर समाप्त हुआ। 54 विकेट पर शेखावटी का स्कोर। ਉਹ ਗਾਣਾ
रामनिवास 23 की व्यक्तिगत रन संख्या पर और ग्लोमरोर 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दो विकेट पर 54 ये स्कोर इस समय शेखावटी सोल्जर सीकर का। और ये किस टीम से हैं, किस टीम के सपोर्टर हैं ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्रिकेट को ये दिल से चाहते हैं ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लखन भारती गेंदबाजी के लिए लाए गए हैं, तो अब स्पिनर्स पर थोड़ा ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद को खेलने की कोशिश, एक रन दौड़ के पूरा किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज कहूंगा मैं, क्योंकि लमरू जो शॉट्स लगाना पसंद करते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाज जनरली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट उनको डोमिनेट करने का खुशी, तो एक चैलेंज दिया है यहाँ दीपक चहर ने, दोनों एंड से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लगाया है। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, संभवतः उसी सोच के साथ दीपक चहर ने यह तय किया हो। बहुत अच्छी फील्डिंग, एक रन की अगर कोई गुंजाइश बन सकती थी तो उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, नकार दिया। 55 दो विकेट के नुकसान पर सीकर का स्कोर। रामनिवास इस बॉल को उन्होंने खेला मिड विकेट पर, एक रन पूरा किया। लुमरोर की दिलचस्पी दूसरे रन में भी थी, लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्टि। इस पर थोड़ा क्रॉस द लाइन खेले थे, थोड़ा रिस्क हो सकता था, बट वो कहते हैं कि T20 में आपको वो रिस्क लेना होता है। लमरू जो सिर्फ अभी अभी क्रीज पे आए हैं, 5 गेंदों का सामना किया है और इसमें 12 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। बल्ले का सिरा लेती हुई गेंद सीधे चली गई 4 रनों के लिए बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से निकलता हुआ ये चौका। या थोड़ी विड्थ ऑफर की थी, जोर से मारा, बाहरी किनारा लगा, कॉन्फिडेंस वाला शॉट तो नहीं था, बट अगर वो 4 रन अगर मिल रहे हैं तो आप हमेशा एक्सेप्ट करोगे इस T20 क्रिकेट में। बिल्कुल T20 क्रिकेट यानी कि रनों की दरकार, कैसे आते हैं, कितने आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, कितने आते हैं का फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस बार एक रन के लिए सिर्फ ये प्रयास। या एक बात है, या लोमरू ने जिस तरह से स्टार्ट की अपनी इनिंग की, वो तेज गति से रन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वैसे भी बहुत स्ट्रोक प्लेयर है और उनके सामने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगाए तो उसका भी एडवांटेज लेना चाहते हैं। सिर्फ 7 गेंद पर 17 रन, अपील जरूर हुई, संभवतः लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर ये वाइड बचाने की कोशिश भी हो सकती है। लेग बाई के लिए इशारा आया अंपायर का, अतिरिक्त रनों की संख्या में 1 का इजाफा, नवा ओवर समाप्त हुआ और स्कोर है 62 दो विकेट पर सीकर का स्कोर। और इसके साथ ही घड़ी दिखा दी गई यानी कि टाइम आउट की शुरुआत। Come on.
थैंक यू एक बार फिर वंदे मातरम वंदे मातरम एक बार और सिंग इट लाउडर वंदे मातरम थैंक यू एवरीवन लव यू लॉट काउंटडाउन स्टार्ट होता है 10 9 8 7 6 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त यहां समाप्त हुआ चाहता है और ऐसा लगता है कि दर्शक थोड़ा सा व्यग्र हो रहे हैं क्योंकि मुकाबला अब अंजाम तक पहुंचने की दहलीज पर है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंद को खेला कवर्स की दिशा में, रन दौड़ना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हुए लम्ब्रोर ने कहा नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है रन दौड़ने में, तुरंत अपने पैर वापस खींचे। ये दीपक चहर ने एक और बॉलर इंट्रोड्यूस किया है, जुबेर अली खान अपना पहला ओवर लेकर आए हैं, एक और फास्ट बॉलर, तो चौथे फास्ट बॉलर हैं जो इस्तेमाल किए गए। दीपक चहर ने अभी गेंदबाजी नहीं की है। अच्छी गेंद और पूरे पल्ले के बीचों बीच मिडल नहीं कर पाए बॉल को, लेकिन एक रन लेने का पर्याप्त मौका, पर्याप्त समय था उनके पास। जुबैर अली खान आपको याद होगा इस मुकाबले की पहली गेंद पर आउट हुए थे, पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। एक अच्छे ऑलराउंडर, न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंदों से भी अपना जौहर बखूबी दिखाते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर वो स्विंग करती हुई गेंद, ऋतुराज की याद होगी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था आज ऋतुराज ने। ये अच्छा स्विंग कराया था उन्होंने बॉल को, और जब अप फ्रंट आप विकेट्स निकाल के देते हो तो किसी भी टीम को बड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल लम्ब्रू जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब से वो क्रीज पे आए हैं राम निवास जो है थोड़ा सा उनको स्ट्राइक कम मिली है, बहुत ज़्यादा वो बल्लेबाजी का मौका नहीं दिया। लम्ब्रू 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, 7 बॉलों का सिर्फ सामना किया है इन्होंने। इंतज़ार किया ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी फुलर लेंथ की डिलीवरी थी और बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से तकरीबन यॉर्क कराने की कोशिश, थोड़ी सी स्लो जुबैर की, लंबा कद है जुबैर का और थोड़ा बहुत कद्दों का भी इस्तेमाल करते हैं तेज गेंदबाजी में, गेंद को उछाल देने की कोशिश में। 10वां ओवर चलता हुआ, राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 मुकाबला नंबर 3, शेखावती सोल्जर्स सीकर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। यार थोड़ा सा बॉल में पेस निकाला था, स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया है यहाँ जुबैर ने और कोई मौका नहीं था रन लेने का। स्पेक्टेटर्स जो है पूरा मजा ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कंपैरेटिवली रात वाले मैच में स्पेक्टेटर्स काफ़ी बड़े हैं, मौसम भी बेहतर हुआ है और मुझे लगता है कि स्कूल की छुट्टी के बाद और ऑफिस के काम खत्म करने के बाद वो आए हैं। मोड़ना चाहते थे, पुल करना चाहते थे लेकिन गति में थोड़ी सी कमी दिखाई दी विविधता के तौर पर। जी हाँ, वो कहते हैं स्लोअर भी जो है बैक ऑफ द आर्म फेंकी थी, जो पकड़ पाना या पढ़ पाना डिफिकल्ट होता है, और इफ यू टॉक अबाउट चेंज ऑफ पेस वो भी काफी डिफरेंस लगा था उसमें। तो एक बड़े शॉट का प्रयास किया रामनिवास ने, बॉल एयर में है, 2 फील्डर बॉल के नीचे हैं, प्रयास जरूर किया कवर्स वाले फील्डर ने उल्टा भागते हुए, और यहां दीपक चहर मिड ऑफ पे थे, दोनों में अगेन तालमेल की कमी, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कहते जब बॉल एयर में जाए तो आपको कॉल करना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरत, 10 ओवर समाप्त, 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
पिछले ओवर में एक अच्छा मौका बना था, जुबेर ने एक स्लोअर बॉल पे रिसीव किया था राम निवास को, बॉल एयर में रही काफ़ी टाइम तक, लेकिन दो फील्डर्स में तालमेल की कमी, दीपक चहर भी बॉल की तरफ गए, वहाँ से कवर्स वाले फील्डर भी आए, ज़रूर समझाने की कोशिश कर रहे हैं दीपक चहर की कैच मेरा था, और कहते हैं जब कैच के लिए जाएं, जो कैच जिसके सामने है उसका कैच बंधा है, क्योंकि सामने वाला कैच पकड़ना कंपेरेटिवली आसान है। यहाँ तब्दीली हुई कॉम बॉक्स में, निखिल ने ज्वाइन किया, स्वागत है निखिल। शुक्रिया अजय जी, बिल्कुल गेंद बहुत देर हवा में थी, वो क्लियर कॉलिंग होनी बहुत ज़रूरी। दीपक चहर यही समझा रहे थे कि मैं मिड ऑफ से उधर की तरफ ज़्यादा आसानी से पहुंच जाता, स्टंप्स के बहुत करीब तक देखा है महिपाल लोंगो, और स्पिन के खिलाफ तो वो प्रेशर बना के रखा, पेस के खिलाफ अभी तक वो बाउंड्री नहीं नजर आई। प्ले बॉल, क्या प्लेड बॉल, अंपायर शायद यही इशारा अजय को कर रहे थे वो अपील के कि क्या वो गेंद बैट के अंदरूनी भाग पे लगी थी। लगता है कि अगर अंदरूनी भाग नहीं लगा तो काफी क्लोज हो सकता था। इस पर लेंथ खींची अपनी अजय ने और बहुत ही बेहतरीन शॉट खेले, तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और उससे भी बेहतरीन फील्डिंग की उन्होंने, अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर दो रन बचाए। सो ये फुल लेंथ ड्राइव किया बाउंड्री पे, दो फील्डर कोशिश कर रहे थे और दो रन यहां प्लस टू में आएंगे। धाते नहीं होगी लंगलोर की टाइमिंग की, इतना शॉर्ट नहीं था लेकिन शॉर्ट आर्म जैब गैप में खेलना, दो रन वहां पे जरूर बचाए, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट के बिल्कुल बीचों बीच में वो गेंद लग रही है, थोड़ा सा खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये कांटे का मुकाबला होगा, 8.5 रन प्रति ओवर, आपको बाउंड्रीज लगानी भी है बगैर जोखिम उठाए, क्योंकि अगर यहाँ से मुकाबला जीतना है तो बहुत बड़ा एक योगदान चाहिए होगा कप्तान महिपाल लोमरोड़ के बल्ले से। ये अच्छा नेक टू नेक चल रहा है मुकाबला, 7 का रिक्वायर्ड 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है रिक्वायर्ड, और 7 के आसपास ये चल रहा है। यहाँ लोमरो का विकेट मुझे लगता है कि भीलवाड़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं मैच को जल्दी दूर ले जाएंगे। यहाँ राम निवास ने अपने हाथ खोले हैं और एक बड़ा शॉट, यहाँ पर स्लॉग स्वीप खेला, कंट्री वाली पोजीशन पे गई और पूरे 6 रन यहाँ उनको मिले 11 की समाप्ति पर 75 पे 2। जुबेर एक बार फिर अपने स्पेल को कंटिन्यू करते हुए टाइट लाइन पे गेंदबाजी की। और लोमरू जो है 21 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल फिर डबल हेडर है और भीलवाड़ा जो अभी मैच खेल रहे हैं कल फिर उनका डे गेम है, भीलवाड़ा का मुकाबला होगा जयपुर इंडियंस से और सनराइजर्स जोधपुर खेलेंगे। और यहाँ हाथ खोलने का मौका मिला लोमरू को, लोमरू को जो भी मौका मिल रहा है यहाँ वो उसको दोनों हाथों से ले रहे हैं, थोड़ा विड्थ मिला और बिल्कुल भी कोशिश नहीं की उसको नीचे रखने की। ओवर द विकेट वो गेंद जो जुबेर ने डाली थी उस एंगल का बहुत अच्छी तरीके से वो इस्तेमाल किया, टाइमिंग लाजवाब, हमेशा वो पॉइंट के सर के ऊपर से वो शॉट खेलने की वो कोशिश, और बाउंड्रीज लगाते रहेंगे तो फिर वो दबाव राम निवास के ऊपर भी नहीं रहेगा। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पे राम निवास के बल्ले से वो छक्का नजर आया था, बहुत जरूरी भीलवाड़ा के लिए कि लोमरोर का विकेट लिया, कहीं ज्यादा बेहतर अच्छी लाइन और वो लेंथ से बीट हुए
लेकिन ये कांटे का मुकाबला रहेगा क्योंकि आपके पास दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जब तक महिपाल सामने क्रीज पे बने रहेंगे तो आप एक और ओवर जुबैर का निकालने की कोशिश रहेगी क्योंकि एक गेंदबाज कम है। दीपक चाहर अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे तो वो एक परेशानी का सबब रहेगा और ये चीज़ महिपाल लोमरोड भी जानते हैं, तो वो रणनीति अपनी बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, उस बॉल के बाद, बाउंड्री बॉल के बाद अच्छी वापसी की जुबैर ने, तो बहुत सटीक गेंदबाजी की उन्होंने, कहीं रूम नहीं दिया और लोमरो को कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तो एक अच्छी वापसी चौके के बाद अभी तक 8 रन खर्च किया अपने दूसरे ओवर में है। इस छोटे से स्पेल में एक चांस क्रिएट किया था उन्होंने पिछले ओवर में जो मिस हुआ, और इस तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो मुश्किल हो जाएगा भीलवाड़ा के लिए। एक और कट शॉट मार के भागते चले गए वहाँ, और नॉन स्ट्राइकर जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, और इम्पोर्टेंट विकेट लोमरो के रूप में सिकर टीम का गिरा। बहुत इंटरेस्टिंग लोमरो की कॉल थी क्योंकि कवर्स की दिशा में गेंद गई थी, उनका कॉल था। इस ओवर में एक वो चौका जरूर आया, वो दो डॉट बॉल वो स्ट्राइक रोटेट करना चाह रहे थे, बैकअप बिल्कुल नहीं किया वहाँ पे राम निवास, और इसीलिए कप्तान भी ना खुश। लेकिन बहुत बड़ी ये सफलता भीलवाड़ा के लिए। क्या ये टर्निंग पॉइंट इस मुकाबले का हो सकता है? सेट बैट्समैन कप्तान महिपाल लोमरोड रन आउट, इनका छी पारी कैमियो, 25 रन बना के 18 गेंदों में 79/3 इस समय। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि थर्ड एम्पायर एक बारी करीब से देखना चाहते हैं, क्या राम निवास का बल्ला अभी भी हवा में था जब लोमरोड का बल्ला क्रीज पे आया, तो यानी कि लोमरोड क्रीज पे बने रहेंगे और राम निवास को वापस जाना होगा। ये इंटरेस्टिंग कहानी में फिर से ट्विस्ट, और मुझे लगता है कम से कम महिपाल लोमरोड उस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बेहतर एंगल रहेगा, ये इंटरेस्टिंग है। राम निवास वापस जरूर जा रहे थे लेकिन बैट उनका अभी भी हवा में था, दूसरा वो एंगल बेहतर है। ये एंगल ये देखिए, राम निवास अभी भी नहीं देख रहे कि कहां पे है कप्तान लोमरोड, उनका बैट हवा में है, और यानी कि रन कंप्लीट हुआ, क्रॉस हुए और राम निवास को वापस पवेलियन जाना होगा। जी हाँ निखिल, बहुत इंटरेस्टिंग। लोमरो तो एक बार पवेलियन की तरफ चले गए थे बट थर्ड अंपायर ने वहां को बुलाया, और रूल के तहत अगर जो बैट्समैन पहले क्रीज में इन हो गया तो वो दूसरा बैट्समैन आउट करार दिया जाएगा। सो लोमरो जो है वापिस आ रहे हैं, नॉट आउट करार दिए गए हैं, और राम निवास को वापिस जाना पड़ेगा। अब थोड़ी नाराजगी भी कम होगी, कप्तान महिपाल लोमरो नाखुश थे, वो चाहते थे वो रन, उन्हीं का कॉल था। राम निवास एक अच्छी पारी उन्होंने भी खेली 33 रनों की, अगर वो रन आउट होते हैं भीलवाड़ा के लिए कम से कम ये साझेदारी 36 रनों की थोड़ी। अब थर्ड एम्पायर और करीब से देखना चाहते हैं, राम निवास का बल्ला अभी भी हवा में और लोमरोड ने क्रॉस किया, वो पांव जो है क्रीज में है तो क्लियर वो नजर आ रहा, राम निवास वापस जाना होगा। और यही थर्ड एम्पायर पुष्टिकरण करते हुए ऑन फील्ड एम्पायर को कि महिपाल लोमरोड क्रीज पे बने रहेंगे, राम निवास वापस पवेलियन जाना होगा। 33 रनों की एक ये अच्छी पारी राम निवास की, 79/3 सीकर। इंटरेस्टिंग वो 36 रनों की साझेदारी जिस तरीके से चल रही थी राम निवास और लोमरोड के बीच में, ऐसा लग रहा था कि सीकर गेम लेके निकल जाएगा, लेकिन ये T20 मुकाबले 120 गेंदों के फॉर्मेट में एक रन आउट, एक अच्छा गेंद आपको हमेशा गेम में वापस ले आता है। आस्किंग रन रेट अभी भी 8 से ऊपर की है। जी हाँ निखिल, और यही
इस T20 फॉर्मेट को बहुत खास बनाता है कि कोई भी टीम दो ओवर तीन ओवर के हेर फेर में मैच ऊपर नीचे निकल जाता है, और ये क्रिकेट के लिहाज से अच्छा भी है। जिस तरह से शुरुआत हुई, सॉलिड स्टार्ट की सीकर ने, फिर एक बैट्समैन आउट हुआ, उसके बाद 36 रन की पार्टनरशिप डेवलप हुई, अभी विकेट गिरा। सो आस्किंग रेट 8 का है। यहाँ से नए बल्लेबाज कार्तिकेय आए हैं क्रीज पे, तो यहाँ से एक पार्टनरशिप जरूर इनको यहाँ बुननी होगी। तो एक छोटी बॉल का इस्तेमाल किया, पुल करने की कोशिश की कार्ति ने, और कंट्रोल में नहीं थे। एक रन जरूर मिलेगा, और 12 ओवर की समाप्ति पर 80-3 सिकर। सड़सठ रन चाहिए, अभी भी 48 गेंदे, रोमांच भरा यह मुकाबला। 43 रन दीपक चहर के बल्ले से, करण के 32 नवादे, 146 रन, 147 का लक्ष्य सीकर। कप्तान महिपाल लोमरोर 25 रनों की एक अच्छी पारी अब तक क्रीज पे बने हुए 18 गेंदों पे, आस्किंग रन रेट लगभग 8.5 का। कार्तिकेय नए बल्लेबाज क्रीज पे, और साथ में मेरे साथ आयुष, स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल। और क्या रोमांचक दृश्य थे वो। फिलहाल एक स्लिप लगा रखी है, और गेंदबाजी करने के लिए अजय दो ओवर में 20 खर्च किए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्शन है बल्लेबाज के लिए रीड करना, लेकिन सिंगल मिलेगा। रामनिवास ने सोचा था कि वो यदि दौड़ेंगे तो आउट हो जाएंगे, लेकिन यदि दुर्भाग्य आपके दो कदम आगे खड़ा हो तो आप ना दौड़े फिर भी आउट हो जाएंगे, और वही उनके साथ हुआ। बहुत ज़रूरी कि वो गेम अवेयरनेस, वो सिचुएशन, गेम में इतना इन्वॉल्व थे, समझ ही नहीं पाए। वो दुख था कि कप्तान रन आउट हो गए, उसी के बारे में सोच रहे थे, ये भूल गए थे कि बैट जो है वो क्रीज में ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। लेकिन कम से कम कप्तान महिपाल लोमरोर थोड़ा सा निराश हुए थे, वो नाराज़गी साफ तौर से वो नज़र भी आ रही थी। अब यहाँ से उनको मुकाबला जिताना, क्योंकि एक बारी पवेलियन के रास्ते निकल गए थे कि वो रन आउट, लेकिन थर्ड अंपायर की इंटरवेंशन पे वो क्रीज पे बने हुए, और यही अपेक्षा कर रहे होंगे सीकर की पूरी टीम कि महिपाल लोमरोर इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी इस टीम में, कप्तानी पारी खेलें, वो 26 रनों की ये जो पारी है इसको बड़े स्कोर में तब्दील करें और मुकाबला जिताएं। एक अच्छा डिफेंसिव शॉट ऑफ किया कार्तिकेय, विकेट के पीछे अच्छा काम किया है, और अब बल्ले से वो रन बनाने की बारी आई है। और शायद अब मुझे समझ में आया कि वो ए लाइंस में क्यों कहा जाता है, दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लें। करते ही बोल देना भाइयों। महिपाल लोमरोर वो शायद ऐसा सोच रहे थे कि रन आसानी से लिया जा सकता है, हालांकि तालमेल में थोड़ा सा एरर था। लेकिन एक और चीज़ भी है, हर बढ़ते दिन के साथ, हर बीतते दिन के साथ जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, तो बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बेहतर होगी, और आपस में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी बनेगी। उसी बीच एक और सिंगल। महिपाल लोमरोर बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिचुएशन में कौन से बॉलर को टारगेट करना है, खासतौर से जब चेस करें इस खिलाड़ी को, बखूबी वो आता है। 86 मुकाबले, 1753 रन, 10 अर्धशतक है, 125 की स्ट्राइक रेट से वो 1753 रन बनाया अपने T20 करियर में, तो मंझे हुए खिलाड़ी है। 86 मुकाबले T20 करियर में, अलग अलग सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, और मज़े की बात ये कि अनुभवी खिलाड़ी जो है वो ताड़ लेता है, 8.5 रन प्रति ओवर बनाने, तो कौन से गेंदबाज कितने ओवर बचे उसको ताड़ेंगे। 85-13 के बाद over, 85-3.
भिलवाड़ा इस समय 78 पे था, 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे, तो उस लिहाज से तो परिस्थिति अच्छी नज़र आ रही है सीकर की। और स्पेक्टेटर्स उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी के वो गुच ओवर, वो चुनिंदा ओवर कॉम्पिटिटिव रहे एटलीस्ट। पेसर्स सबसे ज़्यादा यदि हमने किसी टीम में देखे हैं तो वो ये है, ज़ुबैर जो अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, 2 ओवर ऑलरेडी कर चुके हैं, ओपन करते हैं बल्लेबाजी में और मीडियम पेस गेंदबाजी भी करके दिखाते हैं। एक अच्छा ऑलराउंड यूनिट है सीकर के लिए। ये 14वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, ये मूविंग ओवर होना चाहिए, खासतौर से कार्तिक वो साझेदारी बनाने के लिए। आप लोमरोर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बनने दें, क्योंकि अब आस्किंग रन रेट जो है वो 9 की हो गई है। अगर आप 9-10 रन इस ओवर में नहीं बनाते तो बहुत जल्दी ये 9.5 और 10 रन प्रति ओवर हो जाएगी, यानी कि आपको फिर 2 बाउंड्रीज हर ओवर में चाहिए होंगी। तो ये इस ओवर की वो 5 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होंगी सीकर के दृष्टिकोण से भी। बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल था नहीं, लेकिन थर्ड मैन की तरफ गेंद गई और महत्वपूर्ण ये है कि स्ट्राइक रोटेट होती रहे। महिपाल लॉमरोड अब स्ट्राइक के ऊपर आए, और जैसा निखिल भाई आपने बताया कि कार्तिक की उम्मीद ये होगी और उनसे टीम भी यही चाहेगी कि ज़्यादा डॉट्स ना निकालें, नहीं तो फिर प्रेशर लॉमरोड के ऊपर बहुत हो जाएगा। वहीं पे दाद देनी होगी ज़ुबैर की, दीपक चहर गेंदबाजी नहीं कर रहे, प्रतिभाशाली वो एक हरफन वाला खिलाड़ी, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग बैट्समैन और जो तेज़ गेंदबाजी करते हैं। अपने तीसरा ओवर डाल रहे हैं, मात्र 10 रन दिए हैं, चलिए उसमें 4 रन और जोड़ लीजिए। थ्रू द लाइन लॉमरो दहाड़ते हुए कहते हैं क्रीज पे अभी मैं बना हुआ हूँ, प्रेशर मेरे ऊपर नहीं गेंदबाज के ऊपर रहेगा। क्लास थी उस शॉट में, बॉडी की बहुत ज्यादा मूवमेंट की आवश्यकता थी नहीं, भांप लिया था कि 30 यार्ड के घेरे को एक बार यदि पार कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर 4 रन मिलेंगे। स्ट्राइक बैट्समैन जो फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं ज़ुबैर, अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गए नहीं थे, 2 ओवर में 9 रन दिए थे। आशीष का इस्तेमाल किया, 3 ओवर उन्होंने डाले, 25 उन्होंने खर्च किए, मोहित ने 2 ओवर कर लिए, 3 ओवर अजय ने, 2 हेमंत ने, लखन ने 1 ओवर किया। वो गेम अवेयरनेस जो हम अनुभव की बात कर रहे थे, वो चौका इस ओवर में, ये मूविंग ओवर लॉमरोड ने भी कैलकुलेट किया होगा, वो चौका लगाया उसके तुरंत बाद सिर्फ सिंगल, क्योंकि इस ओवर में 9 रन आ जाते हैं, वो आस्किंग रन रेट आपके कंट्रोल में है, आप अपने कंट्रोल से उसको बहुत आगे भागने नहीं देना चाहते। इंटरेस्टिंग रहेगा इस ओवर के बाद, वो 6 ओवर दीपक चहर ने गेंदबाजी करानी है अपने बॉलर से, पेस बॉलर के। अभी भी ज़ुबैर अगर रिकॉर्ड डालते हैं तो 6 ओवर स्पिन के, तो शायद महिपाल लॉमरोड के सामने बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर अजय को एक और ओवर देंगे। अगर एक और ओवर देंगे तो फिर महिपाल लॉमरोड उस एक ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अजय का वो अंतिम ओवर रहेगा उनके स्पेल का, तो उसको कैपिटलाइज करने को देखेंगे। और साथ ही साथ आईपीएल में जिस जिस टीम के साथ महिपाल रहे, इनका रोल भी वही फ्लोटर का रहा है। इनको 4 नंबर पर बल्लेबाजी कराई गई है, 5 पे 6 पे 7 तक इन्होंने बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, का मतलब ये कि मिडिल ओवर्स में भी खेल सकते हैं, स्लॉग ओवर्स में भी बल्लेबाजी करने का तजुर्बा। अच्छी गेंद थी, 5वें स्टंप के आसपास अच्छे उछाल के साथ आई थी, पॉइंट की तरफ उसे खेला था, और जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए देखेंगे थोड़ा मुश्किल। 14 की समाप्ति के बाद सीकर का स्कोर में एक और रन का इजाफा होगा, 10 में 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से जो गणना है वो ओवर्स की जा रही होगी, कौन सा गेंदबाज किस समय पे ओवर डालेगा और किस गेंदबाज के कितने ओवर बचे हैं। आशीष जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, 1 ओवर उनका बचा है, ज़ुबैर का भी 1 ओवर बचा है, अजय ओवर तो उनका भी बचा है, लेकिन क्या उनको लाया जा सकता है। लखन जो स्पिनर है, 1 ओवर उन्होंने कराया, 7 रन खर्च किए थे, लेकिन जैसे जैसे डेथ ओवर की तरफ ये मुकाबला बढ़ रहा है, शायद वो स्पिनर की रिस्क विशेषकर महिपाल लॉमरोड के सामने लेना नहीं चाहेंगे। इस ओवर की पहली 2 गेंदें बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी, ये चीज़ समझते हैं महिपाल लॉमरोड, ये
अजय के स्पेल का अंतिम ओवर है, 9 रन प्रति ओवर चाहिए तो पहली दो गेंदे आप कैपिटलाइज करने को देखेंगे ताकि इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील कर पाए। अच्छी गेंद और अच्छी फील्डिंग, वो एंटिसिपेशन दिख रहा है आज हमें, उन्हें पता है कि महिपाल उन पे चार्ज ऑन करेंगे तो कम से कम वो साइकोलॉजिकल प्रेशर तो अपने आप पे ना बिल्ड होने दें। अच्छी खासी दौड़ करी और फिर डाइविंग एफर्ट के साथ गेंद को रोका, स्टेप आउट जरूर किया था महिपाल ने लेकिन गेंद बॉडी लाइन के ऊपर, और ऐसे में अपने आप के लिए रूम क्रिएट करना कभी भी आसान नहीं होता। अब अजय के लिए कम से कम इस अगली गेंद पे एक अच्छा असर है कि आप कार्तिक को थोड़ा फंसाएं, अगर सिंगल नहीं देते तो वो एक और इस ओवर की गेंद वो डॉट बॉल रहेगी, क्योंकि दूसरे छोर पे चाहे महिपाल लोमरोर हो आस्किंग रन रेट 9.5 का तो वो दबाव महिपाल लोमरोर भी महसूस करेंगे। इनसाइड आउट और कमाल का ये चौका, ये प्रेशर रिलीज करेगा सीकर के ऊपर से भी। फ्लाइटेड गेंद थी वो, विकेट खरीदने की कोशिश अजय की लेकिन कदमों का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था, गेंद की पिच तक पहुंचे, सिर्फ टाइम किया, प्लेस किया, मच नीडेड बाउंड्री सीकर के लिए। और वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, पिछली बार लॉमरोड ने स्टेप आउट किया था हालांकि बाउंड्री कंसीड नहीं कर पाए, सिंगल से काम चलाना पड़ा लेकिन कार्तिके कट करने की कोशिश, एक आम डिलीवरी, बहुत ज्यादा उछाल था नहीं, विकेट कीपर ने आसानी के साथ गेदर किया है। बाउंड्रीज के साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ज्यादा डॉट्स ना निकालें, अब तक इस पारी में 36 डॉट गेंदों का सामना किया है। पैट्स पे थी कलाई का इस्तेमाल करके उसे दीपक चहर जो कि टीम के कप्तान है आज गेंदबाजी करते नजर नहीं आए क्योंकि शायद वो रनिंग बिटवीन द विकेट के समय वो स्लिप हुए और रिस्क नहीं लेना चाह रहे, लेकिन लग्जरी उनके पास ये है कि उनके गेंदबाजी ना करने के बावजूद भी सूरत हाल जो मुकाबले का है वो उनके पक्ष में, 35 डॉट्स, 36 सिंगल्स, डबल्स भी 6 हमें देखने को मिले हैं, 9 चौके अभी तक इस इनिंग में लगे, 2 बड़े हिट्स आए हैं 6 के तौर पर, एक और रन चाहिए और फिर वो आंकड़ा डबल से ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा। देना, 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 देना। सिंगल 7 ओवर की समाप्ति या 2 की मांग, 2 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तो उसी के साथ ओवर की समाप्ति भी होगी और 100 का आंकड़ा भी पार करने में कामयाबी मिलेगी 101 3 विकेट के नुकसान पे। समय जो है वो साथ ही साथ होगा टाइम आउट का। Yeah.
एक अनाउंसमेंट है, ये कंसोल की तरफ देखिए, किसी लेडी का एक बैग रह गया है। सब कुछ हो रहा है बरतुल्ला खान स्टेडियम में, हमने आज सब कुछ देख लिया। एक ऐसा रनआउट जो एक रन के लिए लगा था कि कोई और खिलाड़ी जाएगा, लेकिन वक्त परिस्थिति सब कुछ बदल गई। टाइम आउट का समय भी समाप्त हो चुका है। सीकर की टीम का स्कोर 101 तीन विकेट के नुकसान पे। आखिरी के 5 ओवर बचे हैं और ये स्पेक्टेटर्स, इनका जोश, इससे साफ पता चल रहा है कि अभी भी ये मुकाबला फंसा हुआ है, किसी भी तरफ ऊंट करवट ले सकता है। एक तरफ कार्तिकेय और लोमरोड की ये जोड़ी जो अपने लिए वो पार्टनरशिप को 22 पे बिल्ड कर चुकी है, तो दूसरी तरफ जुबैर अपना आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, मेरे साथ संजय बैनर्जी, स्वागत है दादा। थैंक यू आयुष। ये देखिए आते ही साथ चौका लग गया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। आपने कहा ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, अगर ऊंट खड़ा रह जाए तो उसकी भी संभावना है, टाई हो सकता है मुकाबला, लेकिन फिर वो पॉइंट्स टेबल में उस ऊंट को बिठाया जाएगा। चलिए जोक सपाट, लेकिन एक बात तो है संजय दा कि आपका स्वागत सिर्फ कमेंट्री बॉक्स में हमने नहीं किया, बल्लेबाज को भी पता है कि वहां परिवर्तन हुआ है। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, लेकिन गेंद सीधे गई मिड विकेट पर और वहां इकलौते रन की गुंजाइश। जुबैर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। जुबैर आज बल्ले से कुछ नहीं कर पाए थे, आपको याद होगा पहली गेंद पर उनका विकेट गिरा था और उसके बाद से एक प्रेशर बिल्ट हुआ था भीलवाड़ा बुल्स के ऊपर, तो अब उन्हें गेंदबाजी से कुछ करने की जरूरत है। और उस समय तो सर शायद सीकर की टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि जुबैर गेंदबाजी भी करेंगे, शुरुआत में तो हल्के में लिया होगा। लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे और आपको याद होगा इससे पहले रन आउट देने की गुंजाइश थी, बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहे थे, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि लमरोर वहां आ चुके हैं। ब्लॉक हॉल में गेंद डाली है, अच्छी गेंदबाजी की है। ऐसे समय पे गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया गया था जब दीपक चहर गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद अपनी इकोनॉमिकल गेंदबाजी के चलते इंप्रेस किया जुबैर ने। बैटिंग ऑलराउंडर्स, वो भी मीडियम पेसर्स, आमतौर पे देखने को मिलते नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी छाप भी छोड़ते हैं, और जिस तरह से जुबैर हैं, क्योंकि वो सलामी बल्लेबाज हैं अपनी टीम के और उसके बाद मध्यम तेज गति के गेंदबाज भी हैं, और ये अलग बात है कि आज पहली बॉल पर वो आउट हो गए थे, अन्यथा उनसे एक उम्मीद की जाती कि बेहतर ऑलराउंडर वो साबित होंगे। चौथा ओवर यानी कि उनका कोटा अब समाप्त हो रहा है और उसकी आखिरी गेंद वो फेंकने वाले हैं। उनका कोटा समाप्त हो रहा है, लेकिन कोटा का मुकाबला आज जो समाप्त हुआ था वो उनके पक्ष में गया नहीं था, उदयपुर से शिकस्त मिली थी। बिल्कुल, क्योंकि उनका कोटा था नहीं आज जीत का, और इस बार इस बॉल को मोड़ दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। आखिरी गेंद पर 4 रन और मिलेंगे और इन 4 रनों के साथ अब 111 तीन विकेट पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद। सोलह की समाप्ति के बाद सीकर का जो स्कोर है वो 111 तीन विकेट के नुकसान पे। दो बल्लेबाज जो क्रीज पे इस समय मौजूद है वो महिपाल लोमरोड और उनके साथ कार्तिकेय हैं, लेकिन ये फ्लड लाइट जो इस समय काम नहीं कर रही है इसका मतलब ये है कि खेल में थोड़ा सा खलन होगा, लेकिन स्पेक्टेटर्स, इनके एंजॉयमेंट में कोई रुकावट नहीं आने वाली है, ये एंजॉय करते आपको नजर आएंगे। राजस्थान प्रीमियर लीग का दूसरा ये दिन
कल इनॉग्रेशन हुआ था, पहला मैच जोधपुर और जयपुर के बीच में खेला गया, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल इस मुकाबले का, इस इनिंग का विशेष कर रहा है, शुरुआती झटका ज़रूर लगा था जुबैर के रूप में, लेकिन उसके बाद वापसी करने की कोशिश की है। सीकर की टीम के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से रन निकाले ज़रूर हैं। राम निवास जो रन आउट हो गए थे 33 के स्कोर पे, लेकिन उससे पहले अंकित को शिकार बनाया गया, फिर सलमान का विकेट विपतित हुआ स्पिनर के तौर पे। अच्छा कार्य करने के लिए लखन को बुलाया जरूर गया था, मोहित को भी एक विकेट मिला और फिर वो ड्रॉप हाफ चांस, हवाई फायर करने की कोशिश, चाहे ऑन साइड हो चाहे ऑफ साइड हो, शॉट्स हर तरीके के देखने को मिले, कट अच्छा निकाल के दिखाया, पुल अच्छे करके दिखाया आज सीकर के बल्लेबाजों ने। ये वो क्षण था जब एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि महिपाल लॉन्ग रोड आउट है, लेकिन फिर जब वो निर्णय आया तो पता चला कि राम निवास क्योंकि क्रीज के बाहर थे, उनको बाहर की तरफ जाना पड़ा। 111 तीन विकेट के नुकसान पे, यहां से 9 रन प्रति ओवर चाहिए। भिलवाड़ा बुल्स के लिए सबसे ज्यादा रन उनके कप्तान दीपक चाहर ने बनाए 43, करण के बल्ले से 32 रन आए, नाबाद पारी उन्होंने खेली थी, मीत ने 32 बनाए थे, कुणाल ने 21 रन का इंपॉर्टेंट योगदान दिया, महज 10 गेंदों में वो रन उनके पास गए। तो वहीं ऋतुराज ने घातक गेंदबाजी की, 4 ओवर 17 रन दिए के 3 विकेट चटकाए। महिपाल लामरोड टॉप ऑफ द बैट्समैन अभी नाबाद है, 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो राम निवास जो कि सेकेंड हाइएस्ट स्कोरर रहे अभी तक शेखावटी टीम के लिए, 33 रन उन्होंने बनाए, कार्तिक के 20 पे नाबाद, मोहित को एक विकेट, अजय को एक सफलता और एक जो रनआउट हुआ वो करण ने किया था। तारीफ करनी पड़ेगी इस टीम की, दीपक चहर जो सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर है, उन्होंने गेंदबाजी नहीं की उसके बावजूद भी दबाव बनाने में कामयाबी रखी अभी तक। तकनीकी बाधा की वजह से इस मुकाबले को भी थोड़ा सा रुका गया है, लेकिन इस सेलिब्रेशन में तो कोई रुकावट नहीं है, वो तो जारी रह सकता, उसके लिए पर्याप्त प्रकाश है, पर्याप्त रोशनी है। और ये देखिए अपनी ऊर्जा, ऊष्मा, चुस्ती, फुर्ती, फिटनेस सब कुछ बना करके रखने की कोशिश, और ये प्रयास सतत चलते रहना चाहिए। इसमें अगर विराम आया तो आपके करियर पर विराम आ सकता है। ये थेरा बैंड है जिससे स्ट्रेचिंग की जा सकती है, और उसी के चलते ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। और अंक तालिका क्या कुछ अभी सूरत हाल चल रहा है इस टूर्नामेंट में, इस लीग में, जयपुर इंडियंस 10 विकेट से वो पहला मुकाबला जोधपुर के खिलाफ जीता था, तो अंक तालिका में टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल आपको नजर आएंगे। नेट रन रेट 3.081 का है, उनसे जस्ट नीचे उदयपुर की टीम है जिन्होंने आज अपना पहला मुकाबला जीता है, हालांकि उनकी नेट रन रेट अभी तक वो सिंगल डिजिट में पहुंची नहीं है, कुछ अशायरों में चल रही है। शेखावटी और भिलवाड़ा जो ये मुकाबला अपने नाम करेगी वो तीसरे पायदान पर रहेगी, जिसने मुकाबला गंवाया चौथा पायदान उन्होंने पाया, कोटा ऑलरेडी एक मैच गंवा चुकी है, और जो इनॉग्रल मैच था वो गवाया था जोधपुर ने। लेकिन अच्छी चीज ये है कि फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब मैच आगे की तरफ बढ़ सकता है, गेंदबाजी दोबारा से की जा सकती है। दीपक चहर एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ जरूर था, उसी के चलते गेंदबाजी तो नहीं की, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी की है, अपने गेंदबाजों को रोटेट बहुत अच्छे तरीके से किया है। स्पेक्टेटर्स तक म्यूजिक का लुफ्त उठा रहे थे, अब लुफ्त उठाएंगे वो क्रिकेट का। आखिरी 4 ओवर, इस परिस्थिति में भिलवाड़ा का स्कोर 107 रन था 4 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अभी भी 4 रनों की लीड आप कह लीजिए सीकर के पास है, लेकिन कब तक वो लीड अपने पक्ष में रख सकते हैं ये एक सवाल है। 9 रन यहां से प्रति ओवर यदि बना लेते हैं तो जीत उनके पास, और ये बिल्कुल संभव है क्योंकि आखिरी 4 ओवर बाकी है, 7 विकेट सुरक्षित हैं, और T20 के हिसाब से इसे एक मजबूत स्थिति कही जा सकती है। कट करने की कोशिश थी, कोई रन बनाने का मौका नहीं, एक बॉल और कम हो गई,
तो 23 गेंदे बाकी, थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर इस समय शेखावटी पर पड़ रहा है, लेकिन जब तक लोमरोर विकेट पर हैं, आखिरी की 5, 7 या 10 गेंदे भी काफी होंगी इस मुकाबले के परिणाम के लिए। दो ओवर हेमंत के बच रहे हैं, यानी कि ये ओवर वो कर रहे हैं, इसके बाद उनका एक ओवर रहेगा। मोहित के 2 ओवर हैं, आशीष का भी 1 ओवर है, का मतलब ये कि मीडियम पेसर्स आपके पास पर्याप्त। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे धकेला है ऑन साइड में, ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी, पुल करके ऑन साइड में लेकर आए, लेकिन रन सिर्फ 1 मिलेगा। महिपाल लॉमरोड धीरे धीरे वो दबाव वो भी महसूस करेंगे, क्योंकि अब वो रन रेट जो इस ओवर की शुरुआत से पहले 9 पे थी, वो 9.5 से ऊपर जा चुकी है। 35 रन की जरूरत, 22 गेंदें बाकी हैं, और ये मुकाबला अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। जिस तरह से खुला हुआ है, 9.55 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, लेकिन ये आखिरी के ओवर हैं और यहाँ पर 10 की औसत के कोई खास मायने नहीं होते हैं। और इस बार गेंद का इंतजार किया, हल्के से टैप किया, और जब तक गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जाती, 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है, या तो रन नहीं मिल रहे हैं, डॉट बॉल रखी जा रही है, या 1-1 रन दिए जा रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है वो दबाव और बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, लोमरोर इस समय विकेट पर हैं, ऐसे में कम से कम रनों का दबाव आखिरी 10 गेंदों पर भी वो खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, थर्ड मैन के खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर थे उनको सर्कल के अंदर बुलाया गया, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद। इसका मतलब है कि ऑफ स्टंप के बाहर आप रूम दे नहीं सकते, लेकिन इस बार रूम दिया है, खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, चौका मिलेगा। महिपाल लॉमरोड जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, गेंदबाज की गलती, और भरपूर फायदा उठाया। शॉर्ट पिच गेंद, विड्थ ऑन ऑफर, स्लैश करना था, कट खेलना था, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, ना ही बैकवर्ड डीप पॉइंट पे, ना ही कोई खिलाड़ी वहां थर्ड मैन की दिशा पे जो गेंद को रोक पाता, वहां तक पहुंच पाता, या शायद पहुंचने की सोच भी पाता। बॉल की उछाल का जो इस्तेमाल किया जा सकता था वो बहुत खूबसूरती के साथ किया, और अब 117 3 विकेट पर। ओ, इस बार पहले से कमिट हो गए थे स्ट्रोक के लिए। जब आप पहले से तैयार हो जाते हैं तो गेंदबाज आपको भांप लेता है, और वही हुआ, लोमरोर पहले से कमिट हुए, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले और तुरंत अपनी गेंद में तब्दीली की। यहां पर हेमंत, एक और गेंद बची इस ओवर में। दीपक चहर लगातार वो फील्ड परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन जब बल्लेबाजी करते हैं तो हर गेंद के साथ आपको वो फील्ड के अंदर परिवर्तन करने होते हैं। फाइन लेग को पीछे भेजा गया सर्किल पे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी फेंस के आसपास नजर आ रहा है। ओवर की आखिरी गेंद, एक और पट की भी गेंद, इस बार फिर उसे खेल दिया पॉइंट की दिशा की तरफ, चौका मिलेगा। 2 बाउंड्रीज इस ओवर में आई है, जिस बड़े ओवर की दरकार थी वो यहाँ सीकर की टीम ने पाया है। महिपाल लॉमरोड अपने आप को फॉर्म में रखने की कोशिश कर रहे थे, वो फॉर्म पिछले 2 बाउंड्रीज के चलते आया है। इतनी ज्यादा विड्थ दे दी यहाँ पर हेमंत ने, ये स्ट्रोक बनता था और ये चौका भी बनता था बहुत ही इत्मीनान के साथ। इतनी चौड़ाई अगर आप बॉल में देंगे तो फिर स्ट्रोक लगेंगे। 17 ओवर के बाद शेखावटी 121 3 विकेट पर। आशीष, जिन्होंने 3 ओवर ऑलरेडी कर लिए, मोहित के 2 ओवर बचे हैं। पिछला ओवर हेमंत का थोड़ा सा महंगा गया था, उससे पहले के जो 2 ओवर किए थे बड़े किफायती थे, लेकिन जब रन नहीं देने थे तभी उन्होंने रन लीक किए। तो यहां से कहानी ये है कि 3 ओवर का खेल बचा है,
फुलर लेंथ की गेंद और इसको तकरीबन हाफ वॉली पर लिया, थोड़ा सा धीमी गेंद थी और कोई दिक्कत नहीं हुई स्ट्रोक लेने में। मोहित का ये तीसरा ओवर है, शेखावटी सोल्जर्स सीकर को सिर्फ 25 रन चाहिए 17 गेंदों में। रन और बॉल के बीच जो फासला था वो अब कम हो गया है और इस फासले को पूरी तरह से पाटा जा सकता है क्योंकि 7 विकेट सुरक्षित हैं और जब आपके पास विकेट्स हैं तो रन्स और ओवर के फासले को पाटने में परेशानी होती नहीं है। लोमरोर 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया है। कार्तिकेय ने उनका बखूबी साथ दिया, अब तक 16 गेंदों में 22 रन बनाए। जीतेगा भाई जीतेगा। थोड़ा सा समय ले रहे हैं दीपक चहर, मोहित जिस तरीके की फील्ड चाहते हैं उस तरीके की फील्ड उनको दी जा रही है। एक्स्ट्रा कवर को डीप भेजा गया है, पॉइंट की दिशा में जो खिलाड़ी है उनको भी फेंस के आसपास लगाया गया, बैकवर्ड पॉइंट एक मौजूद, तो 3 वो खिलाड़ी जो ऑफ साइड में फेंसिंग कर रहे हैं, तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पे फेंस पे तैनात। फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ साइड में थी, फील्डर को बीट किया है, लेकिन दूसरी तरफ से वो फेंसिंग पे जो खिलाड़ी को लगाया गया था एक्स्ट्रा कवर को डीप एक्स्ट्रा कवर पे तब्दील किया गया था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और कुछ महत्वपूर्ण रन बचाए। एक बार फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और अपनी जगह पर खड़े होकर के फुटवर्क का इस्तेमाल किए बिना स्ट्रोक खेला। चलिए रन मिला और अब लोमरोर स्ट्राइक लेंगे 124 पर, 48 पर पहुंच गए लोमरोर, अर्धशतक की तहलीज पर हैं, तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। मोहित की तीसरी गेंद तीसरे ओवर की और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और ये होता है जब कोई बल्लेबाज बहुत अटैकिंग हो, पूरी तरह से सेट हो चुका हो, आखिर के ओवर हो, तो गेंदबाज पर किस तरह का दबाव पड़ता है वो मोहित पर पड़ रहे दबाव से समझा जा सकता है। लगातार वो विड दे रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल रख रहे हैं और इस बार तो इतनी विड दे दी कि वो वाइड में करार हो गई। जैसे एक्सपेंडिचर्स के लिए कहा जाता है कि खर्ची और फिजूल खर्ची में एक बहुत मार्जिनल लाइन होती है और उसको पहचानना आसान नहीं होता, उसी तरीके से आप गेंद को दूर रखना चाहते हैं या वाइड करार करा देते हैं, उसमें मार्जिन को पहचानना आसान नहीं। लो फुल टॉस थी जरूर, भाग्यशाली रहे कि गेंद को बाउंड्री में तब्दील नहीं किया। लोमरोड अपने अर्धशतक के एक और कदम पास पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइक करने के लिए कार्तिक है। चौथा अर्धशतक होगा ये इस लीग का, तीसरे मैच में चौथा अर्धशतक लोमरोर का नहीं, लोमरोर तो पहले ही मुकाबला खेल रहे हैं। कुल मिलाकर जो 3 मैचेस हुए हैं वो चौथे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया और इस बार बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए बिल्कुल सामने यानी कि लॉन्ग ऑन की दिशा में बेहतरीन छक्का उठा दिया और इसके साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 132। वो लॉफ्टेड शॉट जिसमें कलाइयों का भी इन्वॉल्वमेंट था और कनेक्शन के साथ ही साफ पता चल रहा था वो कि वो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाएगी। फैंस के पास महिपाल लोमरोड के जहन से जो जज्बात निकल रहे हैं, जो जज्बात उमड़ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वो जीत की जो मंदी मंदी सुगंध है वो शायद उनको आ रही है। कार्तिकेय सामना करेंगे अगली गेंद का और अब सिर्फ 15 रन की जरूरत 14 गेंदों में, यानी कि तकरीबन बराबर गेंद और रनों का जो फासला है वो अब समाप्त हो चुका है। मोहित इस ओवर में अगली बार बहुत कमजोर गेंदें डाल रहे हैं मोहित, इसमें कोई शक नहीं, और इस बार काफी शॉर्ट पट की थी उन्होंने, गेंद उछली तो नहीं लेकिन बल्लेबाज को काफी वक्त मिला उस गेंद को प्लेस करने के लिए, एक रन दौड़ करके और पूरा किया 133/3। एक और जो गेंद इस ओवर में डाली जानी है, महिपाल लोमरोर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक रन और दूर है वो अपने अर्धशतक से,
लेकिन मोहित के इस ओवर की यही कहानी रही है, जिस तरफ फैंस पे ज्यादा फील्डर्स है उसी तरफ गेंदबाजी करा रहे हैं और डिफेंसिव होके बचने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद को सिर्फ गाइड किया और अपने पहले ही मुकाबले में टीम के कप्तान महिपाल लोमरोड ने अपना अर्धशतक पूरा किया। एक ऐसे क्षण पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जहां उनकी टीम एक तरह से कह लीजिए पिछड़ तो नहीं रही थी लेकिन डिफेंसिव थी, थोड़ी सी बैकफुट पे थी, वहां से अपनी टीम की पारी को संभाला और उस मुकाम पे ले आए जहां से सिर्फ और सिर्फ पाली समरी नहीं है बल्कि आगे भी बढ़ रही है। 18 की समाप्ति के बाद स्कोर 134 तीन विकेट के नुकसान पे। बारह गेंदें बची हैं लेकिन रन जो है वो आपको 6.50 के रन रेट से बनाने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा टफ ये चीज़ रहने वाली है नहीं यदि थियोरेटिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली बहुत कम सही, लेकिन हमने देखा है गेंदबाजों को इन रन को भी डिफेंड करते हुए। आशीष जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे 19वें ओवर की पहली गेंद करी है, एक सिंगल निकाला और इससे काम चल जाएगा। लोमरोड जो अर्धशतकीय पार की पारी आज खेली है और ये वो रन था, वो आखिरी रन था जिसके चलते उन्होंने गेंद को सिर्फ दिशा देके अपने स्कोर कार्ड की दशा बदल दी, अर्धशतक पे पहुंचे और उनके जो ड्रेसिंग रूम है उससे भी वही सपोर्ट आया। जडेजा आड़ा बल्ला चलाते हैं, ये वो हवा में हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे दादा। बिल्कुल, इनका हेलीकॉप्टर हवा में ही घूमेगा जिस तरह की बल्लेबाजी ये करते हैं। 51 अर्धशतक लगा चुके हैं 38 गेंदों का सामना करने के बाद, जीत की मंद मंद खुशबू तो जरूर मिलने लगी होगी और इस छक्के के बाद वो खुशबू निश्चित तौर पर काफी तेज हो जाएगी। बेहतरीन छक्का यहां पर कार्तिकेय के बल्ले से निकलता हुआ और अब स्कोर पहुंच गया 141 तीन विकेट पर। राजस्थान प्रीमियर लीग में अभी तक जो कहानी रही है वो यही है, जो टीम चेस कर रही है वो मुकाबले अपने नाम कर जा रही है और अभी भी सूरत हाल कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। कार्तिकी के उस शॉट को अप्रिशिएट किया गया, ये भी अच्छी चीज है। स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे आप जानते हैं कि हर एक मैच की कहानी अलग होती है लेकिन यदि किसी खिलाड़ी ने क्लास दिखाई है तो उसका अप्रिशिएशन भी उतना ही महत्वपूर्ण। 10 गेंदे 6 रन, एक और बड़ी हिट, मुकाबले का काम तमाम। अभी तक हमने एक भी मुकाबला चेस करते हुए नहीं देखा है कोई भी इनिंग में कि आखिरी ओवर में गया हो। बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार कट कर दिया लेकिन बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं। एक रन दौड़ करके पूरा किया, इस एक रन के साथ अब स्कोर पहुंच गया 142, यानी कि दरकार है सिर्फ 5 रनों की और लोमरोड स्ट्राइक लेंगे, क्या छक्के के साथ वो पूरा करेंगे। इस तरीके से अर्धशतक लगाया था महिपाल लोमरोड ने, एक अच्छी आतिशी सेंसिबल पारी खेली, 6 चौके जड़े, 1 छक्का जड़ा, लेकिन जब जब उनको रूम दिया गया उन्होंने बल्ले को अच्छी तरीके से स्लैश किया, वो कट शॉट्स काफी अच्छे खेले, ना सिर्फ ऑन साइड में बल्कि ऑफ साइड में भी यदि आप रन बनाते हैं इससे ये पता चलता है कि आपकी क्लास अद्भुत है और वो आज इस खिलाड़ी ने साबित किया। एक बड़े हिट की दरकार है, अच्छी स्लोवर बाउंसर, अच्छी स्लोवर वन थी वो कटर गेंद जिसके चलते दोहरे उस सोच में डाला होगा महिपाल को, खेलें ना खेलें, खेलें ना खेलें और आखिर तक छोड़ने में भलाई समझी सही फैसला लोमरोड का। जब आप जरा सी भी दुविधा में हो किसी बॉल के प्रति तो बेहतर है कि उसे छोड़ दें बशर्ते वो स्टंप में ना आ रही हो, अगर स्टंप में आ रही होगी तो आप फिर दुविधा में होंगे नहीं, आपको पता है कि आपको उसे खेलना ही है। और इस पर फिर शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर और इसे वाइड करार दिया गया,
दूसरी बार उन्होंने, और वैसे भी काफी बाहर गेंद थी ये, तो अतिरिक्त रन की संख्या में इजाफा हुआ और अब 5 रनों की जरूरत है जीत के लिए। और वो पिछले अतिरिक्त रन के चलते अब सिर्फ 4 रन चाहिए, 8 गेंदें इस मुकाबले में बची हैं। लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ महिपाल लॉम्बरोड गेंदबाज को देख रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके जहन में कुछ अलग चल रहा है। एक और शॉर्ट पिच गेंद, दूसरी जो अनुमति है उसे अंपायर ने इशारा कर दिया कि आपने अपने कोटे की जो 2 बाउंसर्स हैं वो डालनी है, अब तीसरी मत डालिएगा अन्यथा एक गेंद एक्स्ट्रा मिलेगी, एक रन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। मुझे लगता है कि लोमरोर अब छक्के से नीचे कुछ लगाने वाले नहीं है, कनेक्ट होने की देर है और ये आखिरी बॉल आनी है इस ओवर की आशीष की। ये लीजिए, आपने कहा लोमरोर ने किया, एक और शॉर्ट गेंद थी उसे बाउंड्री में तब्दील किया, 6 रन के साथ में पारी की समाप्ति की, मुकाबला सीकर ने अपने नाम किया, अपने ओपनर बिलवारा का काम तमाम किया। पहली मुलाकात हुई, 2 टफ कप्तान आमने सामने, महिपाल ने अद्भुत पारी खेली है, 57 रनों की वो नाबाद पारी, 41 गेंदों का सामना किया और ये इंश्योर किया कि जब तक उनकी टीम वो मुकाबला अपने नाम ना कर जाए, वो क्रीज से बाहर ना जाए। यादगार पारी लोमरोर की। अगर इस मुकाबले को शेखावटी सोल्जर सीकर ने जीता है तो कप्तान लोमरोर की उसमें बहुत बड़ी भूमिका। दीपक चहरा आज बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा जख्मी हुए और ये वो विनिंग स्ट्रोक, जबकि गेंद को उठा दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए लोमरोर में। दीपक चहर अपने प्रदर्शन से बहुत खुश नहीं होंगे, आज गेंदबाजी तो उन्होंने की नहीं, कप्तानी ठीक ठाक की और बल्ले से भी जौहर दिखाने का प्रयास किया ठीक खेले बैटिंग से। बिल्कुल दादा, 3 छक्के लगाए थे दीपक चहर ने, अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन वो एक दृश्य हमने देखा था जब स्पेक्टेटर्स ने वो कैच कलेक्ट किया था, तो उन्होंने फिर वो एक्शन करके भी दिखाया कि अब आप इस गेंद का करेंगे क्या, मुकाबला समाप्त हो चुका है, बतौर यादगार मैं इस गेंद को ले जाता हूं। और आपने तो वो लम्हे जी लिए एग्जैक्टली। तो चलिए, सूरत हाल क्या कुछ रहा, क्या कुछ इस मुकाबले में हुआ, वो एक बार थियोरेटिकली रिवाइज कर लेते हैं। अनिकेत, अंकित माफ कीजिए, उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी रामनिवास के साथ, रामनिवास की पारी थोड़ी लंबी चली, 33 रन उनके बल्ले से आए थे, अंकित ने महज 11 बनाए थे, सलमान एक छोटा सा कैमियो उन्होंने दिखाया, महज 7 रन की पारी खेली थी, अजय का शिकार बने, लॉम्बरोड फिनिश किया नॉट आउट रहे, 57 रन की आतिशी पारी खेली थी, सेंसिबल बैटिंग जिसे कहा जाएगा, बीच बीच में कुछ डॉट्स भी गई थी लेकिन जब रन बनाने थे तब उन्होंने रन बनाए और उनका साथ कार्तिकेय ने अद्भुत तरीके से निभाया, 36 पे वो भी नाबाद थे, 20 गेंदों का सामना किया, 180 के स्ट्राइक रेट से कार्तिकेय ने बल्लेबाजी की है। तो वहीं बिलवारा बुल्स के गेंदबाजों की कहानी ये है कि आशीष को बतौर इंपैक्ट प्लेयर के बुलाया गया था, हालांकि उनका इंपैक्ट इतना अच्छा गया नहीं, 4 ओवर में 40 रन उन्होंने खर्च किए थे, मोहित ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, एक सफलता उनको मिली थी, हेमंत 3 ओवर के अंदर 16 खर्च करके आए, अजय ने 1 विकेट निकाला था, 33 रन उन्होंने खर्च किए, 4 ओवर पूरा कोटा उनका समाप्त हुआ था, लखन जो कि स्पिनर थे उनको महज 1 ओवर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जुबैर ने अच्छी भूमिका निभाई, हालांकि बल्लेबाजी के तौर पे उनको रन मिले नहीं थे लेकिन गेंदबाज के तौर पे उन्होंने काफी इफेक्टिव गेंदबाजी करी। सीकर की टीम, उनके सामने भिलवाड़ा ने जो टारगेट रखा था वो चेस करने के लिए एक सदी भी शुरुआत की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहली ही गेंद में जुबैर आउट हुए थे और उसके बाद एक आला दर्जे का कैच राज ने पकड़ा, अंकित को शिकार बनाया गया, मोहित की वो गेंद थी, फिर बल्लेबाजी करने के लिए आए लॉम्बरोड जिन्होंने कुछ अच्छे हिट्स दिखाए थे, उनका साथ निभा रहे थे तब तक रामनिवास, कुछ ड्रॉप चांसेस भी आए, स्लॉग स्वीप्स, कट शॉट्स, पुल शॉट, सब कुछ इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी पार्टनरशिप के चलते दिखाया था। फिर ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ जिसमें ऐसा लगा जरूर कि महिपाल लॉम्बरोड रन आउट है, लेकिन फिर जब रेक्टिफाई किया गया तो पता चला कि उनके साथी खिलाड़ी रामनिवास को आउट दिया जाएगा।
और उसके बाद क्या था, कहानी बस यही थी। एक ही चीज इंश्योर करनी थी कप्तान साहब को, वो ये थी कि जब तक मुकाबला फिनिश ना हो वो क्रीज के ऊपर टिके रहे, वो जद्दोजहद जारी रखी। जब जब उनको वो रूम मिला उन्होंने उसको बाउंड्रीज में तब्दील किया। तीन कट शॉट्स के चलते वो बाउंड्रीज उनके आई और फिर कार्तिकेय ने बचा कुचा कारनामा उन बड़े हिट्स के तहत करके दिखाया। 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, लेकिन ये वो अर्धशतक के मोमेंट था जहां महिपाल लॉन्ग्रोड ने अपना पहला अर्धशतक इस एडिशन के अंदर कंप्लीट किया अपने पहले ही मुकाबले के अंदर। और फिर क्या तरीका ढूंढा था मुकाबले को समाप्त करने का, एक मैक्सिमम के साथ इस मुकाबले को अपनी टीम के